Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and doing well. I am your biology instructor, Dr. Jamshaid. Dear students, aaj hum MDCAT biology ka jo unit discuss karne lage hain, that is very very important, that is variation in genetics. So dear students, bachchon ko aksar concept ke hawale se is unit ke andar masla hota hai, unhe samajh nahi aata ki crosses kaise karwane hain, theek hai, number of gametes, types of gametes kaise find out karne hain, कैसे ट्रेड्स का रिलेशन है, ठीक है, सेक्स लिंकेज के अंदर मोस्टली इनको कन्फ्यूजन होती है. तो आज हम तमाम टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के हवाले से ज़रूरी है. तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते अपने टॉपिक की जानिब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हमारे पास टॉपिक है जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस की डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन है. तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जेनेटिक्स क्या है? दैट इज़ द स्टडी ऑफ जीन, ठीक है, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक्स. तो अगर आप जीन्स को स्टडी करते हैं, देखें जीन बेसिकली बेसिक यूनिट होता है इनहेरिटेंस का. इसी के थ्रू बेटा हमारे पास जीन्स की फॉर्म में जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं, वो किसके किस फॉर्म में होती है? जीन्स की फॉर्म में. अब गैमीट्स में बेटा हमारे पास हाफ नंबर ऑफ जीन्स पेरेंट्स से मेल पेरेंट्स से आती हैं, हाफ नंबर ऑफ जीन फीमेल पेरेंट्स से आते हैं. तो जब बेटा हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं दूसरे को, तो रिजल्टिंग जो हमारे पास जायगोट बनता है, जिससे कम्प्लीट एक इंडिविजुअल की डिवेलपमेंट होती है, तो उसके अंदर हाफ जीन्स कहाँ से आएंगे? मेल पेरेंट्स से और हाफ फीमेल पेरेंट्स से. तो एक्चुअली जो हमारे पास कैरियर है इन बायोलॉजिकल ट्रेड्स का, दैट इज़ जीन. तो बेसिकली जीन को हम स्टडी करते हैं कि जीन कैसे काम करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. तो इससे आप क्या पढ़ेंगे बेटा? दैट इज़ नॉन एज जेनेटिक्स. अब देखिए बेटा, हमारे पास इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स का मतलब ये भी होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, कि पेरेंट्स से बेटा बच्चों के अंदर नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसमिशन है बेटा बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक की या ट्रेड्स की, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस और द जेनेटिक्स. मैं पहले भी बात बता चुका हूँ बेटा कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक्चुअली ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, वो किस फॉर्म में होंगी? वो होंगी इन द फॉर्म ऑफ जीन. किसके थ्रू? थ्रू द गैमेट्स. अब देखिए बेटा, हमारे पास कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों में दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जो बिल्कुल वैसी होती हैं जो या तो मेल पेरेंट में ऐसी करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगी या फीमेल पेरेंट में, ठीक है. कुछ करेक्टरिस्टिक बेटा फादर से आती हैं हूबहू वैसी सिमिलर, और कुछ बेटा हमारे पास मदर से आती हैं. तो जो बेटा सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उसे आप क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज हेरिडिटी. तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स आर नोन एज हेरिडिटी. और बेटा कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों के अंदर दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स में तो नहीं होती, ना मेल पेरेंट में होती है ना फीमेल पेरेंट में होती है, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स बच्चों में मौजूद होती है, जिससे आप क्या नाम देते हैं? वेरिएशंस का नाम देते हैं. तो इन शॉर्ट, अगर हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ये बेसिकली हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी का नाम है, कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक की ट्रांसमिशन को आप देखेंगे जो बेसिकली सिमिलर हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, और कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स को आप देखेंगे जो बच्चों में होंगे और पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे. तो अगर इस हेरिडिटी और वेरिएशन को भी अगर आप स्टडी करते हैं तो इसे भी आप क्या नाम देंगे? जेनेटिक्स का नाम देंगे. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा हमारे पास जीन है. जीन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इट इज़ बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि जो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रही है, एक उसका जो बेसिक यूनिट है उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाला, दैट इज जीन. तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, सी एम सी क्यू जाते हैं. अब जीन्स एक्चुअली हैं क्या बेटा? हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जीन्स आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ डीएनए. डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा दैट कंप्राइज द बेसिक सीक्वेंस, ठीक है, जिसके अंदर बेटा न्यूक्लियोटाइड का एक बेसिक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और उस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है जो बेसिकली किसी फिनोटाइप या किसी ट्रेड को डिटरमाइन करती है वो प्रोटीन. तो इसे हम क्या नाम देंगे? जीन का नाम देंगे, ठीक है. तो आप याद रखने के जीन्स के दीज आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग इट्स बेसिक सीक्वेंस. अब इसमें होता है क्या बेटा कि जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट स्पेसिफाइज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. हमने कहा कि हमारे पास जीन होगा, देखें अब इस डायग्राम के अंदर देखें, ये डीएनए का पार्ट है जिसे आप जीन का नाम दे सकते हैं, ठीक है. अब इस जीन की एक कॉपी तैयार हो रही है जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए. तो डीएनए से क्या बन गया? मैसेंजर आरएनए. ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ठीक है, और आएगा राइबोसोम के पास, और इसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके आप स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन बन जाएगी. तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी जीन की शक्ल में, वो इन्फॉर्मेशन अब खुद को एक्सप्रेस कर गई है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक फिनोटाइप के ट्रेड को क्या करेगा? डिवेलप करेगा, ठीक है. तो इसलिए हम कहते हैं कि बेसिकली जीन क्या, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
और ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है ठीक है, ये पहले कॉपी होते हैं द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आर एन ए, जिसे ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद बेटा हमारे पास क्या होंगे, ट्रांसलेशन होंगे, जिसके थ्रू क्या तैयार होगी बेटा हमारे पास प्रोटीन तैयार होगी, जो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन को आप कह सकते हैं दिस इज अ बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन, के जीन ने खुद को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाई है, और ये प्रोटीन क्या करेगी बेटा उस इंडिविजुअल के अंदर, उस सेल के अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करेगी। क्लियर बेटा ये बात? देखें एन एमआरएनए कॉपी ऑफ द जीन इज मेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये मैसेंजर आरएनए बना है, और हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या होगा, अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे ठीक है, एक राइबोसोम ताकि प्रोटीन बना सकें, और इस प्रोटीन को इनकोड कौन कर रहा है बेटा, मैसेंजर आरएनए कर रहा है ठीक है। तो इस तरह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाती है जीन की, एक फिनोटाइप या हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट डिवेलप हो जाती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर बेटी बात? चलिए जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं लोकस क्या होता है। हमें पता है बेटा हमारे पास देखिए जो क्रोमोसोम है ठीक है, क्रोमोसोम में दो चीज़ें होती है, एक प्रोटीन होती है, दूसरा डीएनए होता है, और डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट को जो किसी प्रोटीन को बनाते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो बेटा हमारे पास क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी पोजीशन को आप क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज लोकस। तो लोकस क्या बेटा हमारे पास, दैट इज अ पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम ठीक है। तो पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। जैसे कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है जिसके दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, इसके पास बेटा हमारे पास दो अलील्स प्रेजेंट हैं ठीक है, मतलब ये अगर एक क्रोमाटिड होता तो हम कहते हैं एक कॉपी है अलील की। अब जब बेटा दो क्रोमाटिड्स बन जाते हैं तो वो अलील की कॉपी क्या हो जाती है बेटा, डबल हो जाती है ठीक है, कि यहाँ अलील होगा दूसरा यहाँ, और दोनों सेम होंगी। इनका जो दूसरा पार्टनर होगा अलील का, वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? एक होमोलोगस पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये तो एक ही है ठीक है, ये हमारे पास है सिस्टर क्रोमेटिड्स ठीक है, दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर हमारे पास जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे की कॉपी होती है ठीक है। अगर यहाँ एक डोमिनेंट एलील है तो यहाँ भी डोमिनेंट एलील होगा, यहाँ रिसेसिव है तो यहाँ भी रिसेसिव, और इसका दूसरा जो पार्टनर होगा जो जीनोटाइप को बना रहा है वो इसके दूसरे होमोलोगी जो क्रोमोसोम होगा उस पर मौजूद होगा। क्लियर बेटा? हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इन शॉर्ट लोकस क्या बेटा, दैट इज अ पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। जैसे कि हेयर कलर जीन है इसका लोकस ये है, आई कलर जीन का लोकस क्या बेटा यहाँ है, और आगे जाकर खुद को एक्सप्रेस करके ये क्या करवाते हैं बेटा, ट्रेड। देखिए ये हेयर कलर जीन है तो ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करवा रहा है हेयर का, और अगर हमारे पास ये आई कलर जीन है तो ये ब्राउन आई कलर प्रोड्यूस करवा रहा है ठीक है। तो ये आगे जाकर खुद को एक्सप्रेस करते हैं द फॉर्म ऑफ ट्रेड। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए अलील्स क्या होते हैं ठीक है। अलील बेसिकली क्या, दीज आर द पार्टनर ऑफ जीन्स ठीक है। ये बेटा हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कहलाते हैं अलील। अब देखते हैं बेसिकली अलील्स क्या हमारे पास होते हैं। अब देखिए हमारे पास पार्टनर ऑफ जीन पेयर आर कॉल्ड द अलील्स। देखें दो जीन्स जो है हमारे पास एक ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं ठीक है, वो जो पार्टनर्स होते हैं जीन पेयर के उसे आप क्या नाम देंगे, अलील्स का नाम देंगे। अब वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर इज लोकेटेड इन वन होमोलोगी। अब देखें एक जो हमारे पास जीन पेयर का मेंबर है, एक जो अलील है वो एक होमोलोगी क्रोमोसोम पर होगा, दूसरा दूसरे होमोलोगी क्रोमोसोम पर। अब देखें इसके एग्जांपल में आपको यूँ देता हूँ कि ये दो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है पेयर के फॉर्म में मौजूद है, कोई भी क्रोमोसोम नंबर हो सकते हैं, होमोलोगस पेयर हो सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये एक डी जीन है जिसकी दो शक्लें, एक स्मॉल डी और एक कैपिटल डी। अब देखें हमारे पास ये एक दूसरे के क्या, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। एक अलील बेटा देखें इस लोकस पर प्रेजेंट है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम होमोलोगी क्रोमोसोम पर, दूसरा बेटा इसके होमोलोगी जो क्रोमोसोम है यहाँ प्रेजेंट है। तो दोनों का जो लोकस है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या सेम है। तो जीन ऑक्यूपाइंग इट्स लोकस पोजीशन, जीन अपनी पोजीशन लोकस पर प्रेजेंट है, और ये जो अलील्स हैं देखें डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक जीन की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो सेम लोकस पर प्रेजेंट हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखें अगर तो ये हमारे पास अलील सेम है, देखें ये भी कैपिटल एफ है ये भी कैपिटल एफ है, तो हम कहेंगे दीज आर डोमिनेंट अलील्स, दोनों सेम लोकस पर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है उन क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पर। तो इस कंडीशन को आप क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज होमोजाइगस। अगर हमारे पास दिस लोकस द अलील्स आर होमोजाइगस, अलील्स दोनों क्या सेम है। नीचे देखें स्मॉल जी दोनों रिसेसिव अलील्स हैं सेम लोकस पर प्रेजेंट है, तो ये भी होमोजाइगस लेकिन रिसेसिव कंडीशन है। नेक्स्ट देखें हमारे पास एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है ठीक है, एक लोकस पर कैपिटल एच प्रेजेंट है, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर स्मॉल एच है। तो ये जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम पर टू डिफरेंट फॉर्म के अंदर एलील्स प्रेजेंट हैं ये क्या कहलाएंगे, हेटरोजाइगस कहलाएंगे। क्लियर है? तो हमारे पास जीनोटाइप क्या, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। आमतौर पर एक ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए दो एलील्स होते हैं, इसे आप कहते हैं जीनोटाइप। अब वो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल एफ कैपिटल एफ, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन और वो डोमिनेंट कंडीशन है।
और दोनों रिसेसिव कंडीशन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज स्मॉल जी जैसे आपको नजर आ रहे हैं, दोनों हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस हैं। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए कैपिटल एच स्मॉल एच, एक हमारे पास डोमिनेंट एलील है, एक हमारे पास रिसेसिव एलील है, तो इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज हेटरोजाइगस। अब देखें ईच एलील ऑफ अ जीन पेयर ऑक्युपाइज द सेम जीन लोकस ऑन इट्स रिस्पेक्टिव होमोलोगी। अब आपने याद रखना है कि स्मॉल डी के सामने ही हमेशा क्या होगा, कैपिटल डी होगा, या हमारे पास स्मॉल डी होगा, कैपिटल ई के साथ ही हमारे पास कैपिटल ई होगा, कैपिटल एफ के साथ ही हमारे पास कैपिटल एफ होगा। मतलब कि एक जीन की जो दो शक्लें हैं बेटा वो हमेशा सेम लोकस पर प्रेजेंट होगी उन होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा हमारे पास यहाँ कैपिटल स्मॉल डी यहाँ है तो ई की जगह कैपिटल डी आ जाए और कैपिटल डी ई की जगह आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा एक दूसरे के सामने होंगे, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो अलील्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर हमेशा सेम लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है कि बोथ अलील्स ऑन वन लोकस में भी आइडेंटिकल और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दोनों जो हमारे पास एक लोकस प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम पर जहां पर जीन अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं, वो जो अलील्स बेटा उस लोकस पर प्रेजेंट है वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि कैपिटल डी स्मॉल डी डिफरेंट है, हेटरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ई दोनों सेम अलील्स हैं, कैपिटल एफ सिमिलर अलील्स हैं, ठीक है, स्मॉल जी ये भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, और कैपिटल एच स्मॉल एच ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हेटरोजाइगस कंडीशन है। तो दोनों अलील्स सेम भी हो सकते हैं लोकस पर या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें डोमिनेंट अलील क्या होता है। देखें अगर हमारे पास हम जितने भी आमतौर पर जीन्स पढ़ेंगे उनके दो अलील्स हो सकते हैं, डोमिनेंट अलील, दूसरा हमारे पास रिसेसिव अलील। आपने याद रखना है सच एन एलील दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर एलील इन अ पेयर। अगर दो एलील्स प्रेजेंट है उनमें से एक जो एलील है वो दूसरे पर डोमिनेट हो जाता है, वो अपने इफेक्ट को शो कर देते हैं, अपनी ट्रेट को प्रोड्यूस करवा देते हैं, लेकिन जो हमारे पास दूसरा एलील होता है उसके इफेक्ट को मास्क कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, उस एलील को आप क्या नाम देंगे, डोमिनेट एलील का। और सच ट्रेट इस कॉल्ड डोमिनेट ट्रेट, और जो डोमिनेट एलील जो फिनोटाइप या ट्रेट प्रोड्यूस करवाएगा उसे आप क्या नाम देंगे, डोमिनेट ट्रेट का। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में जो राउंड है, एक राउंड ट्रेट है कि हमारे पास सीड शेप क्या होगी, राउंड होगी, उसको कौन डिटरमाइन करता है, कैपिटल आर। ये डोमिनेट है कौन से हमारे पास अलील पर, स्मॉल अलील पर, जो कि हमारे पास रिंकल्ड ट्रेट को प्रोड्यूस करवाता है, रिंकल सीड शेप। तो अगर बेटा कैपिटल आर डोमिनेट है तो हमारे पास जो फिनोटाइप वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं राउंड फिनोटाइप, राउंड सीड शेप, वो भी डोमिनेट होगी। और अगर हमारे पास स्मॉल आर रिसेसिव अलील है, ठीक है, वो अपने वो उसके इफेक्ट मास्क को जाते हैं द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेट एलील, तो फिर वो हमारे पास जो ट्रेट प्रोड्यूस करवाएगा जो कि रिंकल ट्रेट है वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। याद रखें बेटा कि जब अगर हमारे पास डोमिनेट एलील दोनों हमारे पास, मतलब पेयर की फॉर्म में होते हैं ना, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखें कि दोनों हमारे पास ये, अब जितनी भी हम पढ़ेंगे हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, जो क्योंकि हमारे पास मेंडल ने कंप्लीट डोमिनेंस डिस्कस की थी। देखें अगर इस फॉर्म में जीनोटाइप आ जाते हैं कैपिटल आर, तो तब भी बेटा हमारे पास कैपिटल आर का मतलब है दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और सीड की शेप क्या होगी, राउंड होगी। और अगर ये ऐसे आ जाते हैं कि कैपिटल आर के साथ आपके पास रिसेसिव एलील आ जाते हैं स्मॉल आर, अब जो कैपिटल आर ये अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये राउंड शेप प्रोड्यूस करवाएगा, और जो स्मॉल आर जिसने रिंकल शेप प्रोड्यूस करवानी थी उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाइड या मास्क हो जाएगा। तो कैपिटल आर डोमिनेट हो गया स्मॉल आर पर। और अगर ये सिचुएशन आ जाए हमारे पास स्मॉल आर, ठीक है, तो फिर हमारे पास कौन सी ट्रेट प्रोड्यूस होगी, हमारे पास स्मॉल आर का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो ट्रेट भी कौन सी प्रोड्यूस होगी, रिसेसिव, मतलब कि सीड की शेप क्या होगी, रिंकल्ड होगी। इसका मतलब जब दोनों डोमिनेट एलील्स हों तब भी डोमिनेंट ट्रेट प्रोड्यूस होगी, जब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो तब भी ट्रेट कौन सी प्रोड्यूस होगी, डोमिनेंट। और अगर आपने रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस करवानी है तो दोनों बेटा रिसेसिव एलील्स का होना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगर हम रिसेसिव एलील्स की बात करते हैं तो सच एन एलील दैट इज मास्क्ड बाय अनदर एलील इन अ जीन पेयर। अगर जीन पेयर के अंदर, मतलब ये दो एलील्स हैं, अगर जीन पेयर के अंदर हमारे पास ऐसा एलील जिसके इफेक्ट को दूसरा एलील मास्क कर दे, तो जिसका इफेक्ट मास्क होगा उसे आप क्या कहेंगे, रिसेसिव एलील कहेंगे, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और ऐसी ट्रेट जिसको हमारे पास रिसेसिव एलील प्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसी ट्रेट को आप क्या नाम देंगे, रिसेसिव ट्रेट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में हमारे पास जो ग्रीन है, ग्रीन कलर हमारे पास रिसेसिव कलर है सीड शेप सीड का, तो जो ग्रीन है दिस इज रिसेसिव ट्रेट, इसको कौन कंट्रोल करते हैं, हमारे पास स्मॉल बाय करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास येलो जो कि डोमिनेट ट्रेट है इसको कौन कंट्रोल करते हैं, इसको हमारे पास डोमिनेट एलील कैपिटल बाय करते हैं। तो अगर स्मॉल बाय आ जाए इसका मतलब हमारे पास ग्रीन कलर होगा, और अगर हमारे पास कैपिटल बाय आ जाए तो फिर डोमिनेट ट्रेट येलो कलर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए जैसा कि हमारे पास ये राउंड सीड है तो इसके अंदर दोनों हमारे पास डोमिनेट एलील्स हैं, प्री ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, दोनों डोमिनेट एलील हैं, ठीक है, तो हमारे पास राउंड कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर देखें दोनों स्मॉल आर हैं, यहाँ पर हमारे पास डोमिनेट एलील अब्सेंट हो तो दोनों अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे, रिसेसिव एलील ट्रेट प्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज रिंकल शेप।
जब आप क्रॉस करवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन की जो फिनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल दैट इज हेटरोजाइगस। तो हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर हमेशा जो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं वो कौन सा एलील करवाते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। रिसेसिव एलील अपने इफेक्ट को मास्क या हाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हेटरोजाइगस कंडीशन है। तो सीड शेप देखें, हमारे पास रिंकल नहीं है बल्कि क्या राउंड है। फिर आप देखें एफ टू जनरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। एफ टू जनरेशन में क्या होते हैं हमारे पास कि एक हमारे पास अगर मेल गैमेट्स की बात करें तो ये कैपिटल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर, ये मेल गैमेट्स हो गए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ये हमारे पास कैपिटल आर और ये आपके पास स्मॉल आर, ये हमारे पास फीमेल गैमेट्स हो गए। अब अगर ये दोनों आपस में क्रॉस होते हैं मतलब कैपिटल आर आते हैं तो नेक्स्ट इंडिविजुअल कौन सा प्रोड्यूस होगा, कैपिटल आर दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, राउंड सीड शेप होगी। और अगर ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाता है तो फिर हमारे पास कौन सा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हेटरोजाइगस कंडीशन होगी। लेकिन अब भी फिनोटाइप कौन सी होगी, राउंड वाली, क्योंकि तब एक डोमिनेंट हो दूसरा रिसेसिव एलील हो तो इफेक्ट किसका रिप्रेजेंट होता है, इफेक्ट कौन शो करता है, डोमिनेंट एलील करता है। स्मॉल जो हमारे पास एलील है जैसे रिसेसिव एलील वो अपने इफेक्ट को क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं। इसी तरह बेटा देखें इसका और इसका अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास फिर हेटरोजाइगस क्रिएशन है कि कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड शेप प्रोड्यूस होगी सीड की। और अगर स्मॉल आर आ जाते हैं जैसे किसके अंदर देखें तो दोनों हमारे पास रिसेसिव एलील्स हैं तो फिनोटाइप कौन सी प्रोड्यूस होगी, रिसेसिव दैट इज रिंकल। क्लियर है बेटा, रेशियो हमारे पास 3:1 आते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ऐसी जीनोटाइप है जिसके अंदर दो एलील्स हैं दोनों डिफरेंट हैं तो जो अपने इफेक्ट को शो करेगा वो डोमिनेंट एलील और जिसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। क्लियर है बेटा। और रिसेसिव ट्रेट कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास दोनों एलील्स क्यों बेटा, रिसेसिव, ठीक है। अगर एक भी डोमिनेंट एलील होगा, ठीक है, तो हमारे पास रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जीन पूल है। अब जीन पूल क्या होता है कि एक पॉपुलेशन में मौजूद जितने भी जीन्स या एलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक ट्रू ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर, एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर, उसे आप क्या नाम देते हैं, जीन पूल का नाम देते हैं। तो ऑल द जीन्स आर एलील्स फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम आर कलेक्टिवली कॉल्ड द जीन पूल। कि एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन या एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलील्स एट ऑल जीन लोकाई इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। तो जीन पूल के अंदर वो तमाम एलील्स जीन्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो मतलब के एक इंडिविजुअल है 100, ठीक है, 100 इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास एक ट्रेड को प्रोड्यूस करने वाले जो अलील्स होंगे वो कितने होंगे, 200 होंगे, ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल में एक ट्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम कितने अलील्स होते हैं, 2। तो जब 100 इंडिविजुअल हैं हर एक के अंदर 2 हैं तो अलील्स कितने हो जाएंगे, 2, दैट इज नोन एज जीन पूल। अब देखिए फॉर अ डिप्लॉइड स्पीशी, जो एक डिप्लॉइड स्पीशी है, ईच लोकस इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इन द जीनोम ऑफ इंडिविजुअल हु मे बी अदर होमोजाइगस आर द हेटरोजाइगस। तो एक डिप्लॉइड जो स्पीशी है उसके अंदर एक जो लोकस होता है वो डबल रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे पास दो एलील्स होते हैं एक डिप्लॉइड स्पीशी के अंदर, ठीक है। तो डिप्लॉइड स्पीशी के अंदर हमेशा हमारे पास लोकस जो होंगे वो डबल रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ एलील्स भी क्या होते हैं, डबल। ये यूं कह लें कि एक ट्रेड को डिटरमाइन करने के लिए कम से कम जो एलील्स चाहिए वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और दो एलील्स जब आपस में कंबाइन होते हैं या तो होमोजाइगस कंडीशन डिवेलप होगी डोमिनेंट या रिसेसिव की, या हमारे पास क्या होगी, हेटरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है। अब देख सकते देखें बेटा हमारे पास दिस इज द जीन, दिस इज द पॉपुलेशन जिसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट फ्रॉग्स आपको नजर आ रही है डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। या ग्रीन जो हमारे पास जीन है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड रेड को, और जो हमारे पास दूसरा कलर है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारे पास, देखिए ये वाला जो कलर है ये इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इन तमाम के जीन्स को निकालें, ठीक है, तो इन तमाम पॉपुलेशन में मौजूद इंडिविजुअल के जीन्स का जो सम अप होगा दैट इज नोन एज जीन पूल। क्लियर है। और आपने याद रखना है कि एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर एक ट्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम कितने एलील्स चाहिए बेटा, 2 एलील्स का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास फिनोटाइप क्या होती है, देखिए जो जीनोटाइप होती है जब वो खुद को एक्सप्रेस कर देती है ना, मतलब एक जीन है उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, उसने कोई कलर प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, या कोई भी करेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करवा दी, तो उस करेक्टरिस्टिक को आप क्या नाम देंगे, फिनोटाइप का नाम देंगे। तो फिनोटाइप के बेसिकली दिस इज अ फिजिकल अपेयरेंस ऑफ अ ट्रेड, ठीक है, तो जो फिजिकल अपेयरेंस है ट्रेड की, ठीक है, दैट इज नोन एज, ठीक है, फिनोटाइप, या फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप को आप क्या नाम देते हैं, फिनोटाइप का नाम देते हैं। कि जब जीनोटाइप खुद को फिजिकली एक्सप्रेस करती है तो वो जो एक्सप्रेशन होती है जिसे आप ट्रेड का नाम देते हैं या क्या नाम देंगे, फिनोटाइप का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राउंड और रिंकल, ठीक है, आर द फिनोटाइप्स ऑफ द सीड शेप एज अ शेप इज अ ट्रेड। अब सीड शेप की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर दो तरह की फिनोटाइप्स हो सकती है, या तो राउंड हो सकती है, क्या हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है। आप बोलते हैं राउंड कब प्रोड्यूस होते हैं, जब डोमिनेंट एलील कैपिटल आर प्रेजेंट हो, रिंकल कब होते हैं, जब दोनों रिसेसिव एलील्स हो, ठीक है। तो जीनोटाइप जब खुद को फिजिकली एक्सप्रेस कर देती है किसी भी शक्ल के अंदर तो उसे आप क्या नाम देते हैं, फिनोटाइप का नाम देते हैं। जैसे कि ये आई कलर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय होमोजाइगस कैपिटल है, कैपिटल है, ये हेटरोजाइगस हमारे पास है कंप्लीट डोमिनेंट है, तो वही कलर शो हो रहा है जो कि होमोजाइगस के अंदर है, ठीक है। और हमारे पास जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है इसमें हमारे पास देखिए स्मॉल ही स्मॉल है। तो एक ट्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम कितने एलील चाहिए, 2 चाहिए, या तो कैपिटल ए कैपिटल होगा, या कैपिटल ए स्मॉल है, या स्मॉल ए स्मॉल है।
क्लियर है बेटा ये बात। तो फिनोटाइप क्या बेटा, दिस इज एक्चुअली फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। तो जो बेटा हमारे पास जीनोटाइप एक खास कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट प्रोड्यूस करवाती है उसे आप क्या नाम देते हैं फिनोटाइप। वो फिनोटाइप डोमिनेंट फिनोटाइप भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जीन्स का जो कॉम्प्लीमेंट या जीन का कॉम्बिनेशन है किसी भी ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। तो जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर द पार्टिकुलर ट्रेट, एक ट्रेट को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो जीन्स का जेनेटिक कॉम्प्लीमेशन होता है, जीन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। जैसे कि एक जीनोटाइप है ऑफ एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, अगर एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबी ब्लड ग्रुप है, तो इसके लिए जो जीनोटाइप होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, आई ए आई बी। अगर ये हमारे पास जीनोटाइप होगी आई ए आई बी वाली, तो ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप क्या होगी, ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप होगी ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है। तो जीनोटाइप हमेशा क्या प्रोड्यूस करवाती है, फिनोटाइप प्रोड्यूस करवाती है। अब देखिए जीनोटाइप के दो टाइप्स हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप है, दूसरी आपके पास क्या बेटा हेटरोजाइगस जीनोटाइप है। होमोजाइगस जीनोटाइप का मतलब ये बेटा कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ अलील जीन्स होगा उसमें बेटा उस जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के अंदर दोनों अलील्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, या तो डोमिनेट होंगे दोनों कैपिटल लेटर में, या बेटा हमारे पास दोनों क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो व्हेन बोथ अलील्स ऑफ अ जीन पेयर इन ऑर्गेनिज्म आर सेम, जब बेटा एक ऑर्गेनिज्म में जो जीन पेयर के अंदर अलील्स होती हैं वो दोनों सेम हो, तो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं बेटा, होमोजाइगस कहलाते हैं फॉर दैट जीन पेयर। और इंडिविजुअल जो होते हैं जिसके अंदर होमोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज होमोजाइगोट आर द ट्रू ब्रीडिंग। तो जिस इंडिविजुअल के अंदर होमोजाइगस हमारे पास जीनोटाइप होगी उस इंडिविजुअल को आपने क्या नाम देने बेटा, होमोजाइगोट या ट्रू ब्रीडिंग का। जैसा कि बेटा हमारे पास एग्जांपल है कैपिटल आर, कैपिटल आर दोनों बेटा आपके पास डोमिनेंट अलील्स हैं। This is a genotype of homozygous round seed pea plant, ठीक है? तो बेटा हमारे पास जो ये homozygous genotype है, ये खुद को express करेगी किस शक्ल के अंदर, in the form of round seeded pea plant की शक्ल में, या pea plant के अंदर जो seed shape होगी कौन सी होगी, round होगी। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास heterozygous genotype क्या होती है, कि जब हमारे पास जीन पेयर के अंदर जो alleles हैं वो दोनों क्यों डिफरेंट हो, if both alleles of the gene pair are different from each other, the organism is heterozygous for that gene pair. और जो individual जिसके अंदर heterozygous genotype मौजूद होती है उसे आप नाम देंगे heterozygote या hybrid का। याद रखें कि आमतौर पर F1 के अंदर जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल होते हैं सारे के सारे हाइब्रिड या हेटरोजाइगोट होते हैं, क्योंकि एक डोमिनेंट एलील होता है, दूसरा कौन सा होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, ये एग्जांपल भी दे रहा है कि फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर इज अ जीनोटाइप ऑफ हेटरोजाइगस राउंडेड सीड राउंड सीडेड पी प्लांट, के हमारे पास राउंड सीडेड पी प्लांट है उसके अंदर आमतौर पर जो जीनोटाइप होगी कौन सी होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर होगी, मतलब दोनों हमारे पास होंगे डिफरेंट होंगे। और इसलिए हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर में जो डोमिनेंट एलील है दैट इज कैपिटल आर, और जो रिसेसिव है दैट इज स्मॉल आर। जब ये इकट्ठे होंगे तो हमारे पास कौन सी ट्रेट प्रोड्यूस होगी, दैट इज डोमिनेंट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, अगर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस को देखें, ठीक है, तो मेंडल को जो ग्रीगर जॉन मॉडल मेंडल था, दैट इज नोन एज हमारे पास फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ग्रीगर जॉन मेंडल ने फर्स्ट टाइम फाउंडेशन रखी, बुनियाद रखी किसकी बेटा, क्लासिकल जेनेटिक्स की, इसलिए से फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स का नाम भी दिया जाता है। तो मेंडल ने डिस्कवर्ड किया मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इन 1860, ठीक है, 1860 के अंदर हमारे पास मेंडल ने इस बात का मैकेनिज्म डिस्कवर कर लिया था कि एक्चुअली बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, उनकी ट्रांसमिशन कैसी होती है। अब उसने काम किस पर किया, बेस्ड ऑन इट्स वर्क विद पी प्लांट पाइसम सैटिवम, उसने जो स्पेसिमेन लिया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो कौन सा था, ठीक है, पाइसम सैटिवम या पी प्लांट था। ही यूज्ड द पाइसम सैटिवम, इसने पी प्लांट को इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज इट इज इजीली टू कल्टीवेट, इनको उगाना आसान है, ग्रो वेल इन द गार्डन, गार्डन में अच्छा ग्रो करता था, इट्स फ्लावर्स आर हर्मोफ्रोडाइट, इसके जो फ्लावर्स हैं बेटा हमारे पास वो कौन से, हर्मोफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों में, दोनों क्या होंगे बेटा, एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, इसलिए बेटा इनके फ्लावर्स को क्या नाम दिया जाता है, हर्मोफ्रोडाइट का। और इसमें टाइम गैप बिटवीन जनरेशन इज शॉर्ट, ठीक है, दो जनरेशन के दरमियान जो टाइम गैप है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 60-70 days का टाइम गैप होता है। और बहुत सारे इसमें डिस्टिंक्ट ट्रेड्स हैं, बहुत सारे बेटा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट हैं, हर एक ट्रेड दूसरे ट्रेड से क्या बिल्कुल मुख्तलिफ है, जुदा है। तो मेंडल ने बेटा स्टडी किया 7 ट्रेड्स ऑफ पी हुज जीन्स वर प्रेजेंट ऑन द 4 क्रोमोसोम। वैसे पी प्लांट में देखें हमारे पास 7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो लेकिन मेंडल ने जिन ट्रेड्स को स्टडी किया उनके जो जीन्स थे वो कहाँ प्रेजेंट थे बेटा, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। क्लियर है बेटा ये बात। और सारे के सारे आमतौर पर नॉन लिंक्ड जीन्स थे, ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन लिंक्ड जीन्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास हर एक ट्रेड के जो मतलब के हर एक ट्रेड के जो जीन्स थे, ठीक है, देवर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इनकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन है बेटा वो भी इंडिपेंडेंटली हो जाते थे, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास वो सारे के सारे जीन्स क्या थे, नॉन लिंक्ड थे। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपने याद रखने के अब पी प्लांट को क्यों बेटा पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया गया, ठीक है, फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स, एक तो आपने याद रखने इसके फ्लावर्स की हर्मोफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक जगह प्रेजेंट है, सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, इसके अलावा आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइम गैप है बिटवीन जनरेशन वो शॉर्ट है, कितने बेटा, 60-70 days या अप्रॉक्सीमेटली 2 months का गैप है। फिर आपने याद रखना है इजी टू कल्टीवेट एंड ग्रो वेल इन द चिल्ड्रन, सॉरी गार्डन,
ठीक है, एक दिन को उगाना आसान है, दूसरा वो जो जिस मोंटेसरी गार्डन के अंदर वो काम करता था वहाँ इनकी ग्रोथ क्या होती थी, बहुत अच्छी होती थी। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि हमारे पास बी प्लांट के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट है, 7 ट्रेड्स जिनकी वजह हर एक दो कॉन्ट्रास्टिंग शक्लें हैं, ठीक है। तो टोटल जो करेक्टर्स हो जाते हैं वो 14 हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास ट्रेड्स हैं वो कितनी बेटा 7 है। तो मेंडल ने बेटा हमारे पास आमतौर पर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को स्टडी किया, मतलब 14 करेक्टर या 17 ट्रेड्स को उसने स्टडी किया था, ठीक है। तो मेंडल स्टडी 7 ट्रेड्स 14 करेक्टर्स ऑफ द बी प्लांट, ये मैं बात कर चुका हूँ, क्लियर है बेटा ये बात। तो दीज आर द रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, बी प्लांट को सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये एमसीक्यूज है, आपको याद रखने के। अब देखें जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मेंडल ने उसे क्या नाम दिया, मेंडेलियन फैक्टर्स का नाम दिया, ये एलिमेंटल्स का नाम दिया, ठीक है। अब मेंडेलियन फैक्टर्स को रीनेम एज जीन बाय, जीन्स का नाम किसने दिया, तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोहानसन। तो जोहानसन ने बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इन एलिमेंट्री फैक्टर एलिमेंटल या हमारे पास मेंडेलियन फैक्टर को क्या नाम दिया, जोहानसन का नाम दिया, सॉरी जीन्स का नाम दिया। तो जॉनसन वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने बेटा हमारे पास मेंडेलियन फैक्टर या एलिमेंटल्स को क्या नाम दिया, जीन्स का नाम दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये दूसरा एक एमसीक्यूज है कि मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी इन हिज मोंटेसरी गार्डन फॉर 11 ईयर, 11 साल तक उसने बेटा अपने मोंटेसरी गार्डन के अंदर, ठीक है, जो पी प्लांट थे, ठीक है, उन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। कितनी बेटा ड्यूरेशन क्या है इसकी बेटा, दैट इज 1854 टू 1865, तो 11 साल ये बनते बेटा, और इन 11 साल तक उसने क्या किया बेटा हमारे पास पी प्लांट पर काम किया, ठीक है। ये डेट आप याद रखो, ये एमसीक्यूज में आती है 1854 से लेकर 1865 तक। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए ये मेंडेलियन ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअली जिनको स्टडी किया गया, ठीक है, मेंडल ने जिनको स्टडी किया, 7 ट्रेड्स हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं। करेक्टर 14 होंगे लेकिन ट्रेड्स जो होंगे वो क्या होंगे, 7 होंगे। सबसे पहले हमारे पास सीड फॉर्म, सीड शेप है। अब देखिए ऊपर वाले डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, नीचे वाले रिसेसिव है। या तो बेटा हमारे पास सीड शेप क्या हो सकती है, राउंड हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है। देखिए दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो ट्रेड आ जाता है दैट इज सीड कलर। अब देखिए हमारे पास सीड जो हमारे पास सीड है उसका या तो कलर येलो हो सकता है, येलो डोमिनेंट कलर है, या उसका हमारे पास कलर क्या हो सकता है, दैट इज ग्रीन। तो येलो डोमिनेट है, ग्रीन क्या बेटा, रिसेसिव है, याद रखें। फिर हमारे पास पोड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। अब पोड फॉर्म मतलब देखिए जो हमारे पास डोमिनेंट पोड फॉर्म है दैट इज इन्फ्लेटेड, ठीक है, ये इन्फ्लेटेड है बेटा। और दूसरी कौन सी, जो रिसेसिव है दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो पोड फॉर्म की बात करें जो इन्फ्लेटेड होगी, जो स्मूथ होगी, दैट इज डोमिनेंट ट्रेड, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है बेटा दैट इज अ रिसेसिव ट्रेड। नेक्स्ट अगर हम पोड कलर की बात करते हैं बेटा, तो पोड कलर में देखें जो हमारे पास ग्रीन कलर है दैट इज डोमिनेंट ट्रेड, और जो हमारे पास येलो कलर है बेटा दिस इज अ रिसेसिव ट्रेड। तो आपने याद रखना बेटा हमारे पास सीड कलर और पोड कलर अपोजिट है, सीड कलर जो डोमिनेट है दैट इज येलो, ठीक है, और पोड कलर जो डोमिनेट है दैट इज ग्रीन, और सीड कलर जो हमारे पास रिसेसिव है दैट इज ग्रीन, ठीक है, और पोड कलर जो हमारे पास रिसेसिव है दैट इज येलो। ये आपने फर्क याद रखना है। फिर हमारे पास है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास डोमिनेट जो कलर है दैट इज पर्पल, ठीक है, और जो रिसेसिव है बेटा दैट इज व्हाइट। क्लियर है बेटी बात। तो हमारे पास फ्लावर कलर के अंदर दो तरह के कलर है, तो पर्पल हो सकते हैं या व्हाइट हो सकते हैं। तो डोमिनेट हमारे पास फ्लावर कलर कौन सा, दैट इज पर्पल। फ्लावर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं कि फ्लावर की पोजीशन क्या होगी, तो अगर तो एक्सियल पोजीशन है स्टेम के साथ, ठीक है, एक्सियल पोजीशन है तो दिस इज डोमिनेट, ठीक है, और अगर हमारे पास टर्मिनल है तो दिस इज रिसेसिव। लास्ट में हमारे पास स्टेम लेंथ है, ठीक है, अगर स्टेम की लेंथ बड़ी है मतलब टॉल है दैट इज डोमिनेंट ट्रेड, और अगर हमारे पास शॉर्ट है दैट इज ड्वार्फिज्म, इसे आप क्या नाम देंगे, दिस इज एक्चुअली रिसेसिव ट्रेड। तो टॉल डोमिनेंट ट्रेड और शॉर्ट क्या बेटा हमारे पास बेटा दिस इज अ रिसेसिव ट्रेड। अब देखिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं बेटा, कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेड इन एन इंडिविजुअल, कि हमारे पास एक ट्रेड के लिए जो दो एक साथ एलील्स प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल में, वो सेग्रीगेट सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस। तो जब मियोसिस होगी गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है, सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू एलील, ताकि हर एक गैमेट में दो में से एक एलील जाए, और दोबारा ये एलील्स यूनाइट अगेन एट द रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट व्हेन ज़ाइगोट इज फॉर्म, और दोबारा जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज्ड होती हैं, रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, तो दोबारा ये एलील्स इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, और ये दोनों एलील्स जब मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक ट्रेड प्रोड्यूस कराते हैं। क्लियर है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज डेवलप्ड थ्रू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वेरिंग इन वन ट्रेड। तो याद रखें अगर आप क्रॉस के अंदर एक ही ट्रेड को पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे सीड शेप को, राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, तो अगर आप क्रॉस करवाते हैं और इसमें एक ही सीड शेप एक ही ट्रेड को देखते हैं तो दैट क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए बेटा हमारे पास ये आपके पास एक क्रॉस है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ट्रेड कौन सी बेटा, दैट इज सीड शेप। अब देखिए आपने क्या लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्योर ब्रीडिंग, पहले आपने क्रॉस करवाने किसका, प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स का,
प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे हो बहु वैसे प्लांट्स पैदा हों जैसे कि पेरेंट्स के थे, ठीक है, तो उनको आप नाम देते हैं प्योर ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट्स का। तो प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड लेनी है, जीनोटाइप क्या होगी हमारे पास, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और दूसरा इनका आपने क्रॉस करवा देने, किसके साथ क्रॉस करवाने का, आपने क्रॉस करवाने प्योर ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो जो प्योर ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट्स होंगे उनकी जीनोटाइप क्या होगी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, क्लियर है बेटी बात। अब देखें पहले यहाँ से अगर सपोज करें मेल है तो मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, मेल गैमेट्स बनेंगे तो हर एक गैमेट में क्या जाएगा, देखिए कैपिटल आर है, हर एक गैमेट के अंदर इन इस पेयर में से एक अलील नहीं जाना है, तो एक कैपिटल आर इसके अंदर चला जाएगा, दूसरा बेटा आपके पास यहाँ चला जाएगा। इसी तरह यहाँ हमारे पास स्मॉल आर था, एक स्मॉल आर इस गैमेट के अंदर, दूसरा हमारे पास इस गैमेट के अंदर, क्लियर है। ये बेटा हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। अब क्या होगा बेटा, दैट इज रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम फर्टिलाइजेशन की देखिए अगर सपोज करें कि ये आपके पास कैपिटल आर जो मेल गैमेट है इसके स्मॉल आर के साथ जाकर क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ट्रेड कौन सी प्रोड्यूस होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर प्रोड्यूस होगी, क्लियर है। और अगर बेटा ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ चला जाता है, ठीक है, तो फिर भी क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर बेटा हमारे पास ये कैपिटल आर इनको फर्टिलाइज करता है तो ये फिर भी क्या प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब जब आप ट्यूब ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट और ट्यूब ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो एफ वन जनरेशन में सब के सब जो इंडिविजुअल्स हैं ये हमारे पास कहते हैं दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। तो जो बेटा हमारे पास पहली जनरेशन है उसके अंदर आमतौर पर जो सीड की शेप है दैट इज राउंड, लेकिन जो जीनोटाइप वो कौन सी होगी बेटा, हमारे पास हेट्रोजाइगस होगी, क्या होगी बेटा, तो एफ वन के अंदर हेट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड इंडिविजुअल का नाम भी देते हैं, क्योंकि कैपिटल आर कहाँ से आ रहे हैं, मेल पेरेंट्स से, स्मॉल आर कहाँ से आ रहे हैं, फीमेल पेरेंट्स से। तो बेटा इसके अंदर दो डिफरेंट अलील्स आ गए, ठीक है, जो हमारे पास पेरेंट्स के अंदर पैदा नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे बेटा हमारे पास ऐसी जनरेशन जिसके अंदर हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको नजर है, ऐसे फर्स्ट जनरेशन को आप क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड जनरेशन का नाम देते हैं। अब देखिए अब आप आगे आपने क्या करवानी, सेल्फ पोलिनेशन करवानी है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन कैसे होते हैं कि हमारे पास इसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, मेल पार्ट क्या प्रोड्यूस करवाएगा हमारे पास, मेल गैमेट्स, और फीमेल पार्ट क्या प्रोड्यूस करवाएगा, फीमेल गैमेट्स। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे हमारे पास मेल गैमेट्स बनाए, देखिए कैपिटल आर आ गया गैमेट के अंदर, दूसरे के अंदर क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल आर, क्लियर है बेटी बात। और देखिए हमारे पास अगर इसी तरह फीमेल गैमेट्स बनाते हैं तो हमारे पास एक गैमेट के अंदर कैपिटल आर, दूसरे के अंदर हमारे पास स्मॉल आर, हर एक गैमेट के अंदर हमारे पास पेयर में से एक एलील जाएगा। अब इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाएं, अगर बेटा हमारे पास इसकी मेल गैमेट इसको अगर फर्टिलाइज करता है तो हमारे पास जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल आर, और अगर ये वाला इसके साथ जाकर करता है बेटा हमारे पास तो फिर क्या होगी, जीनोटाइप दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर ये वाला बेटा हमारे पास जाकर इसको फर्टिलाइज करता है तो आंसर विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर ये वाला हमारे पास इसको अगर फर्टिलाइज करता है तो दैट विल जीनोटाइप विल बी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो देखिए हमारे पास एक आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है कैपिटल आर, दो आपके पास के हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप कंडीशन है, ठीक है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, और दूसरे बेटा हमारे पास जो सबसे लास्ट में है दैट इज होमोजाइगस डबल रिसेसिव, दोनों आपके पास रिसेसिव एलील्स हैं। तो आप देखिए बेटा इन चार में से जो तीन प्लांट्स के सीड्स होंगे वो कौन से होंगे, राउंड, ठीक है। तो बेटा हमारे पास फिनोटाइप जो राउंड है, ठीक है, राउंड और रिंकल की फिनोटाइप को देखें तो 3:1 है, मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, राउंड होगा, ये भी आपके पास राउंड होगा, ये भी क्या होगा, राउंड होगा, ये जस्ट वन आपके पास क्या बेटा, दैट इज रिंकल शेप। तो आपने याद रखने के जब आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो एफ टू के अंदर हमारे पास कितने राउंड वाले प्लांट्स होते हैं बेटा, 3, और रिंकल वाले कितने होते हैं, 1, ठीक है। तो आपने फिनोटाइपिक रेशियो याद रखने, राउंड रिंकल दैट इज 3:1, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो देखें, एक होमोजाइगस डबल डोमिनेंट है कैपिटल आर 1, और दो आपके पास क्या बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में बेटा आपके पास क्या दैट इज होमोजाइगस डबल रिसेसिव, तो इसके अंदर हमारे पास जीनोटाइप आ जाती है दैट इज 1:2:1। इस 121 को आपने याद रखना है, ठीक है, 121 को, तो बेटा आपने 121 को नहीं बोलना, 1:2:1, ठीक है। तो 1:2:1 ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ किसकी, जीनोटाइपिक रेशियो बेटा एफ टू इंडिविजुअल की, 1:2:1, क्लियर बेटा ये बात। तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आप देखें हमारे पास खुद बहुत जो पेयर के शक्ल में एक अलील प्रेजेंट था, दो अलील्स प्रेजेंट थे, हर एक अलील एक ही गैमेट के अंदर गया, और फिर उनके रैंडम फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है, ये क्या हो गया, इनके असॉर्टमेंट हो गई, ये इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये एक टेबल है जी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज अ क्रॉस इन विच वन ट्रेट इज फॉलोड एट द सेम टाइम, ठीक है। एक टाइम जब एक ही ट्रेट को आप फॉलो करते थे, इसे आप क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखें हमारे पास ये P1 थी जिसमें कैपिटल आर आपने क्रॉस करवाया स्मॉल आर के साथ, तो F1 जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई दैट इज हेट्रोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर आपने इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई है, सेल्फ पोलिनेशन, तो हमारे पास देखें ये मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही तरह के बनेंगे, मतलब दोनों एक ही तरह के होंगे, एक में कैपिटल आर दूसरे में स्मॉल आर, एक में कैपिटल आर दूसरे में स्मॉल आर। अब इनकी फर्टिलाइजेशन करना, जब कैपिटल आर के साथ फर्टिलाइज करोगा
जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर होमोजाइगस डबल डोमिनेंट, और जब इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर हेटरोजाइगस कंडीशन, और जब इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज आल्सो हेटरोजाइगस कंडीशन, और जब बेटा दोनों स्मॉल आर आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे हमारे पास स्मॉल आर दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव डबल कंडीशन। तो अब देखिए बेटा हमारे पास एफ टू के अंदर देखें तीन ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि हमारे पास, चलिए इसे पेन ले लेते हैं, देखिए हमारे पास चार में से तीन ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास ये है, दिस इज आल्सो ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं बेटा हमारे पास जिनकी शेप के राउंड है और जस्ट हमारे पास एक ऐसे जिनकी शेप के रिंकल, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया राउंड रिंकल दैट इज 3:1, क्लियर है। तो हमारे पास अब देखिए इसमें से अगर आप इसका क्रॉस करवाते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इसके अंदर देखिए कैपिटल आर का जब आप क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो सारे के सारे अलील जो अलील्स हैं बेटा ठीक है कैपिटल आर वाले हर एक गैमेट के अंदर चले जाएंगे, एक गैमेट में एक कैपिटल आर दूसरे में दूसरा, और जब इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी अपने जैसे गैमेट्स के साथ ठीक है तो फिर हमारे पास इन तीन में से तीन जो राउंड सीड प्लांट्स हैं ठीक है हर एक सीड शेप जिनकी मतलब जिनके सीड शेप राउंड है उसमें से देखें हमारे पास ये वाला जो होगा कैपिटल आर जब इनकी आप फर्टिलाइजेशन करवाएंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो ये क्या प्रोड्यूस करवाएगा बेटा हमारे पास ये होमोजाइगस राउंड प्लांट्स प्रोड्यूस करवाएगा ठीक है। जो बाकी बेटा हमारे पास तीन में से दो बचते हैं ये वाला और ये हमारे पास हेटरोजाइगस प्लांट्स हैं जिन्होंने सीड शेप कौन सी प्रोड्यूस करवानी है राउंड, तो बेटा इनमें से हमारे पास टू और थ्री ऑफ एफ टू राउंड प्रोड्यूस राउंड एंड रिंकल, तो लेकिन अगर आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो एफ टू वाली कंडीशन हासिल हो जाएगी, देखें रिंकल भी होंगे राउंड भी होंगे, क्लियर है बेटा ये बात। तो जो रिंकल ऑफ एफ टू प्रोड्यूस रिंकल ठीक है, एफ टू के जो हमारे पास ये वाला है संभाल और अगर इसको आप क्रॉस कराएंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो सारे के सारे प्लांट्स कौन से प्रोड्यूस होंगे रिंकल वाले, क्लियर है। तो फिनोटाइपिक रेशियो कौन सी बेटा 3:1 और हमारे पास 3 राउंड है ठीक है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 के हमारे पास रिंकल है तो रेशियो क्या बन गया 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो को देखें तो हमने क्या याद रखना है 1:1 ठीक है, 121 को याद रखना है 1 होमोजाइगस राउंड है 2 हेटरोजाइगस राउंड है और 1 आपके पास रिंकल। अब देखिए इंटरप्रिटेशन अगर हम करते हैं इस पूरे लॉ की तो टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेड, आपने देखा कि एक ट्रेड को डिटरमाइन करने के लिए जो दो अलील्स एक दूसरे के साथ होते हैं एक होमोलोगी क्रोमोसोम पर दूसरे होमोलोगी क्रोमोसोम पर एक दूसरे के साथ होते हैं इसे सेग्रीगेट हो जाती है एट म्यूसिस, जब म्यूसिस होती है तो इनकी सेपरेशन हो जाती है हर एक पेयर में से एक गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू अलील, हर एक पेयर में से जो दो अलील्स होते हैं उनमें से एक अलील कहाँ चला जाएगा एक गैमेट के अंदर, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ईच कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप ऑफ ट्रेड वाज डिटरमाइंड बाय द पार्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर व्हिच ही कॉल्ड एलिमेंटर्स, तो बेटा देखिए फिनोटाइप को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो हमारे पास फैक्टर्स प्रेजेंट थे जो एक बेसिकली बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेकर जा रहे थे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मेंडल इनको क्या नाम दिया एलिमेंटर्स का नाम दिया ठीक है। अब इन एलिमेंटर्स को जो हमारे पास जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं इनसे क्या नाम देते हैं जीन्स का, और जीन्स का नाम किसने दिया था अभी हमने पढ़ा था जोहानसन ने ठीक है, और ये जीन कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेड जिसे आप क्या नाम देते हैं फिनोटाइप का नाम देते हैं, और ट्रेड दैट एक्सप्रेस इन एफ वन ठीक है दैट इज डोमिनेंट ट्रेड ठीक है। एफ वन में बेटा देखें हेटरोजाइगस कंडीशन है एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर तो कौन सी डोमिनेंस होगी दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो दिस इज एक्चुअली डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें अपने दो कॉन्ट्रास्टिंग दो ट्रेड्स को लेकर साथ चल रहे हैं ठीक है, और हर एक ट्रेड के दो हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होंगे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज स्टेटेड दैट व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, जब एक ही क्रॉस में दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स की बात करते हैं तो देयर एलील्स आर सॉर्टेड इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमेट्स ठीक है, तो उनके जो हमारे पास अलील्स हैं ठीक है हर एक जो जीन पेयर होगा उसमें से एक अलील इंडिपेंडेंटली, देखिए अगर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है तो जरूरी नहीं कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही गैमेट के अंदर जाएगा, हो सकता है बेटा कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाए ठीक है, तो आप याद रखें इनके अलील्स के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं गैमेट्स में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स है ऑफ वन ट्रेड इनटू द गैमेट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स ऑफ अदर ट्रेड, देखें एक ट्रेड को बेटा कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स प्रेजेंट है या जो अलील्स प्रेजेंट है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैमेट्स के अंदर ठीक है वो दूसरे ट्रेड की जो अलील्स होते हैं जो एक्चुअली गैमेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ठीक है। इस मतलब अगर कैपिटल आर के साथ पेरेंट्स के अंदर कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो हमारे पास स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए और कैपिटल आर के साथ क्या चला जाए हमारे पास स्मॉल वाई चला जाए ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ मतलब के डिपेंड एक दूसरे पर नहीं करते इंडिपेंडेंटली इनकी क्या हो जाती है सेग्रीगेशन भी हो जाती है और असॉर्टमेंट भी हो जाती है। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज डेवलप्ड बाय स्टडिंग द डाईहाइब्रिड क्रॉस ठीक है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब मतलब बनाया गया कब डेवलप किया गया जब मेंडल ने कौन से क्रॉसेस को स्टडी किया बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस को। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस जिसमें आप दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करें दैट इज नोन एज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है बेटे।
अब देखिए ये डायग्राम आप देखें, ठीक है, ये क्रॉसेस आप देखें थोड़ा गौर से। आपके पास एक ट्यूब ब्रीडिंग राउंड येलो सीड प्लांट है, ट्यूब ब्रीडिंग है, होमोजाइगस है, और दूसरा आपके पास प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीड, ठीक है, सारे के सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास रिसेसिव कंडीशन के अंदर है। अब इनके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन देखें, गैमेट्स कैसे बनेंगे देखें, हमारे पास इससे मेल से जो कि हमारे पास क्रॉस करें प्योर ब्रीडिंग राउंड येलो सीड है, इसमें बेटा एक ही तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर के साथ क्या जाएगा, कैपिटल वाई जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखें हमारे पास स्मॉल आर, देखें स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, जो प्योर ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन सीड्स हैं इनके साथ भी इनसे भी एक ही गैमेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कैपिटल स्मॉल आर के साथ क्या जाएगा, स्मॉल वाई जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है टाइप ऑफ गैमेट्स फाइंड करने का कि कितनी तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है, ये आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो 2 की पावर n इसका फार्मूला होता है कि कितनी तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब देखें एन किस चीज़ को शो करते हैं, एन शो करते हैं बेटा हमारे पास हेटरोजाइगस जीन को। अब देखिए बेटा हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इनमें कोई हेटरोजाइगस जीन है कोई नहीं है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू एन इज इक्वल टू जीरो। जब n इक्वल टू जीरो है तो 2 की पावर 0, किसी भी नंबर के जब जीरो वैल्यू आ जाते हैं तो किसकी इक्वल हो जाते हैं, 1 के, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे, दैट इज हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास भी हेटरोजाइगस जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास रिसेसिव जीन ही प्रेजेंट है, तो यहाँ भी हमारे पास एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस होगा, दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब देखें नेक्स्ट बेटा हमारे पास गैमेट की फॉर्मेशन तो होगी, अब रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी। अगर बेटा हमारे पास ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो अब F1 में देखें, F1 के अंदर बेटा ट्रेड तो वही होगी जो हमारे पास प्योर ब्रीडिंग राउंड येलो सीड की थी, मतलब कि राउंड येलो सीड प्रोड्यूस होंगे F1 के अंदर फर्स्ट जनरेशन में, जिनकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कि ये हेटरोजाइगस हैं, डाईहाइब्रिड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ हमारे पास एलील्स कहाँ से हैं, मेल से, कुछ कहाँ से हैं, फीमेल से। तो देखिए बेटा पहले कैपिटल आर के साथ क्या था, कैपिटल वाई था, अब यहाँ देखें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई भी जा सकता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसे कहते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन होगी, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, अभी तो आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई थी, ठीक है, P1 में। अब F1 का जब क्रॉस करा के F2 प्रोड्यूस करवाएंगे तो पहले तो आपने बेटा क्या करना है, देखें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करवाने, जैसे कि हमारे पास ये सपोज करें मेल गैमेट्स हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखें हर एक गैमेट के अंदर इंडिपेंडेंटली हमारे पास गैमेट्स क्यों इकट्ठे हुए, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी है, ठीक है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी है, इसी तरह स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है, ठीक है, और बेटा स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, तो ये देखें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए। इसी तरह आपने क्या प्रोड्यूस करवाने हैं, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करवाने हैं, तो फीमेल गैमेट्स जब आप प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, तो इसमें भी एक ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम, क्योंकि आपके पास एक ही मेल पार्ट है और एक ही हमारे पास इंडिविजुअल के अंदर दूसरा फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये हमारे पास फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब आप क्या करेंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के दरमियान रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। अगर तो बेटा हमारे पास ये वाला क्रॉस करते हैं इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल आर के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई, ठीक है, तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट क्रिएशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट अगर इसके साथ क्रॉस करते हैं, देखिए तो फिर आपके पास कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ हमारे पास कैपिटल वाई, फिर अगले के साथ अगर आपने बेटा क्या करवानी है, ब्रीडिंग करवानी है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर लास्ट में बेटा अगर आपने मेल और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन करवाई तो फिर जीनोटाइप क्या हासिल होगी, कैपिटल आर के साथ क्या आएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा। फिर इसी तरह दूसरी आप रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाएं तो इस तरह से आपको सारे के सारे इंडिविजुअल्स मिलेंगे, ठीक है, तमाम की फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद 16 तरह के इंडिविजुअल आपके पास क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अब इन 16 जो इंडिविजुअल F2 के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, अगर इनके आप फिनोटाइपिक रेशियो को देखेंगे तो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, 9:3:3:1, ठीक है, 9:3 और दिस इज आल्सो 3 और ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज 1। तो हमारे पास जो जीनोटाइपिक सॉरी फिनोटाइपिक रेशियो है बेटा हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर या ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर, दैट इज 9:3:3:1, ये तो होगी फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो भी हम देखते हैं तो इसका मतलब कि 16 में से 9 ऐसे बेटा 9 ऐसे सीड शेप्स हैं, ठीक है, सीड प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सॉरी पी प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड क्या बेटा येलो राउंड है, 3 ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास जो सीड है दैट इज येलो रिंकल्ड, और फिर 3 ऐसे हैं बेटा जिनके अंदर सीड क्या है बेटा ग्रीन राउंड है, और 1 ऐसा है बेटा हमारे पास, ठीक है, जिनके अंदर सीड क्या है बेटा दैट इज ग्रीन रिंकल्ड। तो 9:3:3:1 दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें फिनोटाइपिक रेशियो में यहाँ लिख भी दिए कि राउंड येलो 9:16 होंगे, राउंड ग्रीन कितने होंगे 3:16, रिंकल येलो कितने होंगे 3:16, और आपके पास रिंकल ग्रीन कितने दैट इज 1:16,
जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करते तो आपने मैंने कहा था 121 याद रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितना था हमारे पास 121 मान रेशियो 2:1। यहाँ पर बेटा हमारे पास याद रखें कि पहले आपने लिखना है 121, ये आपने 121 लिख लिया, दैट इज 121। फिर आप इसको डबल कर देना है, 121 का डबल क्या होता है 242, 121 को डबल कर लेना तो क्या बन जाएगा 242। फिर आपने दोबारा 121 लिख देना है, ठीक है। जब दोबारा से 121 लिखेंगे तो आपके पास कंप्लीटली क्या आ जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो 121, 242, फिर दोबारा से 121, दैट इज अ जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखिए हमारे पास ये 1, ये हमारे पास क्या 1:1, दैट इज 2:1, 121 हो गया 1:2:1। फिर आपके पास क्या हो गया बेटा, दैट इज 2:4, फिर 4:2, दैट इज 242, फिर आपके पास क्या आ गया 121, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो कितनी बनती है बेटा, 1:2:1, 2:4, 2:4:2, फिर हमारे पास 1:2:1, 121, 242, फिर 121, क्लियर है। अब नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म विद द जीनोटाइप, जितनी बड़ी भी जीनोटाइप है अगर आप उसके नंबर ऑफ गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी तरह के गैमेट्स बनेंगे, तो फिर आपने एक फार्मूला यूज करना है, दैट इज 2n। n is the number of heterozygous gene, n किस चीज को शो करता है heterozygous gene को, for example देखें इस genotype को देखें, capital R capital West small में number of heterozygous gene कितने हैं, just only one, एक heterozygous gene है capital West small में। तो अगर आप इसके number of gametes find करना चाहते हैं तो कितनी तरह के gametes बनेंगे, दो तरह के, कैसे, अब n किसके equal है 1 के, तो 2 की power n किसको होगी 2, ठीक है। या तो बेटा आपके पास ये genotype मिलेगी capital R capital Y, या हमारे पास capital R small, क्लियर बेटी का। तो अगर आपने नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करने हैं या टाइप ऑफ गैमेट्स फाइंड करने हैं तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 2 की पावर n, n किस चीज को शो करते हैं, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन को। चलें नेक्स्ट बेटा हमारे पास लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कि हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट वाला जीन हमारे पास रिसेसिव जीन के साथ जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें आमतौर पर जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एट स्पेसिफिक लोकस, हर जीन के क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक लोकस है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ देयर क्रोमोसोम, हम कह रहे हैं कि जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो जो बात हम बेसिकली मैटर जो बात कर रहा था ना जीन्स के बारे में, एलिमेंटल के बारे में, कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होती है इनकी, एक्चुअली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स की नहीं होती, किसकी होती, क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद है बेटा, जीन्स प्रेजेंट है। तो जब क्रोमोसोम बेटा हाफ एक गैमेट में जाएंगे हाफ दूसरे में, तो हमारे पास हाफ अलील कहाँ चले जाएंगे, एक गैमेट में, और हाफ अलील कहाँ चले जाएंगे, दूसरे गैमेट के अंदर, क्लियर बेटी बात। जिस तरह हमारे पास क्रोमोसोम इक्वली सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली उनके असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन होती है, बिल्कुल इसी तरह बेटा हमारे पास उन पर मौजूद जीन्स भी वही बिहेवियर शो करते हैं जो क्रोमोसोम कर रहे हैं। तो ऑल जीन प्रेजेंट इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप, जितनी बेटा हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, किसके थ्रू बेटा, लिंकेज ग्रुप के थ्रू, ठीक है, इनके जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, दीज कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो लिंक्ड जीन्स होंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, दीज एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, हुज एलील्स आर राइडिंग ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बेटा हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक वही एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं जिनके जो बेसिकली काम मौजूद है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद है, या दो हमारे पास जो जीन्स है वो क्या बेटा नॉन लिंक्ड जीन्स है, ठीक है, जिनके एलील्स जिनके जीन्स एक दूसरे से बिल्कुल क्या बेटा वो दूर है। तो आपने याद रखना बेटा कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर, ठीक है, हमारे पास जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं। अब देखिए हमारे पास एक एमसीक्यू है कि द बोटानिस्ट हु रीडिस्कवर्ड एंड एक्नॉलेज द वर्क ऑफ द मेंडल, ठीक है, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा मेंडल के वर्क को दोबारा डिस्कवर किया, कौन कौन थे, कोरंस थे, टीसर मैक थे और डी वेरिस था, ये हमारे पास एमसीक्यू है, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मेंडल के वर्क को क्या किया बेटा, डिस्कवर किया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टेस्ट क्रॉस, देखें टेस्ट क्रॉस अब तब करवाते हैं जब आपके पास एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल हो और आप उस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल की जीनोटाइप को फाइंड करना चाहते हैं। देखिए जीनोटाइप उसकी दो तरह की हो सकती है, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या आपके पास वो हेटरोजाइगस हो सकता है। तो आप करते हैं क्या बेटा, देखें अगर आप किसी ऐसा इंडिविजुअल आपके पास है जिसकी फिनोटाइप तो डोमिनेंट है लेकिन जो उसकी जीनोटाइप है वो अननोन है, ठीक है, तो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का आप क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ, ठीक है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। देखें ये ब्लैक है इस वजह से क्योंकि इसकी या तो जीनोटाइप क्या होगी, होमोजाइगस कैपिटल बी होगी, ये हेटरोजाइगस होगी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आप फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है या इसकी जीनोटाइप हेटरोजाइगस है, तो आप इसका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, स्मॉल बी वाले इंडिविजुअल के साथ। अब वो कहते हैं कि अगर अननोन जो जीनोटाइप वो होमोजाइगस है, ठीक है, कैपिटल बी है, तो देखिए गैमेट्स बनाए तो क्या बनेंगे, एक गैमेट में कैपिटल बी आएगा,
दूसरे गैमेट के अंदर भी क्या आएगा, कैपिटल बी, और इसका क्रॉस करवाने लगे किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो दोनों अलील्स के अंदर क्या होंगे, समाल बी होगा, ठीक है। अब अगर आप इसका क्रॉस करवाते हैं तो देखिए तमाम जो इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिजायर्ड इंडिविजुअल्स आएंगे, ठीक है, आप इस जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन का नाम देंगे, तो एफ वन के अंदर जो आपको इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं सबकी जो फिनोटाइप है कौन सी, बेटा ब्लैक है, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप है। इसका मतलब कि अगर आप किसी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाते हैं, याद रखें टेस्ट क्रॉस में अननोन जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसकी जीनोटाइप को फाइंड करना चाहते हैं उसका क्रॉस हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करते हैं, तो उसके क्रॉस के बाद जो अगर आपको एफ वन में जितने भी इंडिविजुअल मिलते हैं सबका सबकी जो ट्रेट या फिनोटाइप डोमिनेंट होगी, तो वो क्या होगा, मतलब उसका जो हमारे पास इंडिविजुअल था डोमिनेंट फिनोटाइप वाला वो क्या था, होमोजाइगस था, ठीक है। तो एफ वन में देखें हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो 100% ब्लैक है, ठीक है, साथ के सब इंडिविजुअल की जो फिनोटाइप है वो कौन से डोमिनेंट है, तो इसका मतलब कि आप जिसकी जीनोटाइप फाइंड करना चाहते थे डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल की, उसकी जीनोटाइप के बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल बी। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर तो वो अननोन जो जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल है वो हेटरोजाइगस है, मतलब एक कैपिटल भी दूसरा स्मॉल भी, तो आप देखिए इसका क्रॉस आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो अगर आप हेटरोजाइगस के गैमेट्स बनाते हैं तो कैपिटल भी आएगा एक गैमेट में, दूसरा बेटा हमारे पास आएगा स्मॉल भी दूसरे गैमेट के अंदर, इसी तरह हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव में एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, एक में स्मॉल भी दूसरे गैमेट के अंदर भी स्मॉल भी। अब इनका जब क्रॉस होगा देखें कैपिटल भी स्मॉल भी, हेटरोजाइगस कंडीशन आ गई, अब देखें ये स्मॉल भी ठीक है, ये होमोजाइगस रिसेसिव आ गई, फिर आप इसका क्रॉस करवाएं तो ये कैपिटल भी स्मॉल भी, फिर स्मॉल भी, तो इसमें देखें हाफ इंडिविजुअल ऐसे हैं, ठीक है, देखें ये वाला जो इंडिविजुअल होगा इसका भी कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, इस वाले इंडिविजुअल का कलर भी क्या होगा, ब्लैक, तो देखें चार में से दो हैं ब्लैक वाले, और ये इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, इसका कलर भी क्या होगा, व्हाइट, तो अगर एफ वन के अंदर हाफ जो इंडिविजुअल है मतलब 50% ब्लैक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले हों और 50% वाइट मतलब रिसेसिव फिनोटाइप वाले हों, तो इसका मतलब जो आपका अननोन इंडिविजुअल था, ठीक है, उसकी जीनोटाइप क्या होगी, हेटरोजाइगस होगी, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप है एंड यू विल हैव टू फाइंड द जीनोटाइप, ठीक है, उसका क्रॉस आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा देते हैं, और अगर एफ वन में सारे के सारे इंडिविजुअल डोमिनेंट फिनोटाइप वाले आते हैं तो वो इंडिविजुअल होमोजाइगस, ठीक है, डोमिनेंट जीनोटाइप वाला होगा, और अगर F1 के अंदर आपको जो इंडिविजुअल है 50% डोमिनेंट फिनोटाइप वाले और 50% रिसेसिव वाले मिलते हैं तो वो इंडिविजुअल के अंदर उस इंडिविजुअल के अंदर जो जीनोटाइप होगी वो कौन सी होगी, बेटा हेटरोजाइगस होगी, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास टेस्ट क्रॉस क्या है, इट इज एक्चुअली अ क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का क्रॉस है किसके साथ, विद द रिसेसिव ऑफ दैट इंडिविजुअल, रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ आपने क्रॉस करवाना है किसके लिए, फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल जिसके अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप उसकी जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए आप उसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेंडल यूज्ड द टेस्ट क्रॉस टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप, तो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल के जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस को इस्तेमाल किया, क्लियर है बेटा ये बात। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास होते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है बेटा, देखें आपने क्रॉस करवाया, ठीक है, ये पी वन क्रॉस है, पी वन क्रॉस में आपने देखें एक आपने लिया मेल, मतलब के एक आपके पास क्या हो गया, मतलब के फीमेल हो गया, आपने उसका क्रॉस करवाया किसके साथ, ठीक है, एक मेल के साथ, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज मेल। अगर आपने क्रॉस करवाया पी वन क्रॉस और आपको नेक्स्ट इंडिविजुअल मिला एफ वन, ठीक है, अब आपको पता है मेंडल के अकॉर्डिंग जो एफ वन होगा, ठीक है, दैट विल बी हेटरोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप वाला होगा, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप वाला होगा और उसका हमारे पास जो जीनोटाइप होगी दैट विल बी हेटरोजाइगस। तो अगर आप इस एफ वन हेटरोजाइगस जो हेटरोजाइगोट है या हेटरोजाइगस जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल है इसका क्रॉस किसी भी पी वन के साथ करवा देते हैं, ठीक है, इसके साथ करवा देते हैं, मतलब होमोजाइगस जो आपके पास डोमिनेंट होगा होमोजाइगस डोमिनेंट इसके साथ करवा देते हैं या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप P1 का क्रॉस F1 के साथ करवा देते हैं या F1 का P1 के साथ करवा देते हैं दैट विल बी नोन एज बैक क्रॉस। अब ये बैक क्रॉस करते क्यों है, क्योंकि देखें अब अगर आपके पास डोमिनेंट फिनोटाइप वाला एक इंडिविजुअल है, ठीक है, आपको तो नहीं पता कि इसके अंदर हेटरोजाइगस कंडीशन है या इसके अंदर क्या बेटा हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है,
तो अगर आप हेटरोजाइगोट्स इंडिविजुअल को अलग करना चाहते हैं, ठीक है, तमाम इंडिविजुअल जिनके अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप है विद हेटरोजाइगस कंडीशन, तो आप उसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, किसी भी पेरेंट के साथ, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो उस क्रॉस को आप नाम देंगे बैक क्रॉस का, दैट विल बी नोन एज बैक क्रॉस, ठीक है। तो एक टर्म है हमारे पास बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में आप F1 का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, किसी भी पेरेंट के साथ, जब होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। F1 का P1 के साथ करवा दे बैक क्रॉस। अगर इसी बैक क्रॉस में आप देखें F1 का क्रॉस करवा देते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो अगर एक हेटरोजाइगस इंडिविजुअल का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हो जाए तो वो क्रॉस बेटा बन जाता है बैक क्रॉस से टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास बैक क्रॉस में आप F1 का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ भी करवा सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ भी, लेकिन हो क्या P1 हो, तो F1 का P1 के साथ बैक क्रॉस। लेकिन अगर F1 का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ऐसा पेरेंट जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है उसके साथ आप करवाने जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा टेस्ट क्रॉस। क्योंकि टेस्ट क्रॉस में आपने पढ़ा है कि आप एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ करवाते हैं, क्लियर। तो आप देखिए ये सपोज करें F1 था, ठीक है, दैट इज F1, और इसका क्रॉस आप किसके साथ करवाने लगे बेटा, इसके ऐसे पेरेंट के साथ, ठीक है, जो पेरेंट क्या था वाइट था, मतलब कि होमोजाइगस रिसेसिव वाला था। तो इस F1 का क्रॉस जब आप इस P1 के साथ करवाएंगे, है तो ये टेस्ट क्रॉस, ठीक है, लेकिन ये बैक क्रॉस भी तो है। तो अगर F1 का क्रॉस P1 के साथ करवाने लगे बैक क्रॉस है, और चूंकि आप F1 का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाने लगे तो वो क्या कराएगा बेटा, टेस्ट क्रॉस कराएगा, क्लियर है बेटा ये बात। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा मल्टीपल अलील्स की तरफ, ठीक है। देखिए हमारे पास मल्टीपल अलील्स में जो एग्जांपल है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब मल्टीपल अलील्स होते क्या है, देखिए आमतौर पर आपने देखे कि आपके पास एक जीन है उसके दो पॉसिबल अलील्स हो सकते हैं, एक डोमिनेंट अलील है और एक आपके पास रिसेसिव अलील है, ठीक है। इसी तरह एक ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए भी एक इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास दो अलील्स मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, एक ट्रेट या फिनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन समटाइम ऐसा होता है बेटा कि एक जीन के एक से ज्यादा अलील होते हैं, जैसे कि ए जीन है इसका एक अलील A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा क्या है A1। तो अगर बेटा एक जीन के एक से ज्यादा अलील्स हो, ठीक है, तो इन अलील्स को अगर एक मतलब सॉरी अगर एक जीन के दो से ज्यादा अलील्स हैं, नॉर्मली तो दो होते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा, तीन हो जाए, चार हो जाए, एंड सो ऑन, अगर एक जीन के दो से ज्यादा अलील्स हों, तो ऐसे अलील्स को आप नाम देते हैं मल्टीपल अलील्स का, ठीक है। अब जो हमारे पास जीन ए है इसके मल्टीपल अलील्स किस वजह से हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आते हैं कि व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ मल्टीपल अलील, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मल्टीपल अलील, कि एक जीन के मल्टीपल अलील कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो आंसर इज द म्यूटेशन, ठीक है, कि जब जीन ए के अंदर म्यूटेशन आएगी तो म्यूटेशन की वजह से हमारे पास मल्टीपल अलील्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। और जिस जीन के मल्टीपल अलील हो, जीन को आप नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन का। पॉली मतलब बहुत सारी, मॉर्फिक मतलब शक्लें, ठीक है, कि एक जीन की बहुत सारी शक्लें, A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है, तो वो जीन जिसके मल्टीपल अलील हो दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक जीन। तो आमतौर पर एक जीन के मिनिमम कितने अलील हो सकते हैं बेटा, ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास मिनिमम मल्टीपल अलील्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम मल्टीपल अलील वैसे तो दो हैं, एक जीन के दो अलील हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम मल्टीपल अलील कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो होंगे दो तो नॉर्मल है, ठीक है, इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आमतौर पर होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो मल्टीपल अलील्स हैं। और मिनिमम मल्टीपल अलील कितने हो सकते हैं, तीन, और मैक्सिमम मल्टीपल अलील कितने हो सकते हैं, जीन के ओवर 300 हो सकते हैं, ठीक है, तो मिनिमम 3 मल्टीपल अलील्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे मल्टीपल अलील, 300। अब देखिए हमारे पास एक पॉपुलेशन के अंदर देखेंगे, पॉपुलेशन में हर तरह के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन में एक जीन के तमाम मल्टीपल अलील्स आपको मिलेंगे, ऑल मल्टीपल अलील्स ऑफ अ जीन कैन बी फाउंड इन द पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल के अंदर देखेंगे, देखिए एक इंडिविजुअल में एक ट्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए एक जीन के मिनिमम या मैक्सिमम जो अलील्स हो सकते हैं दैट आर टू, ओनली टू अलील्स कैन बी फाउंड एन इंडिविजुअल फॉर अ सर्टेन फिनोटाइप। अब देखिए बेटा हमारे पास एक इंडिविजुअल है और उसके अंदर एक मतलब ये उसके अंदर जो जीन है वो पॉलीमॉर्फिक जीन है, लेकिन उस जीन की जो शक्लें एक ट्रेड को डिटरमाइन करने के लिए होंगी वो कितनी होंगी, दो होंगी, ओनली टू अलील्स कैन बी फाउंड एन इंडिविजुअल। और जब उस इंडिविजुअल के अंदर मेल या फीमेल गैमीट्स बनेंगे तो हर एक गैमीट के अंदर दो में से, ठीक है, एक अलील जाएगा, ओनली वन अलील कैन बी फाउंड इन द गैमीट। तो अगर बात हो पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन के अंदर हर तरह के सारे मल्टीपल अलील आपको किसी इंडिविजुअल के अंदर मतलब के A1 होगा फिर साथ उसके A2 होगा, दूसरे में A3 के साथ A1 हो सकता है या A4 हो सकता है,
तो बेटा एक इंडिविजुअल के अंदर एक ट्रेड या फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए दो अलील्स होंगे, ठीक है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, दो अलील्स का होगा, जीनोटाइप दो अलील्स की होगी, लेकिन बेटा उन तमाम पॉपुलेशन में तमाम इंडिविजुअल के अंदर अलील्स देखेंगे तो सारे के सारे मल्टीपल अलील्स हर एक इंडिविजुअल के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, मतलब होंगे तो दो दो, किसी के अंदर A1 होगा साथ A2, किसी के अंदर A4 के साथ A3। तो बेटा हमारे पास आपने याद रखने कि पॉपुलेशन की बात हो तो तमाम अलील्स आपको नजर आएंगे पॉपुलेशन में, लेकिन एक इंडिविजुअल की बात हो तो उसके अंदर एक जीनोटाइप जो होती है वो कंसिस्ट करती है ओनली टू अलील्स फॉर अ पार्टिकुलर फिनोटाइप। और एक गैमीट की अगर हम बात करेंगे तो गैमीट के अंदर आपको पता है कि दो अलील में एक इंडिविजुअल से जब गैमीट्स बनते हैं तो हर एक गैमीट के अंदर उन दो में से जस्ट एक अलील जाता है, तो गैमीट्स कंटेन ओनली वन अलील। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मल्टीपल अलील्स में जो एग्जांपल है हमारे पास है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आपने याद रखने के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल अलीलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम है इंसान में, ठीक है, तो इंसान के अंदर बेटा हमारे पास जो मल्टीपल अलीलिक ब्लड ग्रुप है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपने याद रखने दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय अ सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन। अब देखिए इस एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो डिटरमाइन करने वाला जीन है वो एक है, तो सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन को आप क्या नाम देते हैं, आई जीन का, दैट इज नोन एज आई जीन। तो याद रखें बेटा हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए इंसान में जीन प्रेजेंट है उसका नाम है जीन आई। आई का मतलब बेटा हमारे पास होता है आइसो हीमोग्लुटिनोजिन, एक ग्लुटिनिन का मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है, वहां से बेटा ये वर्ड ड्राइव किया गया आई का मतलब आइसो हीमोग्लुटिनोजिन। और ये आई जीन प्रेजेंट कौन से क्रोमोसोम पर होता है, आई जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है, और इस आई जीन जो कि पॉलीमॉर्फिक जीन है इसके हमारे पास कितने अलील्स हैं बेटा, 3 मल्टीपल अलील्स हैं, एक आई ए आई बी और दूसरा हमारे पास है स्मॉल आई। तो जो हमारे पास एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको इनकोड करने वाला जीन एक ही है जिसका नाम है आई जीन, जो कि पॉलीमॉर्फिक जीन है लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और आपने याद रखना बेटा कि इस आई का मतलब क्या है, आइसो हीमोग्लुटिनोजिन है और इसके 3 मल्टीपल अलील्स हैं आई ए आई बी और स्मॉल आई। नेक्स्ट बेटा हमारे पास याद रखें कि अगर अलील आई ए है तो ये स्पेसिफाई द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, अलील आई ए एंटीजन ए प्रोड्यूस करवाएगा, अलील जो आई बी है ये स्पेसिफाई करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन बी, एंटीजन बी को प्रोड्यूस करवाएगा, और अगर हमारे पास आई नॉट ये स्मॉल आई है डज नॉट स्पेसिफाई एनी एंटीजन तो ये बेटा इंडिविजुअल के अंदर कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करवाते, ठीक है, आई ए जो है वो एंटीजन ए प्रोड्यूस करवाता है, आई बी एंटीजन बी प्रोड्यूस करवाता है, स्मॉल आई किसी एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करवाता। तो अब देखिए अगर हमारे पास अलील्स आई ए और आई बी साथ हैं, आई ए और आई बी के दरमियान जो डोमिनेंट्स है दैट इज को डोमिनेंट्स, ये एक दूसरे के को डोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास आई और आई ए या आई बी के साथ आई स्मॉल आई का क्या रिलेशन है, ये कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं ओवर स्मॉल आई। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आई ए और आई बी साथ होंगे तो एंटीजन ए भी प्रोड्यूस होगी और एंटीजन बी भी प्रोड्यूस होगी क्योंकि ये को डोमिनेंट रिलेशनशिप है, लेकिन बेटा अगर हमारे पास आई ए के साथ स्मॉल आई है या आई बी के साथ स्मॉल आई है तो फिर बेटा आई ए और आई बी का जो डोमिनेंस रिलेशन बनेगा स्मॉल आई के साथ वो होगा कंप्लीट डोमिनेंस का, मतलब आई ए अपने इफेक्ट को शो करेगा स्मॉल आई नहीं कर सकेगा, आई बी अपने इफेक्ट को शो करेगा स्मॉल आई नहीं कर सकेगा, क्लियर है, तो आई ए और आई बी के दरमियान को डोमिनेंस है, ठीक है, आई ए आई बी और स्मॉल आई के दरमियान कौन सी डोमिनेंस है बेटा, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। अब देखिए बेटा हमारे पास अगर हम फिनोटाइप्स को देखते हैं तो अगर फिनोटाइप को देखें तो 4 तरह के फिनोटाइप्स हैं, ठीक है, अगर हम एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में फिनोटाइप की बात करते हैं एमसीक्यूज पे आते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो 4, या तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं ए हो सकता है या ब्लड ग्रुप आपके पास बी हो सकता है या ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या आपके पास ओ ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए 2 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो हमारे पास आई ए आई ए, अब आई ए आई ए है तो एंटीजन ए प्रोड्यूस करेगा, या हमारे पास हेटरोजाइगस कंडीशन हो सकती है आई ए के साथ स्मॉल आई, तो आई ए एंटीजन ए प्रोड्यूस करेगा, आई अपने अपने आपके इफेक्ट को शो नहीं कर सकेगा, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हमारे पास हेटरोजाइगस है, ठीक है, तो अगर ये वाली जीनोटाइप आ जाती है दोनों में से कोई एक आई ए या आई ए स्मॉल आई, तो एंटीजन कौन सी प्रोड्यूस होगी बेटा, एंटीजन ए प्रोड्यूस होगी, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल के सर्फेस पर अगर एंटीजन ए नजर आती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बेटा, ए ब्लड ग्रुप होगा,
और अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो बेटा आपने याद रखना कि जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। कौन सी होगी? ब्लड ग्रुप ए के अंदर, ठीक है, हमारे पास ब्लड ग्रुप ए वाला जो इंडिविजुअल है उसके अंदर हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आप ब्लड ग्रुप बी प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो ब्लड ग्रुप बी प्रोड्यूस करवाने के लिए भी दो तरह के जीनोटाइप्स होंगे, एक होमोजाइगस अच्छा हमारे पास कैपिटल आई बी होगी, फिर भी आई बी होमोजाइगस होगी। आई बी के साथ अगर स्मॉल आई आ जाते हैं तो हेटरोजाइगस है। तो ये दो तरह की जीनोटाइप्स हो सकती हैं। तब भी बेटा एंटीजन कौन सी प्रोड्यूस होगी? बेटा एंटीजन बी प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास अगर सरफेस ऑफ आरबीसी पर एंटीजन बी मिलती है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा? बी होगा। और अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होगी? बेटा अपोजिट बी के क्या? ए। तो एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो एंटीजन ए थी तो एंटीबॉडी बी थी, और अगर हमारे पास एंटीजन बी है तो हमारे पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा बेटा? ए बी है। ए बी ब्लड ग्रुप कब आपके पास होता है? जब आपके पास ये जीनोटाइप हो आई ए आई बी, यहाँ बेटा को डोमिनेंस रिलेशनशिप होगा, को डोमिनेंट एलील्स होंगे। आई ए प्रोड्यूस करवाएगा एंटीजन ए और आई बी प्रोड्यूस करवाएगा एंटीजन बी। तो जब आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो आपके पास जीनोटाइप आई ए आई बी और दोनों एंटीजन प्रोड्यूस होंगे, आई ए प्रोड्यूस करवाएगा एंटीजन ए और आई बी प्रोड्यूस करवाएगा एंटीजन बी। तो आपके पास ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? ए बी। और हमारे पास देखें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो क्या एंटीजन कोई हो सकती? नहीं होगी। तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर बेटा नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए बेटा जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल होते हैं दे कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ ब्लड, क्योंकि इनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। एंटीजन ए भी होती है, एंटीजन बी भी होती है, तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकते हैं। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम देते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने ओ ब्लड ग्रुप वाले को देखना है तो ओ ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करवाने के लिए एक जीनोटाइप हो सकते हैं, दैट इज स्मॉल आई स्मॉल आई होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। दोनों स्मॉल आई है, कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, देयर इज नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ओ एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। आपको पता है ए एंटीजन प्रेजेंट होती है तो बी एंटीबॉडी आ जाती है, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी, दोनों होंगी ए और बी तो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। और लेकिन बेटा अगर एंटीजन ना एंटीजन ए हो ब्लड में ना एंटीजन बी हो तो फिर हमारे पास दोनों एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, एंटी ए एंटीबॉडी भी और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बेटा हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है जिसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती और दोनों तरह की एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो ये बेटा इसे आप नाम देते हैं यूनिवर्सल डोनर का, ठीक है। इट कैन डोनेट द ब्लड टू ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स। ये ए वाले को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। तो ए बी क्या बेटा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ओ क्या बेटा? आपके पास यूनिवर्सल डोनर है। अब देखिए नेक्स्ट इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को देखते हैं। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है, आपको मैं बता रहा था कि ओ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, ठीक है, ये बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है। तीन मतलब ओ वाला खुद खुद दे दे देता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ओ को दे सकता है, ठीक है, लेकिन ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। तो इसलिए बेटा ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसे आप नाम देते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। फिर बेटा हमारे पास देखें ए वाला ए को भी दे सकता है, साथ ए बी को भी दे सकता है। इसी तरह बेटा आपने याद रखना है कि जो बी वाला है, ठीक है, बी को भी दे सकते हैं और साथ बेटा हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? चलें तो अब देखें सबसे ले कौन रहा है बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप ले रहा है, ठीक है, ओ से भी ले रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि देखिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप ओ से भी ले रहा है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए से भी ले रहा है, ये बी से भी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है बेटा दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, इसे आप नाम देते हैं बेटा यूनिवर्सल रेसिपिएंट का। अच्छा जो ओ वाला ये सबको दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ठीक है, और ए बी को भी दे रहा है, तो ओ वाले को आप क्या नाम देंगे? दैट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा हुआ? ए बी पॉजिटिव। ये आपने याद रखना, मैं आगे समझाता हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला होता है वो तमाम से ले सकते हैं, नेगेटिव वाले से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले से भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और अगर हम डोनर की बात करें कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा बेटा? ओ नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने कहा कि पॉजिटिव वाला तो सबसे ले सकता है, सबको दे कौन सकते बेटा? नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ले कौन सकते हैं बेटा? ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकते हैं और नेगेटिव सबको दे सकते हैं। क्लियर है बेटा ये बात?
नेक्स्ट हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप। अब ऐसे आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझने के लिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए अगर एक आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, लेकिन उसी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए के साथ आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट हो, आर एच एंटीजन अगर प्रेजेंट हो तो वो बन जाएगा ए ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आर एच एंटीजन नहीं है तो फिर वो बन जाएगा ए नेगेटिव। तो अगर इसका मतलब यह है कि अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए एंटीजन बी के अलावा आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट हो तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बन जाते हैं, और अगर आर एच एंटीजन ना प्रेजेंट हो तो वो बन जाते हैं ए नेगेटिव। क्लियर है बेटी ये बात? अब देखिए बेटा हमारे पास जो आर एच ब्लड ग्रुप है, ठीक है, पॉजिटिव आर द नेगेटिव साइन ऑफ ब्लड ग्रुप रेफर्स टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन कॉल्ड आर एच फैक्टर। अब कहते हैं अगर आपने बताना है कि ए नेगेटिव ब्लड है या ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है या बी पॉजिटिव, तो अगर आपने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ब्लड ग्रुप को असाइन करना है तो अब क्या देखेंगे कि हमारे पास आर एच फैक्टर आरबीसी की सरफेस पर है या नहीं है। अगर तो आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर बेटा ये आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, तो फिर आप उसे क्या नाम देंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप का नाम देंगे। अब देखिए जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आर एच फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जैसे कि एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम को कौन डिफाइन करता है कि आरबीसी की सरफेस रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कौन सा एंटीजन है, ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो एबी ब्लड ग्रुप, कोई नहीं है तो ओ है। इसी तरह बेटा हमारे पास अगर आपने आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखना है तो आप आरबीसी की सरफेस पर किस चीज को देखेंगे, आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर को देखेंगे। अब देखिए आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय द थ्री जीन्स। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए तीन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक जीन सी है, एक आपके पास डी है, दूसरा आपके पास ई है। तो सी डी ई तीन जीन्स हैं विच ऑक्युपाई टू टाइटली लिंक्ड लोकाई। अब याद रखे बेटा जीन्स की तादाद तीन, सी डी और ई, लेकिन जो लोकस है बेटा लोकाई है, ठीक है, वो कितने, दो हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जीन होते हैं दैट इज जीन टी, एलील्स ऑफ जीन टी ऑक्युपाई वन लोकस। जो डी जीन के हमारे पास एलील्स हैं वो एक लोकस को ऑक्युपाई करते हैं, वेल द जीन सी और ई, ठीक है, अल्टरनेटिवली ऑक्युपाई द अदर लोकस। तो एक लोकस पर आपको डी जीन के एलील्स नजर आएंगे और दूसरे बेटा हमारे पास लोकस पर आपको सी और ई जीन के एलील्स नजर आएंगे। तो दो लोकस हो गए, एक सी और ई का इकट्ठा हो गया और डी का क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखिए बेटा हमारे पास जो जीन डी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके दो एलील्स होते हैं, कैपिटल डी, ठीक है, और दूसरा स्मॉल डी। अगर तो देखें जो डी है दिस इज डोमिनेंट एलील और जो स्मॉल डी है बेटा दिस इज रिसेसिव। तो कैपिटल डी इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल डी। तो आपने याद रखना है कि जो कैपिटल डी वो कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल डी। अगर तो कैपिटल डी किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप में प्रेजेंट है तो उसके अंदर आर एच एंटीजन प्रोड्यूस होगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आर एच पॉजिटिव। और अगर बेटा हमारे पास स्मॉल डी है, ठीक है, तो फिर उसका मतलब आर एच एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी के दरमियान जो डोमिनेंट है दैट इज कंप्लीट डोमिनेंट। क्लियर है बेटा ये बात? अब देखिए बेटा हमारे पास ये अगर एक फिनोटाइप है आर एच पॉजिटिव, किसी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड ग्रुप क्या पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, तो उसकी जीनोटाइप या तो हमारे पास कैपिटल डी होमोजाइगस डोमिनेट हो सकती है या हमारे पास हेटरोजाइगस हो सकती है, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब कैपिटल डी इज कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द स्मॉल डी, तो ये एंटीजन प्रेजेंट प्रोड्यूस करेगा, तो बेटा आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर। आर एच पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर जिसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का नाम देंगे तो उसकी आरबीसी की सर्फेस पर एंटीजन आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगी। अब देखिए अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, आर एच एंटीबॉडी क्या होगी, एब्सेंट होगी। याद रखें आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर एच नेगेटिव की, तो आर एच नेगेटिव का आपने याद रखना है बेटा कि इसकी जो जीनोटाइप है ये क्या होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल डी अगर स्मॉल डी प्रेजेंट है होमोजाइगस रिसेसिव है तो एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, एब्सेंट होगी। आरबीसी की सरफेस पर देयर इज नो आर एच एंटीजन तो ब्लड ग्रुप हो गया नेगेटिव। अब देखिए एंटीबॉडी होगी, आपने याद रखना है एंटीबॉडी जो आर एच एंटीबॉडी है बेटा नेगेटिव ब्लड के अंदर एब्सेंट हो सकती है, एब्सेंट होगी, बट कैन प्रोड्यूस ऑन एक्सपोजर ऑफ आर एच एंटीजन। लेकिन बेटा अगर आप किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देंगे जिसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो जब नेगेटिव वाले ब्लड के अंदर पॉजिटिव बेटा ब्लड जाएगा तो आर एच एंटीजन जो आएंगे वो स्टिमुलेट कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ आर एच एंटीबॉडीज, ठीक है। तो नेगेटिव ब्लड वाला बेटा आर एच एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस करेगा, जब उसको क्या मिलेंगी, आर एच एंटीजन मिलेंगी। और वो कब मिलेंगी, जब आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे बेटा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देंगे। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव वाले मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देंगे जिसके अंदर आर एच एंटीजन है तो वो नेगेटिव वाले पर्सन में आर एच एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देंगे।
जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर रहे थे ठीक है आरएच ब्लड ग्रुप की, तो आपने याद रख लिया मल्टीपल एलील्स एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये हेडिंग गलती से आ गई है, दिस इज एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग आर स्टडीइंग द आरएच ब्लड ग्रुप। तो आप देखें हमारे पास एक आरएच पॉजिटिव पर्सन है ठीक है, ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव, वो किसको डोनेट कर सकते, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है ठीक है, ले किससे सकते हैं, आरएच पॉजिटिव वाला आरएच पॉजिटिव से भी ले सकते हैं ठीक है, आरएच नेगेटिव से भी ले सकते हैं ठीक है, याद रखें पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले सकते हैं, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से भी ले सकते हैं, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव वाला मतलब याद ये रखें कि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप आप देने लगे हैं याद आपको मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि आप पहले उसे आरएच एंटीजन के साथ एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ, अगर कभी उसका आरएच एंटीजन के साथ एक्सपायर नहीं हुआ तो मतलब उसने कभी आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करवाई, तो आप जो आरएच फ्रेश आरएच नेगेटिव है उसके अंदर ना ही आरएच एंटीजन है ना ही आरएच एंटीबॉडी है, तो आप उसे आसानी के साथ आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और नेगेटिव से भी ले सकते हैं, लेकिन जो आरएच नेगेटिव है बेटा ये किसको दे सकता है, अभी हमने कहा नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है और ठीक है, और साथ बेटा नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, दोनों को बेटा। देखिए आरएच जो नेगेटिव है डोनेट किसको कर सकते हैं, नेगेटिव वाले को तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो आरएच नेगेटिव ब्लड आप डोनेट करने लगे हैं उसको कभी आरएच एंटीजन का एक्सपायर ना मिला हो, अगर एक्सपायर होगा तो उसके अंदर आरएच एंटीबॉडीज होंगी, और अगर आरएच एंटीबॉडीज होंगी तो वो आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप में जाकर उनकी एंटीजन के साथ रिएक्शन शो कर देंगी, तो हमारे पास आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। और आरएच नेगेटिव वाला रिसीव कहां से कर सकता है, नेगेटिव वाला जस्ट नेगेटिव वाले से ही ले सकता है, सबको सकते हैं पॉजिटिव वाले को भी नेगेटिव वाले को भी, लेकिन ले किससे सकते हैं, जस्ट आरएच नेगेटिव वाले से। क्लियर है बेटी बात। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें हमारे पास एक डिजीज है उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस भी कहते हैं, उसे मेटर्नल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं ठीक है, मेटर्नल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास इट रिजल्ट्स व्हेन अ आरएच नेगेटिव वुमन मैरिड टू द आरएच पॉजिटिव वुमन, जब एक नेगेटिव वुमन ठीक है वुमन की शादी होती है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले औरत की शादी होती है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान के साथ, तो फिर जब उनका जो बच्चा होगा कंसीव अ चाइल्ड हु इज आरएच पॉजिटिव, जो उनका बच्चा होगा वो कौन सा होगा आरएच पॉजिटिव होगा। और अगर बेटा हमारे पास इफ द मैन जीनोटाइप इज कैपिटल डी कैपिटल डी, अगर बेटा जो इंसान है जो आरएच पॉजिटिव वाला है उसकी जो कंडीशन है जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस डोमिनेट है दोनों कैपिटल डी तो उनके एफ वन मतलब जो जनरेशन ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा करेंगे वो हेटरोजाइगस होंगे और सबके सब क्या होंगे बेटा आरएच पॉजिटिव वाले होंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर इंसान इफ द मैन जीनोटाइप इज कैपिटल डी स्मॉल डी, लेकिन इंसान की जो जीनोटाइप है वो क्या बेटा हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी हेटरोजाइगस है, तो आधे बच्चे होंगे जिनके जीनोटाइप क्या होगी बेटा हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग विद हेटरोजाइगस जीनोटाइप ठीक है, हाफ की जो हमारे पास जीनोटाइप होगी क्या बेटा हेटरोजाइगस होगी तो वो आरएच पॉजिटिव वाले होंगे, और हाफ की क्या होगी बेटा होमोजाइगस रिसेसिव होगी ठीक है, तो वो क्या होंगे बेटा आरएच नेगेटिव वाले होंगे। क्लियर है, तो आधे बच्चे पॉजिटिव वाले आधे नेगेटिव वाले, लेकिन जो पॉजिटिव बच्चा पैदा होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला उसको मसला होगा किसके साथ विद द मदर आरएच नेगेटिव ठीक है। तो जब बेटा हमारे पास आरएच मेटर्नल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती कब है, जब बेटा मदर का ब्लड क्यों नेगेटिव और बच्चे का ब्लड क्यों पॉजिटिव, और ये कब होगा जब हम नेगेटिव और ब्लड ग्रुप वाले औरत की शादी करेंगे किसके साथ पॉजिटिव वाले मर्द के साथ ठीक है, तो बच्चा पॉजिटिव है और मदर क्या नेगेटिव। अब होगा क्या, देखिए प्लेसेंटा कनेक्शन का नाम है ठीक है, देखिए यहाँ से ब्लड आ रहे हैं मदर से बच्चे के अंदर। अब होता क्या है कि अगर बच्चे के कुछ ब्लड रेड ब्लड सेल जिन पर आरएच एंटीजन लगी हुई है वो प्लेसेंटा से मूव करके चले जाते हैं कहाँ बेटा, वो चले गए मदर के ब्लड के अंदर। अब जैसे आरएच नेगेटिव का मतलब है आरएच सॉरी पॉजिटिव वाले रेड ब्लड सेल ठीक है, जो बच्चे के रेड ब्लड सेल थे जिन पर आरएच एंटीजन मौजूद था वो मदर की सर्कुलेशन में जाएंगे, मदर वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है नेगेटिव है, उसके अंदर पहले तो आरएच एंटीबॉडीज नहीं थी ना ही आरएच एंटीजन थी, जब बच्चे की रेड ब्लड सेल गया जिसके ऊपर बेटा आरएच एंटीजन लगी हुई है, तो जब ये आरएच एंटीजन जाएगी मदर के ब्लड में तो ये आरएच एंटीजन क्या प्रोड्यूस करवाएगी आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएंगे ठीक है। तो मदर का जो ब्लड है आरएच नेगेटिव उसने बेटा ऑन द एक्सपोजर टू द आरएच एंटीजन क्या प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा दी ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास जब बच्चे का ब्लड मतलब बच्चे का पॉजिटिव ब्लड गया मदर के नेगेटिव ब्लड के अंदर तो नेगेटिव ब्लड ने बेटा आरएच एंटीजन के रिस्पांस में क्या प्रोड्यूस करवा दी आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा दी है। तो अब मदर के ब्लड के अंदर बेटा आरएच एंटीबॉडीज हैं। अब देखिए जो आरएच एंटीबॉडीज हैं
वो क्या करेंगे बेटा, जो मदर का रेड ब्लड सॉरी फीटस का जो रेड ब्लड सेल है जिस पर आरएच एंटीजन है, एंटीबॉडी जाकर आरएच एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगे और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और वो बेटा फीटल जो आरबीसी आया था जिस पर आरएच एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके दरमियान मतलब के उस रेड ब्लड सेल की लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगी, इसे कहेंगे आरएच, ठीक है, मेटर्नल फीटल सॉरी मेटर्नल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, कि हमारे पास मेटर्नल जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसके जो अंदर आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है वो फीटल के जो रेड ब्लड सेल है उस पर मौजूद एंटीजन को खत्म करना स्टार्ट कर देंगे, किल करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे रेड ब्लड सेल की क्या हो जाएगी, हीमोलाइसिस। इसी तरह जो एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में प्रोड्यूस हुई है वो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चली जाएंगी बेटा, वो बेबी जो फीटस है बेटा उसके ब्लड में चले जाएंगे। अब फीटस के अंदर तो है सारा आरएच पॉजिटिव, सारी आरएच एंटीजन वाले रेड ब्लड सेल है, तो ये जाएंगी देखें बहुत सारी एंटीबॉडीज जब मदर फीटस के ब्लड में जाएंगी फ्रॉम मदर टू द फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, जब फीटस के ब्लड रेड ब्लड सेल के पास पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, तमाम बेटा जो फीटल आरबीसीज हैं इनकी हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसे आप एग्लूटिनेशन भी कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि फीटस का जो ब्लड है, ठीक है, उसमें मौजूद जो आरबीसीज हैं सब खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आरबीसीज खत्म हो गए तो बेटा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं, अनीमिया, ठीक है, तो बच्चा जो फीटस है बेटा वो अनीमिया का शिकार हो जाएगा, क्योंकि मदर के ब्लड से जो आरएच एंटीबॉडीज आ रही है वो बेटा फीटल के रेड ब्लड सेल को क्या करिए, खत्म करिए, तो अनीमिया हो जाएगा, इससे क्या हो सकती है, अबॉर्शन हो सकते हैं, ठीक है, जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसकी स्किन और जो हमारे पास स्क्लेरा ऑफ आईज होगा वो बेटा येलो हो जाएगा, ठीक है, येलो का मतलब उसके अंदर डेपोजेशन हो जाएगी किसकी, बिलीरोबिन की, क्योंकि जब आप आरबीसी की ब्रेकडाउन करवाएंगे हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उससे क्या बनेगा, बिलीरोबिन बनेगा, और बिलीरोबिन का लेवल जब हाई होगा तो क्या हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, ठीक है, कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो आपने याद रखना है मेटर्नल क्या था, आरएच नेगेटिव ब्लड था, ठीक है, और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव वाले सेल्स हैं वो लीक हो जाते हैं मदर के अंदर, जब मदर के अंदर जाते हैं तो मदर क्या करते हैं, मदर मेक एंटीबॉडीज टारगेटिंग द आरएच पॉजिटिव सेल्स, तो मदर क्या करती थी, एंटीबॉडीज बना देती है जो कि आरएच पॉजिटिव वाले रेड ब्लड सेल्स जो फीटस से आ रहे हैं, ठीक है, उसको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और मदर जो एंटीबॉडीज है वो इंटर द प्लेसेंटा, ठीक है, मदर की जो एंटीबॉडीज बनी आरएच एंटीबॉडीज वो प्लेसेंटा के थ्रू कहां चली जाएंगी, फीटस के अंदर, और एंटीबॉडीज अटैक द फीटस आरएच पॉजिटिव ब्लड सेल, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज मदर से है वो फीटस के जो आरएच पॉजिटिव सेल्स थे रेड ब्लड सेल्स से उनकी हीमोलाइसिस स्टार्ट करवा देंगी, ठीक है, जिससे हमारे पास मैटरनल फीटल आरएच इनकंपैटिबिलिटी हो जाएगी, इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी कहते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, जब बेटा फीटस में मौजूद सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनीमिया, और अनीमिया की वजह से क्या हो सकती है, अबॉर्शन हो सकती है, स्टिल बर्थ, बच्चा या तो मुर्दा पैदा होगा या जल्दी क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगी। अच्छा, इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यू, अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होती, कंटिन्यू रहती है, तो बेटा देखें आरबीसीज की जब कमी होगी किसके अंदर बेटा, फीटस के अंदर, तो फीटस के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं वो कौन बना रहे होते हैं, लीवर और स्प्लीन। तो बेटा हमारे पास लीवर और स्प्लीन देखेंगे कि फीटस के ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हो रही है, क्यों कमी हो रही है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज मदर से आई है वो मुसलसल रेड ब्लड सेल्स को तोड़ रही है, तो रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से लीवर और स्प्लीन ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और ज्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, जब जरूरत से ज्यादा उन्हें रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करना पड़ेंगे तो लीवर और स्प्लीन ओवरलोड होने की वजह से क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है, जब वो इनलार्ज होंगे तो रैपिडली हमारे पास आरबीसीज प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें हमारे पास हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली होगा, कि अब नॉर्मल साइज होगा किसका बेटा, लीवर और स्प्लीन का, क्योंकि वो जो आरबीसीज कम हो रहे हैं उसको ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी जिसे बिलीरोबिन का नाम देते हैं वो अकामुलेट हो जाते हैं फीटस के अंदर, जब वो अकामुलेट हो जाएगा बिलीरोबिन, ठीक है, बिलीरोबिन किसको डैमेज करते हैं, ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, और स्किन और जो व्हाइट ऑफ आई है, ठीक है, जो स्क्लेरा है बेटा आई का, वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हैं, जॉन्डिस का नाम देते हैं। अब इस आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखें बेटा कि आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, आरएच सेंसिटाइजेशन ऑफ आरएच नेगेटिव मदर इज अवॉइडेड बाय द सिंपल थेरेपी, ठीक है, आप हम कहते हैं कि हमारे पास जो आरएच नेगेटिव मदर है, ठीक है, आप वो उसकी जो आरएच सेंसिटाइजेशन होती है कि फीटस से जो रेड ब्लड सेल्स आते हैं जिन पर आरएच एंटीजन लगा हुआ होता है वो आरएच एंटीजन आकर आरएच मदर को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं कि आरएच नेगेटिव जो मदर का ब्लड है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस आरएच एंटीजन, ठीक है, तो उसको आप कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है, उसे सिंपल थेरेपी है, वो सिंपल थेरेपी क्या है बेटा कि शी इज गिवन, मदर को इंजेक्शन दिया जाता है किसका बेटा, आरएच एंटी सीरम का, ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जब बेटा हमारे पास इनिशियली प्रेगनेंसी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर और बर्थ के बाद, बर्थ के फौरन बाद आप क्या देते हैं,
بیٹا ایک انجیکشن دیتے کس کا, آر ایچ اینٹی سیرم کا. آر ایچ اینٹی سیرم کا مطلب کیا ہوگا, اینٹی سیرم میں کیا ہوتی ہیں, اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. تو بیٹا ایسا اینٹی سیرم جس کے اندر آر ایچ اینٹی باڈیز ہیں, ٹھیک ہے, اس انجیکشن کو آپ انجیکٹ کر دیتے ہیں مدر کے اندر. کب بیٹا, ڈیورنگ دا ارلی پریگنینسی اینڈ امیڈیٹلی آفٹر دا برتھ. اب جب آر ایچ اینٹی باڈیز انجیکشن کے تھرو کہاں جائیں گے بیٹا, آر ایچ اینٹی باڈیز ان دا آر ایچ اینٹی سیرم, یہ کیا کریں گے, دیکھیں فیٹس سے آنے والے جو آر ایچ پوزیٹو آر بی سیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کیا کر دیں گے, ڈسٹروائے کر دیں گے, ٹھیک ہے, بفور دے سٹیمولیٹ دا پروڈکشن آف میٹرنل اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز. دیکھیں ہمارے پاس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے انجیکشن کے تھرو آر ایچ اینٹی باڈیز تھرو اینٹی سیرم کیا دی دی بیٹا, مدر کے بلڈ کے اندر ڈال دیں. اب مدر کے بلڈ میں آلریڈی وہ اینٹی باڈیز ہیں, آر ایچ اینٹی باڈیز جو آپ نے باہر سے دی ہیں, مٹرنل بلڈ اس کو پروڈیوس نہیں کروا رہا, آپ نے باہر سے دی ہیں. جب بیٹا فیٹس میں سے, ٹھیک ہے, آر بی سیز آئیں گے جن پر آر ایچ پوزیٹیو اینٹیجن لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آر ایچ جو پوزیٹیو ہیں, جب وہ آر بی سیز بیٹا فیٹس مدر سرکولیشن میں آئیں گے تو مدر کی سرکولیشن میں آر ایچ اینٹی باڈیز آلریڈی پریزنٹ ہیں, تو وہ آر ایچ اینٹی باڈیز کیا کریں گی, فیٹس سے آنے والے آر بی سیز کو فوراً کیا کر دیں گے, کل کر دیں گے, ڈسٹروائے کر دیں گی, بجائے اس کے کہ آر بی سیز آتے, پوزیٹیو آر بی سیز آتے مدر کے بلڈ کو سٹیمولیٹ کرتے, کس کے لیے بیٹا, اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ سٹیمولیٹ کرتے, آر ایچ اینٹی سیرم میں موجود جو آر ایچ اینٹی باڈیز ہیں وہ آر بی سیز جو پوزیٹیو آر بی سیز ہیں ان کو کل کر دیتی ہیں, ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. جب بیٹا پوزیٹیو آر بی سیز ہی نہیں رہیں گے تو کیا میٹرنل جو اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز نے سٹیمولیٹ ہونا تھا پروڈکشن کے لیے, کیا وہ سٹیمولیٹ ہو پائیں گے, نہیں ہو پائیں گے, ٹھیک ہے. تو بیٹا ہمارے پاس مدر اپنے بلڈ میں اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز خود پروڈیوس نہیں کروا پائے گی, کیونکہ آنے والے جتنے بھی پوزیٹیو آر بی سیز تھے فیٹس سے ان سب کو ڈسٹروائے کس نے کر دیا ہے, اینٹی سیرم کے تھرو آپ نے جو آر ایچ اینٹی باڈیز ڈالی تھی. تو دس انجیکٹڈ اینٹی سیرم ڈس اپیئرز بیفور دا نیکسٹ پریگننسی. نیکسٹ پریگننسی تک بیٹا ہمارے پاس جو آپ نے اینٹی سیرم انجیکٹ کیا تھا وہ کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو اس سے بیٹا آپ آر ایچ میٹرنل فیٹل آر ایچ انکمپیٹیبلٹی کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سمپل سا کرنا یہ ہے کہ جب پریگننسی ہو تو فوراً پریگننسی میں آپ نے اینٹی سیرم دے دینے, کس کا اینٹی سیرم, آر ایچ اینٹی باڈیز کا. جب وہ میٹرنل بلڈ میں جائیں گے پریگننسی ہوگی, پلیسنٹا کے تھرو فیٹل سے آر بی سیز آئیں گے وتھ پوزیٹیو, ٹھیک ہے, آر ایچ اینٹیجن, تو بیٹا اس آر ایچ اینٹیجن والے آر بی سیز کو کل کرنے کے لیے آلریڈی آپ کے انجیکٹڈ آر ایچ اینٹی باڈیز پریزنٹ ہوں گے, وہ ان اینٹیجن کو ان آر بی سیز کو ختم کر دیں گے. جب آر بی سیز ختم ہو جائیں گے تو وہ آر بی سیز میٹرنل بلڈ کو سٹیمولیٹ نہیں کر پائیں گے, جو نیگیٹو بلڈ گروپ ہے کہ وہ اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز پروڈیوس کروائے. تو جب آر ایچ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوں گے نہیں تو وہ کراس کر کے پلیسنٹا میں نہیں جائیں گی, کراس کر کے پلیسنٹا میں نہیں جائیں گی تو ہمارے پاس میٹرنل فیٹل آر ایچ انکمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی. نیکسٹ طریقہ کیا بیٹا, سم ٹائمز وہ کہتا ہے مائلڈ اے بی او انکمپیٹیبلٹی پروٹیکٹ دا بیبی اگینسٹ دا مور سیویئر آر ایچ انکمپیٹیبلٹی. کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اے بی او انکمپیٹیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ پروٹیکٹ کر دیتی ہے بیبی کو اگینسٹ دا مور سیویئر آر ایچ انکمپیٹیبلٹی. کیسے, اگر وہ کہتے ہیں کہ مدر کا بلڈ گروپ کیا ہے, او نیگیٹو ہے, میٹرنل کا جو میٹرنل بلڈ گروپ ہے دیٹ از او نیگیٹو. جب ہمارے پاس یہ او نیگیٹو ہے, ون منٹ, اب دیکھیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میٹرنل بلڈ کیا او نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے, اور بچہ جو مطلب کنسیوڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کی امپلانٹیشن ہوئی ہے وہ اے پوزیٹیو یا بی پوزیٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو اے, اب دیکھیں او نیگیٹو مدر کا مطلب ہے کس کے اندر اینٹی اے اینٹی باڈی بھی پریزنٹ ہوگی اور اینٹی بی اینٹی باڈی بھی پریزنٹ ہوگی, کیونکہ اس کے اندر اینٹیجن اے اور اینٹیجن بی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہمارے پاس فیٹس یا بیبی کا جو بلڈ ہے وہ اے پوزیٹیو ہے یا بی پوزیٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو اینی فیٹل اے اور بی ٹائپ آف آر بی سیز انٹرنگ دا مدر بلڈ آر کوئکلی ڈسٹروائڈ بائی ہر اینٹی اے اور اینٹی بی اینٹی باڈیز. اب دیکھیں اگر کوئی ایسا ریڈ بلڈ سیل جس کی سرفیس پر اینٹیجن اے ہے یا اینٹیجن بی ہے, وہ جب جائے گا کس کے اندر, او نیگیٹو بلڈ کے اندر, تو او نیگیٹو بلڈ گروپ میں موجود جو اینٹی اے اینٹی باڈیز ہوں گی, اینٹی اے اینٹی باڈیز کل کر دیں گی اے ٹائپ آر بی سی کو, ٹھیک ہے, جس پر اینٹیجن اے ہے, اور جو اینٹی بی اینٹی باڈیز ہیں بیٹا وہ کس کو کر دیں گے, بی ٹائپ آر بی سی کو, جس پر بی اینٹیجن بی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بیٹا آنے والے آر بی سیز کو کیا, کون کل کر رہا ہے, اینٹی اے اینٹی باڈیز اور اینٹی بی اینٹی باڈیز. تو جب دیکھیں ہمارے پاس آنے والے آر بی سیز ہی کل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ہیمولائسس ہو رہی ہے, تو وہ آر بی سیز جا کر نیگیٹو بلڈ کو سٹیمولیٹ نہیں کر پائیں گے فار دا پروڈکشن آف اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز. تو جب اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز ہی پروڈیوس نہیں ہوں گی تو بیٹا ہمارے پاس میٹرنل فیٹل آر ایچ انکمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے پاس اے بی او انکمپیٹیبلٹی ہو گئی ہے. اے بی او انکمپیٹیبلٹی سے ہوا کیا بیٹا, کہ جو میٹرنل جو فیٹل آر بی سیز آ رہے ہیں جس کے اوپر اینٹیجن اے لگا ہوا ہے یا اینٹیجن بی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ پوزیٹیو والے ہیں اور ساتھ آر ایچ اینٹیجن بھی ہے, تو اینٹیجن اے والے آئیں گے آر بی سیز تو اینٹی اے اینٹی باڈیز کل کر دیں گی,
एंड और बी मतलब बी पॉजिटिव वाले आरबीसीज आएंगे विद एंटीजन बी, तो एंटी बी एंटीबॉडीज आएंगी और वो खत्म कर देंगी उन्हें। तो आने वाले आरबीसीज को मुसलसल खत्म किया जा रहा है एंटी ए एंटीबॉडीज के थ्रू और एंटी बी एंटीबॉडीज के थ्रू, जिससे बेटा हमारे पास आरबीसीज को मौका ही नहीं मिलता कि नेगेटिव नेगेटिव जो ब्लड है उसको स्टिमुलेट कर सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज। क्लियर बेटी ये बात। इस तरह माइल्ड जो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी है प्रोटेक्ट कर देती है बेबी को अगेंस्ट द मोस्ट सीवियर आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर बेटी बात। चलो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जीन लिंकेज क्या है। अगर देखें जितना भी हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर चीजें डिस्कस की हैं, ये बेटा हमारे पास जो जीन की सेग्रीगेशन थी असॉर्टमेंट थी ये उन जीन्स की थी दैट वर नॉन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब जीन लिंकेज क्या है बेटा हमारे पास, देखें जीन लिंकेज का मतलब है लिंक्ड जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स होते हैं दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। ठीक है, और द फिनोमिना ऑफ स्टिंग टूगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द जीन लिंकेज। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं उसे आप क्या नाम देते हैं, जीन लिंकेज का नाम देते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स एक साथ मौजूद होंगे दैट इज नोन एज जीन लिंकेज। और आपने याद रखना है जीन लिंकेज क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द जीन। देखें दिस इज अ जीन 2, 3 एंड 4, दिस इज जीन 1, तो जीन 2, 3 और 4 एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज फिजिकल रिलेशनशिप, कि जीन 2 के साथ 3 कनेक्टेड है, 3 के साथ 4 कनेक्टेड है, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, दिस इज नोन एज जीन लिंकेज। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है क्रोमोसोम कैरीज इट्स लिंक्ड जीन इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप। ये क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ग्रुप की शक्ल में होते हैं, लिंकेज ग्रुप की शक्ल में। जैसे कि आप देखें यहाँ एक जीन 1 है, ठीक है, ये अनलिंक्ड जीन्स है, ठीक है, दैट आर द जीन लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। देखिए ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, इस पर जीन 1 जो है ये 2, 3 या 4 के साथ नॉन लिंक्ड है, क्योंकि इसके साथ कोई इसका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये किसी और गैमेट के अंदर चला जाएगा, ये किसी और गैमेट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2, 3 और 4 जो है बेटा दीज आर नोन एज लिंक्ड जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो बेटा जो लिंक्ड जीन्स है बेटा ये क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं ग्रुप की शक्ल के अंदर, जिसे आप लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे कि 2, 3 और 4 ये मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, दीज आर द सेट ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोकाई, डिफरेंट लोकस पर मौजूद डिफरेंट जीन्स हैं दैट एक्सेप्ट फॉर द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, टेन टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती बेटा और क्रॉसिंग ओवर इनको सेपरेट नहीं करती तो ये जहां भी जाएंगे बेटा, जहां एक क्रोमोसोम जाएगा साथ ही जीन 2 भी जाएगा, जीन 3 भी, जीन 4 भी, ठीक है, तो ये हमारे पास सेग्रीगेट नहीं होंगे। ठीक है, जिस गैमेट के अंदर भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। तो अगर बेटा हमारे पास जो लिंक जो जीन्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं, लिंकेज ग्रुप की शक्ल में होते हैं। अब कितने लिंकेज ग्रुप इंसान में होंगे आपने याद रखना है, अगर आपने लिंकेज ग्रुप को फाइंड करना हो कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड इंडिविजुअल, तो आपने देखना है कि उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स कितनी है। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कोरेस्पोंड टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कि जो हमारे पास लिंकेज ग्रुप है उतने ही होंगे जितने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम है 46, मतलब 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इंसान के अंदर लिंकेज ग्रुप भी कितने बेटा, 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं। ठीक है, 23 लिंकेज ग्रुप्स का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर कुछ जीन्स इकट्ठे मौजूद हैं जो एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। तो 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 के आपके पास लिंकेज ग्रुप्स हैं। अब देखिए 23 लिंकेज जो ग्रुप्स हैं उनमें से बेटा 22 जो हमारे पास लिंकेज ग्रुप्स हैं वो ऑटोसोमल हैं, ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप्स हैं, और उनमें से 1 क्या बेटा, सेक्स लिंकेज ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि देखिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम पेयर्स हैं, तो 20 ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप बन गए, और 1 आपके पास सेक्स लिंकेज ग्रुप है जो कि लोकेटेड होगा एक्स वाई क्रोमोसोम या एक्स एक्स क्रोमोसोम पर। अब देखिए बेटा हमारे पास ऑटोसोमल लिंकेज में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, एल्बिनिज्म को, ल्यूकीमिया को और सिकल सेल एनीमिया को। तो ये तीन ट्रेट्स के जो जीन्स हैं एल्बिनिज्म, ल्यूकीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये लिंकेज ग्रुप बनाते हैं कौन से क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप। और जो सेक्स लिंकेज ग्रुप है बेटा, ठीक है, या तो एक्स क्रोमोसोम पर हो सकते हैं या वाई क्रोमोसोम पर। तो एक्स क्रोमोसोम पर बेटा हमारे पास कुछ ट्रेट्स के जीन्स इकट्ठे मौजूद हैं, जैसे कि गाउट के, हेमोफीलिया के और कलर ब्लाइंडनेस के। ठीक है, तो गाउट, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के जो हमारे पास जीन्स हैं दैट आर लोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ हमारे पास वो क्या बना रहे हैं, सेक्स लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर जीन लिंकेज जो है बेटा वो किसके लिए है, एल्बिनिज्म के लिए, ठीक है, ल्यूकीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए, याद रखें। और एक्स क्रोमोसोम पर जो हमारे पास लिंकेज ग्रुप है वो किन ट्रेट्स के लिए, गाउट के लिए हमारे पास, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, देखिए क्रॉसिंग ओवर हमारे पास मियोसिस 1 की फेज प्रोफेज 1 में होती है। ठीक है, मियोसिस 1 या प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे,
कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस, ठीक है, फोर स्ट्रैंड स्टेज पर होती है, मतलब हर दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। तो क्रॉसिंग ओवर किस चीज का नाम है? दिस इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस, कि मियोसिस के दौरान बेटा जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके दरमियान जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब जो लिंक्ड जीन्स हैं देखें वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मेंडल के लॉ के मुताबिक तो सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर, लेकिन जो लिंक्ड जीन्स है बेटा वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है बेटा कि वो लिंक्ड जीन्स काफी डिस्टेंस पर हो, ठीक है, अगर बहुत करीब एक दूसरे के तो क्रॉसिंग ओवर भी उनको सेपरेट नहीं कर सकते। क्लोजर द टू जून जीन लुकाई, जितने बेटा जीन लुकाई क्लोज होंगे दूसरे के मोस्ट स्ट्रॉन्गली देयर जीन लिंक्ड, ठीक है, उतने ज्यादा उन लोकस पर मौजूद जीन एक दूसरे के साथ होंगे लिंक्ड होंगे और उतना ज्यादा उनको सेग्रीगेट करना क्या होगा बेटा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लिंक्ड जीन्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो कौन करेगा? क्रॉसिंग ओवर। वो भी कब कर सकेगी? जब लिंक्ड जीन्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होंगे, तो जितने ज्यादा क्लोज होते जाएंगे उतने ज्यादा चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। अब देखिए द फर्दर पार्ट टू जीन्स लाइक, जितने ज्यादा जीन एक दूसरे से दूर होंगे ग्रेटर द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन थ्रू द क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के जरिए उनको सेपरेट करना उतना ज्यादा क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर क्या कर देते हैं? क्रॉसिंग ओवर मिनिमाइज चांसेस ऑफ जीन लिंकेज, ठीक है, जीन लिंकेज के चांसेस को कौन मिनिमाइज करेगा? क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर लिंक जीन्स को क्या करती है बेटा? सेपरेट करती है, ठीक है, सेग्रीगेट करती है, और वो भी वो जो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर हो। अब देखिए बेटा हमारे पास ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब देखिए हर एक जो क्रोमोसोम है होमोलोगी क्रोमोसोम उसके कितने क्रोमेटिड्स हैं बेटा? दो हैं। दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स, डुप्लीकेटेड पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम एक ही है, ठीक है, लेकिन इसके क्रोमेटिड्स कितने बेटा? दो हैं, ठीक है, एक ये क्रोमेटिड है, दूसरा आपके पास ये, इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी तरह इस क्रोमोसोम का ये और ये क्या कहलाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपने एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट किसके देखें, ये हमारे पास इसके भी दो स्ट्रैंड मतलब दो क्रोमेटिड, इसके भी दो, तो टोटल कितने के चार। तो हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहाँ होती है बेटा? फोर स्ट्रैंड स्टेज पर। कौन से स्ट्रैंड स्टेज? फोर, चार स्ट्रैंड या चार सिस्टर चार क्रोमेटिड्स होते हैं, देन जाकर क्रॉसिंग ओवर होगी। और इसमें बेटा देखें हमारे पास क्या मेटा फॉर्मेशन होगी, ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है, क्रोमेटिड्स। तो ये वाला सेगमेंट देखें हमारे पास क्या कर रहा है, अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या मेटा की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ वाला जो जीन था, ठीक है, देखें यहाँ वाला जो जीन था, ठीक है, वो कहाँ आ चुके बेटा? यहाँ वाला आ चुके यहाँ, ठीक है, ये सेगमेंट एक्सचेंज कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ वाला जो जो हमारे पास जीन था, ठीक है, यहाँ वाला वो कहाँ आ चुके बेटा? इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड पर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखें दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लिया ड्यूरिंग द मियोसिस। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं बेटा? दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में हमेशा बेटा कौन से क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं? हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को क्या करते हैं बेटा? एक्सचेंज करते हैं। और तो बेटा देखें हमारे पास ये जो डिफरेंट कलर वाले हैं बेटा, ये हो गया और ये हो गया, दीज आर नोन एज नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स का मतलब ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाले हैं, ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है, देखें पेरेंट्स के अंदर भी ऐसे थे, यहाँ भी ऐसे हैं। अब देखें हमारे पास कॉम्बिनेशन कहाँ चेंज हुए? जहाँ क्यास मेटा या क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है, जहाँ क्यास मेटा फॉर्मेशन होती है वहाँ सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ वाले जीन्स देखें, यहाँ जो जीन्स प्रेजेंट हो गए यहाँ आ जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ, तो अब देखें ये नए रिकॉम्बिनेशन बने हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स। तो जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होती वो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, ठीक है, और जिनके दरमियान बेटा क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स। क्लियर बेटा? इस जो देखिए जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारे पास न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिन्हें रिकॉम्बिनेशन नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट्स का नाम देते हैं, उतने ज्यादा हमारे पास वेरिएशंस आएंगी, उतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए बेटा हमारे पास क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? दिस इज अ प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बिटवीन टू जीन पेयर्स एज कंपेयर टू द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। जब देखिए क्रॉसिंग ओवर होती है तो हमने कहा दो तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स या पैरेंटल कॉम्बिनेशन, दूसरे बेटा हमारे पास बनते हैं रिकॉम्बिनेंट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं या रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनती है बेटा, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बिटवीन टू जीन पेयर एज कम्पेयर टू द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय बैक क्रॉसिंग द हेटरोजाइगोट, मतलब F1 का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? होमोजाइगस डबल रिसेसिव P1 के साथ, ठीक है।
तो बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे मालूम कर सकते हैं, बैक क्रॉसिंग, ये सब टेस्ट क्रॉस भी कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस द हेटरोजाइगोट F1 का क्रॉस किसके साथ, होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ। तो हमने कहा कि अगर आप किसी एक अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल का क्रॉस होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस भी कहलाता है, वो बैक क्रॉस भी कहलाएगा। अगर आप F1 का क्रॉस किसके साथ करवाने लगे हैं, P1 के साथ, ठीक है। तो आप हेटरोजाइगोट का जो क्रॉस है वो किसके साथ करवाएंगे, होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ करवाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास इट्स वैल्यू जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन लोकाई। अब देखिए बेटा, हमारे पास जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी इसका मतलब उतने ज्यादा दो जीन्स आपस में क्या है, दूर है, ठीक है। अगर बेटा हमारे पास मतलब कि अगर 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई है तो इसका मतलब हमारे पास एक जीन दूसरे जीन से जिनके दरमियान हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने लगे हैं वो एक दूसरे से कितने यूनिट मैप पर है, 20 यूनिट मैप पर है, मैप पर वो मौजूद है। तो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा डिस्टेंस भी उनके दरमियान बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बेटा ये बात? तो इट्स वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन लोकस। तो जो दो जीन्स हैं, ठीक है, उनके जो लोकस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा जितना उनके दरमियान रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा आएगी। नेक्स्ट बेटा, आपने याद रखना है कि इसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से हम देख सकते हैं कि एक लोकस दूसरे लोकस से कितना दूर है, तो इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं हमारे पास जीन मैप को, ठीक है। तो जीन कैन बी मैप ऑन द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पेयर है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम का, और एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, मतलब कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हो चुके हैं। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास आपने याद रखना है कि दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर बेटा हमारे पास कैपिटल ए के साथ देखिए दो जीन्स हैं, एक कैपिटल ए है, दूसरा आपके पास के कैपिटल बी है, ठीक है। एक जीन का लोकस ये है, दूसरे का लोकस ये है। अब इनके दरमियान आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं, देखिए बेटा हमारे पास आपने देखना है कि कैपिटल ए यहाँ प्रेजेंट है, कैपिटल बी यहाँ है। अब यहाँ भी कैपिटल ए होगा, यहाँ भी कैपिटल बी होगा, क्योंकि इस क्रोमेटिड का डुप्लीकेट क्रोमेटिड ही है, सिस्टर क्रोमेटिड है ना दोनों के, मतलब ये लोकस और ये लोकस पर हमारे पास कैपिटल ए दो कॉपीज होंगी कैपिटल ए एलील की। तो ये बेटा हमारे पास इसी तरह यहाँ पर कैपिटल ए होगा, नीचे हमारे पास क्या होगा कैपिटल बी होगा, और दूसरे क्रोमोसोम जो इसका होमोलोगस पार्टनर है, ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास कैपिटल ए की बजाय क्या है, स्मॉल ए है। यहाँ पर डोमिनेट एलील था कैपिटल ए, यहाँ हमारे पास क्या बेटा रिसेसिव एलील है, यहाँ हमारे पास कैपिटल बी के साथ कौन से बेटा दिस इज स्मॉल बी। तो इस क्रोमोसोम पर देखें जो लिंक्ड जीन्स हैं वो ए और बी हैं, इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है और यहाँ हमारे पास क्या स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो हैं, ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होती है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो सेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जब एक्सचेंज होंगे बेटा देखें तो ये वाला जो जीन था स्मॉल बी वो आ जाएगा इस जगह, ठीक है, और कैपिटल बी क्या आ जाएगा इस जगह। तो देखिए जब इनके सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, देखें यहाँ सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं बेटा, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज होंगे, देखें ये वाला देखें यहाँ आ चुका है, ठीक है, और ये वाला देखें आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जहाँ हमारे पास कैपिटल ए के साथ जहाँ कैपिटल बी था, देखें ये अब देखें चार स्टैंड बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब एक सेल है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास पेयर की शक्ल में मौजूद थे। जब वो क्रॉसिंग और मियोसिस करवाएगा तो एक सेल से कितने बन जाएंगे, चार गैमीट्स बनेंगे। एक गैमीट के अंदर एक स्टैंड जाएगा जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल ए के साथ के बेटा कैपिटल बी है, ये बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट वाले, इसे कहते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दिस इज अ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब दूसरा देखें यहाँ पर क्या होती, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यहाँ पर बेटा जो कैपिटल स्मॉल बी था, स्मॉल बी की जगह हमारे पास कैपिटल बी आ गया, कैपिटल बी की जगह क्या आ गया, स्मॉल बी। तो देखिए अब कैपिटल ए के साथ अब कैपिटल बी नहीं रहा बल्कि क्या आ चुके हैं, स्मॉल बी आ चुके हैं। ये तो एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन है कि पहले कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी होता था, अब कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी है। और यहाँ पर देखें स्मॉल ए के साथ जहाँ स्मॉल बी था अब क्या आ चुके, कैपिटल बी आ चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। और दूसरा बेटा लास्ट वाला देखें स्मॉल ए के साथ क्या स्मॉल बी, तो दो देखें हमारे पास न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, दो रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं और दो ही आपके पास हैं बेटा पेरेंटल कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। देखें स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी वैसे ही है जैसे पेरेंट्स के अंदर थे, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी वैसे ही है जैसे कि पेरेंट्स के अंदर थे। तो नए जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बने हैं जिन्हें आप रिकॉम्बिनेंट्स का नाम देते हैं वो दो हैं, ठीक है। एक बेटा हमारे पास कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, दूसरा स्मॉल ए के साथ क्या आ गया, कैपिटल बी आ गया, ये नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे और कुछ के अंदर हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स। अब हम देखें हम कहते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले जो हमारे पास गैमेट्स बने हैं वो यहाँ मतलब ऐसे बने हैं 40% जिनके साथ कैपिटल ए के साथ बेटा क्या है हमारे पास
कैपिटल बी है, और दूसरे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, वो भी कितने परसेंट गैमेट्स बने बेटा, वो भी बने 40%, ठीक है, वो भी कितने बेटा 40% बन गए। और जो बेटा हमारे पास रिकम्बिनेंट्स बने हैं कैपिटल ए के साथ जो स्मॉल बी है बेटा, ये कितने गैमेट्स हैं, ये हमारे पास है 10%, कितने बेटा 10% है, और बेटा स्मॉल ए के साथ जो कैपिटल बी है ये भी कितने 10%, तो 10% क्या बने बेटा हमारे पास रिकम्बिनेंट्स बने हैं। अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं किस चीज़ को बेटा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला बेटा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का रिकम्बिनेंट टाइप्स ओवर सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। रिकम्बिनेंट टाइप्स हमारे पास कितने हैं, देखिए 10% बने हैं कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी वाले, ये एक नया कॉम्बिनेशन था, और 10% बने हैं बेटा हमारे पास स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी वाले, तो 10 + 10 कितने हो गए टोटल रिकम्बिनेंट 20 टाइप्स, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन 40 + 10 + 10 + 40 कितने हो जाएगी 100। तो अगर आप इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, देखें न्यू जो रिकम्बिनेंट टाइप्स थे, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन वो कितने थे 10 + 10 = 20 हो गए, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन 40 + 10 + 10 + 40 100, आंसर क्या आएगा 20%, आंसर विल बी 20% बेटा। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी निकली बेटा 20%। अब देखें 20% का मतलब है कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना था बेटा 20 यूनिट मैप था, कि ए और बी जो जीन थे दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई, और इन लोकस के इन लोकाई के दरमियान ये एक जीन ए और जीन बी के दरमियान जो डिस्टेंस था वो कितना था 20। अगर हमारे पास देखें आंसर 20 है तो हमारे पास जीन के दरमियान डिस्टेंस भी 20 यूनिट में, अगर आंसर 40 आता तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो भी कितना था 40% था। तो 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 यूनिट मैप डिस्टेंस, ठीक है, और अगर 20% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो 20 यूनिट मैप डिस्टेंस आ गया कि हमारे पास जीन ए इज लोकेटेड एट 20 यूनिट मैप, ठीक है, फ्रॉम द जीन बी, तो इसका मतलब ये 20 यूनिट मैप एक दूसरे से दूर है। और बेटा हमारे पास जो मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो सकती है दैट विल बी 50%, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है कि 50% से ज्यादा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा 50% होगी, क्लियर है बेटा। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, रिकम्बिनेंट टाइप्स जो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बने डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, वो हमेशा 100 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए 10 + 10 कितने होंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर विल बी 20%, क्लियर है बेटा ये बात। और 1% हमारे पास रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट मैप, और अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% आई है तो कितने यूनिट मैप का डिस्टेंस होगा दो जीन्स के दरमियान 20, क्लियर है। इससे आप जीन को मैप भी कर सकते हो उन क्रोमोसोम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी इसका मतलब जीन्स उतने ज्यादा एक दूसरे से दूर थे और उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के जरिए उनके दरमियान सेपरेशन हुई है, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बने हैं, और उतनी ज्यादा क्या आएंगे बेटा वेरिएशन आएंगे, क्लियर है बेटा ये बात। चलो तो और क्रॉसिंग ओवर कितने स्टैंड्स पर होते हैं बेटा 4 स्टैंड स्टेज पर होते हैं, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई के अंदर आपने सेक्स लिंकेज को देखना है, तो थॉमस हंट मार्कर ने 1910 के अंदर, ठीक है, प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी थ्रू द डिस्कवरी ऑफ सेक्स लिंकेज इन द ड्रोसोफिला। अब देखिए बेटा हमारे पास थॉमस हंट मार्कर से पहले, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ चुकी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती थी कि एक्चुअली बेटा हमारे पास एक सेल से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इनहेरिटेंस जा रही है वो किसके थ्रू जाती है, क्योंकि बेटा हमारे पास क्रोमोसोम्स बेटा एक, मतलब कि जब गेमेटोजेनेसिस होती है तो गेमेट्स के अंदर बेटा हमारे पास हाफ क्रोमोसोम एक गेमेट के अंदर चले जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरे गेमेट के अंदर चले जाते हैं, तो जो हैप्लॉइड गेमेट्स होते हैं बेटा उनके पास हाफ क्रोमोसोम मतलब मेल गेमेट से मेल हाफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है, और फीमेल के मीट के अंदर बेटा मदर से हाफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, और जब उनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो बेटा हमारे पास जायगोट के अंदर जो टोटल सेट ऑफ मतलब के पेयर की शक्ल में जो क्रोमोसोम होंगे हाफ होंगे बेटा फादर वाले और हाफ कहाँ से होंगे मदर वाले, ठीक है। तो मतलब ये कहने का था कि जो जीन्स की बात करते थे ना कि दो जीन्स होते हैं, एक जीन एक गैमेट के अंदर चला जाता है दूसरा दूसरे में, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो दो जीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब दो एलील्स इकट्ठे हो जाते हैं ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब मतलब कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती थी एक्चुअली जीन्स सेग्रीगेट नहीं होते, ठीक है, एक गैमेट्स के अंदर एक्चुअली क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद होते हैं ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी या जो इनहेरिटेंस थी इसको सपोर्ट किसने किया, जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया किसने बेटा टी एच थॉमस हंट मार्गन ने 1910 के अंदर, ठीक है, इसने बताया कि एक्चुअली जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, और ये कब एविडेंस मिला जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर कि इनके अंदर सेक्स लिंकेज कैसे डिवेल्प होती है कैसे काम करती है, क्लियर बेटी बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि एक तो इसके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल जो हमारे पास फ्रूट फ्लाई है उनके अंदर आपको, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मेल और ये क्या बेटा फीमेल, फिर पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम, फिर
और जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी हिस्सा था। और सेकंडली बेटा एक्सीलेंट फॉर द जेनेटिक स्टडीज, ठीक है, आप इनके कई मतलब के क्रॉस करवा सकते हैं, आप इनको जेनेटिक स्टडीज में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि टाइम गैप बिटवीन द टू जनरेशन के बेटा बहुत शॉर्ट है। अच्छा, शॉर्ट जनरेशन टाइम ये हमने पढ़ लिया। इजीली कलेक्शन एंड कल्चरिंग, आप मक्खियों को कलेक्ट भी आसानी के साथ कर सकते हैं, उनका कल्चरिंग भी बहुत अच्छे से तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। आपके मीठा प्रोवाइड कर दें, ठीक है, और आप दो तीन मक्खियां छोड़ दें तो कुछ दिन बाद आपको नजर आएगा कुछ के अंदर बहुत सारी मक्खियां हो गई हैं, फ्रूट फल इकट्ठी हो गई, क्योंकि उनकी कल्चरिंग बहुत आसान है, ठीक है। ये वो रीजन थी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थी, फ्रूट फ्लाई एक्सीलेंट फॉर द जीनोम स्टडी है, शॉर्ट जनरेशन टाइम है, इजीली कलेक्शन हो जाती है और कल्चरिंग बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो दीज आर द रीजन के वाई टीएच मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब देखो बेटा हमारे पास सेक्स लिंक के जो ड्रोसोफिला के अंदर है, ठीक है, जो उसने स्टडी की, ठीक है, जो ट्रेड उसने स्टडी की दैट वाज आई कलर, ठीक है। थॉमस एंड मार्गन ने क्या किया बेटा, आई कलर को स्टडी किया इन फ्रूट फ्लाई। अब आई कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है दैट इज वाई जीन दैट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये मैं पहले बातें बता रहा हूँ, उससे बाद में पता चली, लेकिन मैं कंक्लूजन पहले निकाल रहा हूँ ताकि आपको क्रॉस पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो जीन कहाँ प्रेजेंट है बेटा, आई कलर वाला एक्स क्रोमोसोम पर, उसका नाम क्या बेटा, डब्ल्यू। अब देखिए इस डब्ल्यू जीन की दो एलील्स, एक डब्ल्यू पॉजिटिव है, दूसरा आपके पास है डब्ल्यू। डब्ल्यू पॉजिटिव जीन डोमिनेंट एलील है और ये कौन सी ट्रेड प्रोड्यूस करवाते हैं, रेड आई कलर प्रोड्यूस करवाते हैं। तो डब्ल्यू पॉजिटिव डोमिनेंट एलील है तो डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सी होगी, रेड आई कलर। और जो बेटा हमारे पास रेड आई कलर है ये डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है, ठीक है, और ये इसको कंट्रोल करे डोमिनेंट एलील और ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स होती है वो बेटा डोमिनेंट ट्रेड्स मोर कॉमन किस में होगी, फीमेल के अंदर। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स आर मोर कॉमन इन द फीमेल, ये एमसीक्यू से आपने याद रखना है। तो रेड आई कलर ज्यादा किस में होगा बेटा, फीमेल फ्रूट फ्लाई के अंदर ज्यादा रेड आई कलर होगा एज कम्पेयर टू द मेल। और बेटा जो दूसरा सिंपल डब्ल्यू था, डब्ल्यू का मतलब है बेटा हमारे पास ये कौन सा आई कलर प्रोड्यूस करवाएगा, ये रिसेसिव एलील है, ये व्हाइट आई कलर प्रोड्यूस करवाता है जो कि रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, व्हाइट आई कलर। और जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल, ठीक है। तो फीमेल में डोमिनेंट ट्रेट्स ज्यादा होती है एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स, और मेल के अंदर बेटा हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स ज्यादा होंगे, क्लियर है बेटा ये बात। तो डब्ल्यू पॉजिटिव का मतलब ये है कि फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन में ये वाला जो जीन है या रेड आई कलर वाला जो जीन है या एलील है वो ज्यादा कॉमन है, इसलिए डब्ल्यू पॉजिटिव लिखते हैं। डब्ल्यू का मतलब ये लेस कॉमन है, ठीक है। और शुरू के अंदर तो तमाम मतलब जो उसने देखा था थॉमस एंड मार्गन ने, तमाम फ्रूट फ्लाइज का जो आई कलर था वो कौन सा था बेटा, रेड था, ठीक है। बाद में बेटा कैल्विन ब्रिज आया जिसने देखा कि हमारे पास एक मेल फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, जिसका आई कलर के व्हाइट है और उसने नाम दिया उसे म्यूटेंट मेल का, क्योंकि बाकी सबका रेड था उसका व्हाइट था, तो उसने कहा शायद इसके अंदर म्यूटेशन आई है जिस वजह से इसका आई कलर क्या हो चुका है बेटा, व्हाइट हो चुका है, उसे म्यूटेंट मेल का नाम दिया गया, क्लियर है। तो अब आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है जिसका नाम है डब्ल्यू। डब्ल्यू के दो एलील्स हैं, डोमिनेंट एलील डब्ल्यू पॉजिटिव है जो कि रेड आई कलर प्रोड्यूस करवाता है जो कि हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है, और जो डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स होती है मोर कॉमन इन फीमेल। और दूसरा बेटा आपके पास डब्ल्यू एलील है जो कि रिसेसिव एलील है जो कि व्हाइट आई कलर रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस करवाते हैं, और जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल। अब इसके अंदर आपने चार क्लासेस को पढ़ने हैं, देखें जीनोटाइप देखें, अब देखें हमारे पास फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स हो गए, एक एक्स पर भी डब्ल्यू पॉजिटिव, दूसरे एक्स पर भी क्या होंगे हमारे पास डब्ल्यू पॉजिटिव होंगे। ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें कि अब देखें अगर तो हमारे पास फीमेल है तो उसके अंदर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे, एक्स एक्स होंगे, एक एक्स पर भी डब्ल्यू पॉजिटिव दूसरे पर भी डब्ल्यू पॉजिटिव, तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगी, तो ट्रेड कौन सी प्रोड्यूस होगी, फीनोटाइप कौन सी होगी, रेड आई कलर। अच्छा देखिए अगर ये हेटरोजाइगस है फीमेल एक्स हो गई, ठीक है, ये आपके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम पर डब्ल्यू पॉजिटिव है जीन अलील, दूसरे पर कौन से डब्ल्यू, जस्ट डब्ल्यू है या डब्ल्यू नेगेटिव कह दें, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास अब भी हेटरोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है डब्ल्यू पॉजिटिव, तो आई कलर कौन सा, रेड। अगर बेटा आप व्हाइट आई कलर फ्रूट फ्लाई के अंदर प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कौन सा एलील होना चाहिए, रिसेसिव, ठीक है, डब्ल्यू नेगेटिव और डब्ल्यू, जस्ट डब्ल्यू आप लिख लें, ठीक है। तो बेटा हमारे पास डब्ल्यू नेगेटिव या डब्ल्यू सिंपल एक ही चीज़ है, तो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर दोनों रिसेसिव एलील्स हों देन जाकर फीमेल के अंदर आई कलर कौन सा होगा, व्हाइट होगा। और अगर हम बात करते हैं बेटा किस पर, मेल की, तो मेल में बेटा देखें हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। अब जो हमारे पास आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है चाहे डब्ल्यू पॉजिटिव या डब्ल्यू नेगेटिव या जस्ट डब्ल्यू, वो जस्ट लोकेटेड होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो अगर बेटा हमारे पास मेल के अंदर एक्स वाई जो मेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम पर डब्ल्यू पॉजिटिव है तो उसका आई कलर कौन सा होगा, रेड। लेकिन उसी बेटा एक्स क्रोमोसोम पर अगर जो डब्ल्यू नेगेटिव है जस्ट रिसेसिव एलील डब्ल्यू आ जाता है तो फिर उसका आई कलर क्या हो जाएगा, वाइट। मतलब इसका ये है कि मेल के अंदर अगर आपने व्हाइट आई कलर प्रोड्यूस करवाने तो जस्ट एक एक्स क्रोमोसोम पर आपको रिसेसिव एलील डब्ल्यू चाहिए,
ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल के अंदर बेटा आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वाइट आई कलर, तो फिर आपको दोनों एक्स क्रोमोसोम पर दोनों रिसेसिव एलील्स का होना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा देखें वाई जो मेल होता है, ठीक है, मेल में वाई पर तो कोई जीन नहीं है बेटा आई कलर वाला, दिस इज ओनली लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम पर जस्ट वन टाइम पे रिसेसिव एलील आ जाए तो उसका आई कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू द फीमेल। और बेटा अगर एक जीन जस्ट एक्स पर है वाई पर नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो गैमेट्स बनते हैं, देखिए एक गैमेट के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाएगा जिस पर डब्ल्यू जीन प्रेजेंट होगा, एलील प्रेजेंट होगा डब्ल्यू पॉजिटिव और डब्ल्यू नेगेटिव, और जो दूसरा बेटा हमारे पास गैमेट उसके अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो वाई क्रोमोसोम पर तो जैसा कोई जीन नहीं है आई कलर को कंट्रोल करने वाला, तो अगर उसका पार्टनर एलील बेटा वाई पर मौजूद ना हो तो वाई वाले गैमेट को नाम देते हैं हेमिसाइकस गैमेट, इस कंडीशन को नाम देते हैं हेमिसाइकस का। क्लियर बेटा ये बात, अगर बेटा हमारे पास एक क्रोमोसोम पर मतलब एक्स पर मौजूद है एलील वाई पर मौजूद नहीं है, दिस इज नोन एज हेमिसाइकस कंडीशन। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें क्रॉस वन जो हुआ था, ठीक है, इसे नॉर्मल क्रॉस कहते हैं, ये क्रॉस एन लिखा हुआ है, दिस इज क्रॉस वन नॉर्मल क्रॉस। नॉर्मल क्रॉस में हमारे पास हुआ क्या, ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास मतलब जनरेशन ली गई वही मेंडल का क्रॉस था, मॉर्गन रेज द कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला टू स्टडी द डिफरेंट ट्रेट्स सच एज आई कलर ऑफ द आई, ठीक है, उसने बेटा हमारे पास कल्चर तैयार किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, उसका आई कलर को स्टडी किया। नॉर्मल जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं जिन्हें वाइल्ड टाइप कहती हैं हैव द ब्राइट रेड आईज, उनका आई कलर क्या होता है, रेड होता है। ऑफिस को वर्कर्स के साथ ही कैल्विन ब्रिज ने ऑब्जर्व किया एक अनयूजुअल वाइट आई म्यूटेंट मेल फ्लाई, ठीक है, उसने बेटा एक मेल फ्लाई देखा जिसके आई कलर क्या था, वाइट था, उसने उसे म्यूटेंट मेल फ्लाई का नाम दिया। अब उसने क्रॉस करवाया, पहला क्रॉस जो नॉर्मल क्रॉस है P1, ठीक है, उसमें उसने रेड आइड फीमेल का क्रॉस करवाया किसके साथ, वाइट आइड मेल के साथ, ठीक है। अब रेड एंड फीमेल ट्री ब्रीडिंग है होमोजाइगस है, एक्स पर भी डब्ल्यू पॉजिटिव दूसरे एक्स पर भी डब्ल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर देखें एक्स वाई है, वाई पर कोई नहीं है बेटा हमारे पास डब्ल्यू, एक एक्स पर बेटा क्या है हमारे पास डब्ल्यू है, तो 50% हमारे पास गैमेट्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जिनमें एक्स पर डब्ल्यू पॉजिटिव है, 50% ऐसे जिसमें जस्ट वाई क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम से, ठीक है, तो ये गैमेट्स मेल के अंदर प्रोड्यूस हो गए, फीमेल में देखें हमारे पास एक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एक एक्स बनेगा जिस पर एक्स W पॉजिटिव, दूसरा बनेगा जिस दूसरे पे भी X W पॉजिटिव, और फी मेल के मिट्स जो बने बेटे पर उसमें बेटा हमारे पास देखें X W और दूसरा ये हमारे पास हेमी जाएगा सर, थिंक दिस इज वाई, ठीक है। अब इनका क्रॉस करवाएं, ठीक है, जब आप क्रॉस करवाएंगे देखें X X W पॉजिटिव W रेड आइट फीमेल, और इसी का क्रॉस जब इसके साथ करवाएंगे तो X W पॉजिटिव वाई, तो ये भी रेड आइट मेल हो गया। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं X X W पॉजिटिव W हेटरोजाइगस रेड आइट फीमेल, और इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं X W पॉजिटिव वाई, दिस इज आल्सो रेड आइट मेल। तो बेटा हमारे पास देखें 50% हमारे पास देखें ये हमारे पास क्या, दिस इज फीमेल दिस इज आल्सो फीमेल, ठीक है, तो 50% जो फीमेल है, ठीक है, ये रेड आइट है, और 50% जो मेल है वो भी क्या बेटा हमारे पास रेड आइट मेल है। तो मेल या फीमेल दोनों बेटा हमारे पास के रेड आइट किस में बेटा, एफ वन जनरेशन में, याद रखें जो पहला क्रॉस करवाया एफ वन जनरेशन के अंदर चाहे मेल थी चाहे फीमेल थी वो सारे के सारे रेड आइट वाले थे। तो मॉर्गन मेटेड मॉर्गन ने कौन सा क्रॉस करवाया था बेटा, वाइट आइट मेल का क्रॉस करवाया था किसके साथ, वाइल्ड टाइप रेड आइट फीमेल, और जितने भी 1237 ऑफस्प्रिंग उसे मिले इस क्रॉस के अंदर सब के अंदर जो आइज का कलर क्या था वो था रेड। तो मार्गन कंक्लूडेड दैट रेड आइट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। आपको पता है कि हमारे पास जब मेटल का क्रॉस करवाते हैं P1 का F1 के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप वाले होते हैं, और बेटा हमारे पास उनके जो है जीनोटाइप होते हैं वो क्या होते हैं हेटरोजाइगस होते हैं। तो यहाँ भी देखें ये सारे के सारे हेटरोजाइगस हैं, और इनके अंदर हमारे पास जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कौन सी बेटा रेड, ठीक है, तो रेड हमारे पास जो है रेड आई कलर इज अ डोमिनेंट ट्रेट मॉर्गन ने कंक्लूड किया, ठीक है। फिर उसने करवाया क्रॉस 2, ये भी नॉर्मल क्रॉस है, क्रॉस 2 में आपको पता है क्या करवाते हैं F1 का क्रॉस करवाते हैं F1 के साथ, ठीक है, एक आपने फीमेल लेनी और आपने मेल लेने, ठीक है, F1 में हमारे पास क्या मिले थे रेड आइट फीमेल थी और रेड आइट मेल थी, तो अब आपने क्या करवाने बेटा उन्हीं F1 का क्रॉस करवा देने रेड आइट फीमेल का क्रॉस करवा देने रेड आइट मेल के साथ, ठीक है। तो मॉर्गन अलाउड मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ F1 जनरेशन टू मेट, ठीक है, F1 जनरेशन में जो रेड आइट मेल थे और रेड आइट फीमेल थे उनका क्रॉस करवाया और प्रोड्यूस करवाई कौन सी जनरेशन F2। अकॉर्डिंग टू द मेंडल वर्क या मेंडल लॉ F2 जनरेशन के अंदर बेटा रेड अगर हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट और वाइट रिसेसिव है तो रेशियो कौन सी आनी चाहिए फिनोटाइपिक 3:1, ठीक है। ही काउंटेड 2459 रेड आइट फीमेल, 2459 कौन सी फीमेल थी रेड आइट थी, और 101 रेड आइट मेल थे, और 782 कौन से थे वाइट आइट मेल थे, मतलब रेड वाले रेड ट्रेड वाले या रेड आई कलर वाले जो ऑफस्प्रिंग थे वो 2459 प्लस 1011 3470 थे, और बेटा जो वाइट आई वाले थे वो कितने थे 782। अब हम क्रॉस देखते हैं सेकंड क्रॉस है, ये भी नॉर्मल क्रॉस है F1 और F1 का क्रॉस है, रेड आइड फीमेल जो F1 में मौजूद थी हेटरोजाइगस, ठीक है, उसका क्रॉस करवाया किसके साथ रेड आइड मेल के साथ, ठीक है। जब अब क्रॉस करवाया तो देखें हमारे पास
कुछ ऐसे गैमीट्स बने जिसके अंदर एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव है और कुछ ऐसे बने जिसके अंदर एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव, मतलब जस्ट एक में एक एक्स क्रोमोसोम पर जस्ट रिसेसिवली डब्ल्यू क्योंकि हेटरोजाइगस थे और दूसरे भी डेथ क्रोमोसोम पर डब्ल्यू पॉजिटिव है। इसी तरह रेड आई मेल का जब आपने गैमेटोजेनेसिस करा स्पर्म प्रोड्यूस है तो एक्स क्रोमोसोम पर क्या डब्ल्यू पॉजिटिव है, एक और हमारे पास दूसरा कौन सा जस्ट वाई वाला गैमेट है, ठीक है, दिस इज ओनली स्पर्म दैट कंटेन वाई क्रोमोसोम, ठीक है, हेमिजाइगस। तो अब आप देखिए इसका क्रॉस करो, जब इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव दिस इज होमोजाइगस रेड आइड फीमेल, और इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव वाई दिस इज रेड आइड मेल, और इसका क्रॉस अगर आप इसके साथ करवाएंगे, ठीक है, इसका क्रॉस आप करवाने लगे इसके साथ, ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव और डब्ल्यू आ गया, एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव डब्ल्यू का मतलब है कि हेटरोजाइगस रेड आइड फीमेल है, और जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ तो क्या होगा एक्स डब्ल्यू वाई, तो अब ये जो एक्स डब्ल्यू वाई है जस्ट एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट एक्स क्रोमोसोम पर, तो ये जो मेल होगा इसका आई कलर क्या होगा, इसका आई कलर होगा हमारे पास वाइट है, वाइट आई कलर। तो देखिए बेटा एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव होमोजाइगस जो हमारे पास रेड आइड फीमेल है, ठीक है, वो कितनी बेटा हमारे पास रेड आइड फीमेल, ठीक है, ये रेड आइड फीमेल जो कि होमोजाइगस है, दूसरी बेटा हमारे पास हेटरोजाइगस एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव एक्स डब्ल्यू ये रेड आइड फीमेल, दोनों रेड आइड फीमेल को ऐड करें तो हमारे पास जितनी रेड आइड फीमेल वाले ऑफस्प्रिंग बंधन की तादाद कितनी 2459। दूसरे बेटा अगर आप रेड आइड मेल को देखें, ये देखिए ये रेड आइड मेल है एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव, ठीक है, डब्ल्यू ये जो रेड आइड मेल है इसकी तादाद कितनी है बेटा 1011 है। अगर आप दोनों ट्रेड्स आपने बेटा फेनोटाइपिक रेशियो मालूम करने किसके दरमियान बेटा रेड और वाइट के दरमियान, किसके दरमियान रेड और व्हाइट के दरमियान आपने फिनोटाइपिक रेशियो मालूम करनी है और कितनी आनी चाहिए 3:1। तो देखिए रेड आई कलर फीमेल में 2459 मेल में कितने 1011, तो बेटा हमारे पास रेड आईड वाले जो इंडिविजुअल बनते हैं दैट आर 3470 कितने बन गए 3470, ठीक है। और बेटा हमारे पास व्हाइट आईड जो मेल है बेटा व्हाइट आईड वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद कितनी है 782 दैट आर 782। तो जब देखिए 782 आप इनका सिंपलेस्ट ले कर आएँ, ठीक है, अगर आप सिंपलेस्ट ले कर आएंगे क्या इनकी रेशो 3:1 बनती है, तो याद रखें बेटा इनकी रेशो 3:1 नहीं बनती। तो क्या वजह बेटा कि इनकी रेशो 3:1 नहीं आ रही है एफ2 के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ, ठीक है, हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो क्या रहनी चाहिए 3:1, लेकिन यहाँ पर देखें कि 3470 जो रेड आइड मेल और फीमेल हैं, ठीक है, और उनकी आप रेशो निकालते हैं बेटा 782 व्हाइट आइड मेल के साथ, ठीक है, तो व्हाइट आइड जो मेल है वो 782 है, तो क्रॉस जो सिंपलेस्ट रेशो 3:1 नहीं बनती। अब 3:1 इसलिए नहीं बनती क्योंकि बेटा उसने कहा कि ये जो हमारे पास आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है दिस इज एक्चुअली लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक बात उसे ये खनकी कि हमारे पास देखें F2 के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ मेल ही ऐसे हैं जिनका आई कलर क्या बेटा रेड है, सॉरी व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट आई कलर वाली फीमेल कोई नहीं है, बस जस्ट मेल है जिसका आई कलर क्या बेटा हमारे पास व्हाइट है, जिससे उसने ये अज्यूम भी किया कि हो सकता है बेटा व्हाइट आइड फीमेल, ठीक है, इन्वायरमेंट में सर्वाइव ही ना कर सकती हूँ, जस्ट बेटा हमारे पास व्हाइट आइड मेल ही सर्वाइव कर सकती हूँ। लेकिन जब बाद में उसने दूसरा क्रॉस करवाया टेस्ट क्रॉस, ठीक है, तो फिर उसे पता चला कि ये जो हमारे पास जीन है आई कलर को कंट्रोल करने वाला दिस इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम जिसमें डब्ल्यू पॉजिटिव डोमिनेट एलील है, डब्ल्यू क्या है रिसेसिव है, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो रेड आई कलर है दिस इज डोमिनेट ट्रेट और जो व्हाइट आई कलर है दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट, और जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू द फीमेल। अब देखिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि जीन फॉर आई कलर इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम और जो अलील से बेटा आई कलर के ये प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम देयर इज नो कोरिस्पोंडिंग अलील फॉर दिस ट्रेट ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है, उसने कहा जस्ट इसके अलील्स भी एक्स क्रोमोसोम पर हैं वाई पर इसके अलील्स प्रेजेंट नहीं होते और जो सिंगल रिसेसिव अलील ऑन एक्स क्रोमोसोम है कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेल। अगर देखिए मेल में जस्ट एक ही सिंगल रिसेसिव अलील डब्ल्यू आ जाता है तो अपने आप एक्सप्रेस कर जाता है और वाइट आई कलर प्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज एम्प्टी फॉर दैट जीन, वाई क्रोमोसोम पर ऐसे जीन ही प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फीमेल में अगर आपने बेटा रिसेसिव ट्रेट को प्रोड्यूस करवाने तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर क्या होना चाहिए रिसेसिव अलील्स होने चाहिए, क्लियर है बेटी बात। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्रॉस थ्री है जिसे आप टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में मैंने कहा था कि एफ वन का क्रॉस किसके साथ होते हैं पी वन के साथ। एफ वन में आपके पास क्या थी, ठीक है, अगर देखें पी वन जो होना चाहिए दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा वाइट आइड मेल होगा, ठीक है, तो आपने एफ वन का क्रॉस करवाने बेटा क्रॉस टेस्ट के अंदर किसके साथ पी वन के साथ। तो जो हमारे पास एफ वन है, ठीक है, एफ वन के अंदर क्या है रेड आइड फीमेल ऑफ एफ वन का आप क्रॉस करवाने लगे वाइट आइड मेल ऑफ पी वन के साथ। तो पी वन के अंदर जो आपने वाइट आइड मेल लिया था उसका क्रॉस आप एफ वन की रेड आइड फीमेल के साथ करवाने जा रहे हैं। जब आप देखें हमारे पास गैमेट्स बनवाएंगे रेड एंड फीमेल के एग्स की प्रोडक्शन होगी तो एक एग के अंदर बेटा एक्स पर डब्ल्यू और दूसरे पर क्या आ जाएगा एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव ये बन गया एग। अगर स्पर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं तो बेटा तो एक स्पर्म के अंदर एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव सॉरी एक्स डब्ल्यू वाइट एंड मेल है ना तो एक्स डब्ल्यू
और दूसरे पे हमारे पास जस्ट क्या आएगा W। अगर आप क्रॉस करवाते हैं इस केस के साथ तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, देखें एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव W मतलब कि फीमेल विद रेड हाइट। अगर इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं देखें तो एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव और वाई रेड हाइट मेल है। अगर इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं देखें एक्स डब्ल्यू होमोजाइगस रिसेसिव तो इस फीमेल का आई कलर क्या होगा, व्हाइट आइड होगा। इसी तरह एक्स डब्ल्यू का क्रॉस वाई के साथ करवाते हैं तो एक्स डब्ल्यू वाई, यहाँ भी बेटा देखें हमारे पास डब्ल्यू अपने इफेक्ट को शो करेगा और मेल क्या हो जाएगा, व्हाइट आइड मेल हो जाएगा। तो इसमें बेटा आप देखें हाफ इंडिविजुअल जैसे हैं, देखें हाफ ऊपर वाले क्या रेड आइड फीमेल और मेल है और नीचे वाले बेटा हमारे पास 50% व्हाइट आइड फीमेल और मेल है। क्लियर होगी बेटा, ये यूँ कहने के बेटा हमारे पास अगर चार में से दो फीमेल हैं तो आधी जो फीमेल है 50% जो फीमेल है बेटा वो क्या है, देखें ये हमारे पास वन, ये वन और ये हमारे पास टू, हाफ 50% मतलब दो में से एक जो फीमेल है वो रेड आइड और एक या व्हाइट आइड। इसी तरह दो मेल में से बेटा एक रेड आइड और दूसरा कौन सा हमारे पास व्हाइट आइड है। तो ये शो करते हैं बेटा कि एक्चुअली हमारे पास जो व्हाइट आई कलर को कंट्रोल करने वाला है डब्ल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो व्हाइट जो आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है दिस इज ऑप्टिकली लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, वाई पर ये क्या होता है सेंट्रल। अच्छा नेक्स्ट फिर उसने क्या करवाया इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए, उसने कंफर्मेटरी टेस्ट या रेसिप्रोकल टेस्ट करवाया क्लास नंबर फोर। इसमें उसने क्या करवाया कि क्लास थ्री के अंदर जो इंडिविजुअल थे उनको अपोजिट कर दिया। देखें पहले एफ वन के अंदर रेड आइड फीमेल थी, अब बेटा आप रेड आइड फीमेल की जगह क्या देखेंगे, व्हाइट आइड फीमेल। रेसिप्रोकल का मतलब है अब क्लास थ्री को बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। वो क्लास था बेटा किसके दरमियान, एफ वन व्हाइट रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल के साथ। यहाँ आपने व्हाइट आइड फीमेल का क्रॉस करवाना है किसके साथ, रेड आइड मेल के साथ। तो देखिए हमारे पास 50% जो बनेंगे, ठीक है, एक्स डब्ल्यू है एक्स डब्ल्यू, तो कुछ एक जमीन के अंदर एक्स डब्ल्यू चला जाएगा, ठीक है, दूसरे के अंदर भी एक्स डब्ल्यू चला जाएगा। और जब आप स्पर्म की फॉर्मेशन करवाएंगे बेटा रेड आइड मेल के अंदर एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव और ये डब्ल्यू। अब इनका आप क्रॉस करवाएं, देखें दिस इज फीमेल रेड आइड फीमेल होगी, दिस इज आल्सो रेड आइड फीमेल और ये बेटा हमारे पास है दिस इज व्हाइट आइड मेल, दिस इज आल्सो व्हाइट आइड मेल। तो आप देखिए बेटा हमारे पास चार में से 50% दो हमारे पास रेड आइड फीमेल है और दो आपके पास की रेड आइड मेल। तो 50% आपके पास रेड आइड फीमेल आ गया और 50% क्या आ गया रेड आइड मेल आ गया। तो ये क्रॉसेस शो करते हैं बेटा कि हमारे पास जो जीन है दैट आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, इनके अंदर सेक्स लिंकेज प्रेजेंट है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर। इस वजह से ये बेटा जो मेंडल्स के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेंडल्स के लॉज हैं वो बेसिकली जीन लिंकेज को या सेक्स लिंकेज को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो बेटा हमारे पास थॉमस एंड मार्गन ने, ठीक है, इस जो सेक्स लिंकेज है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर इसे एक्सप्लेन किया, जिससे बेटा एविडेंस मिला, एक सपोर्ट मिली किसको बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, कि एक्चुअली जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में। जो जीन्स के एक्चुअली बिहेवियर मेंडल ने बताया था वो बिहेवियर किसके, क्रोमोसोम के। तो क्रोमोसोम पर मौजूद जो जीन्स हैं दे सेग्रीगेट या असार्ट किसके मुताबिक होते हैं, ठीक है, जैसे क्रोमोसोम असार्ट या सेग्रीगेट होंगे, ठीक है, वैसे बेटा हमारे पास उस पर मौजूद जीन्स होंगे। क्लियर बेटी ये बात। तो ये बेटा हमारे पास सेक्स लिंक की जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे सेक्स लिंक की जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जस्ट आपको हाउ में होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। अब देखिए सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन का मतलब है कि आपने उन जीन्स को देख रहे हैं दैट आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम या बोथ ऑन एक्स एंड वाई, और फिर आपने उन जीन्स को कंट्रोल करने वाली वो ट्रेड्स स्टडी करनी है जिन ट्रेड्स को वो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अ ट्रेड हुज जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास वो ट्रेड, ठीक है, जिनके जीन कहाँ प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ऐसी ट्रेड को आप क्या नाम देंगे, एक्स लिंक ट्रेड का नाम देंगे। जो एक्स लिंक ट्रेड्स हैं मोर कॉमनली रेफर टू एज सेक्स लिंक ट्रेड्स, ठीक है, और बेटा एक्स लिंक ट्रेड्स को आप क्या नाम देते हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स का नाम देते हैं। अब देखिए जो हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ठीक है, जिनके एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील होगा तो वो ट्रेड प्रोड्यूस होगी और ये ज्यादा मोर कॉमन इन मेल, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स आर मोर कॉमन इन मेल, और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स हैं आर मोर कॉमन इन फीमेल, ये मैंने पहले भी बताया था। जैसा कि हमारे पास फ्रूट फ्लाई के अंदर रिसेसिव ट्रेड कौन सी थी, व्हाइट, तो व्हाइट आई कलर किसमें ज्यादा कॉमन था, मेल के अंदर, और जो रेड हमारे पास आई कलर था, जो रेड आई ट्रेड थी जो कि डोमिनेंट थी, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड वो किसमें ज्यादा थी, फीमेल में। तो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल, और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स हैं दे आर मोर कॉमन इन फीमेल। अगर इस तरह से आपको याद नहीं रहता तो एक आप जहन में रखते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में एक मियाँ बीवी, एक मियाँ और एक बीवी होती है, मतलब एक आपका अब्बा जी और एक आपकी अम्मा जी हैं, तो आपकी अम्मा जी हमेशा हैवी रहती हैं किस पर बेटा, हमारे पास मेल पर, ठीक है, तो हमारे पास डोमिनेंसी किसकी है, फीमेल की है, आपकी अम्मा जी की है। तो जो हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं, जहाँ वर्ल्ड डोमिनेंट आ जाते, दे आर मोर कॉमन एसोसिएटेड विद फीमेल, और आपके अब्बा जी क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, ठीक है, मुअत्तब होते हैं आपके अम्मा के। तो इसलिए जो आपके अब्बा जी हैं बेटा दे आर रिसेसिव,
तो वो जो मेल होता है हमेशा घर के अंदर क्या रहता है, रिसेसिव रहता है। तो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जहाँ भी वर्ड रिसेसिव आ जाए, दिस इज एसोसिएटेड विद मेल। तो मेल हमारे जो मर्द होते हैं वो बेचारे मजलूम होते हैं, ठीक है। तो दे आर रिसेसिव मोर कॉमिनेंट फीमेल, और जो हमारे पास डोमिनेंसी का वर्ड है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, दे आर मोर कॉमिनेंट फीमेल। क्लियर बेटा, ये जस्ट मजाक के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की, इन्हें सीरियस ना लीजिएगा। चलिए, अब जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं बेटा, ठीक है, वो फॉलो करते हैं कौन से पाथवे को, ज़िगज़ैग पाथवे को। जितनी भी एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं ये बेटा, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब मुंतकिल होती हैं तो किस पाथवे के जरिए होते हैं, इसे ज़िगज़ैग पाथवे या इनडायरेक्ट पाथवे का नाम देते हैं, आगे हम इसे पढ़ेंगे। जबकि वाइल्ड लिंक जो ट्रेड्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट वे, ठीक है, फादर टू सन ट्रांसमिट होती है। जो ज़िगज़ैग होती है बेटा, ये ग्रैंड फादर टू ग्रैंड सन होती है थ्रू द मदर और डॉटर। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है, इसे कहते हैं ज़िगज़ैग पाथवे। तो जो एक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं बेटा, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ज़िगज़ैग पाथवे, और जो वाइल्ड लिंक ट्रेड्स हैं बेटा, दे आर ट्रांसमिटेड इन द स्ट्रेट वे। अच्छा, जो जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स, अगर ये जीन्स प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पर, तो जीन्स से उन्हें आप नाम देंगे वाई लिंक्ड जीन्स का, और इनकी ट्रेट्स को आप क्या नाम देंगे, वाई लिंक्ड ट्रेट्स का नाम देंगे। एंड सच ट्रेट्स हुज जीन्स आर लोकेटेड ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, अगर ऐसे ट्रेट्स जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट है, तो उन्हें आप क्या नाम देंगे, उन्हें आप नाम देंगे एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स का या सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स का। अब देखिए, सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स का क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इनके जो हमारे पास वे ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम या ऑटोसोमल ट्रेट्स के, ठीक है। अब हैं तो ये सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद ट्रेट्स, इनके जीन्स बेटा सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, लेकिन बेटा ये जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं बिल्कुल वैसा होता है, ठीक है, जैसे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का होता है, इसलिए बेटा इन्हें सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। सच जीन्स आर कॉल्ड एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। क्लियर बेटा ये बात। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स उसकी एग्जांपल्स क्या है। देखिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स रिसेसिव किसमें ज्यादा होती है, मेल में, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपने याद रखनी है, हीमोफीलिया एग्जांपल एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की, कलर ब्लाइंडनेस है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है। तो ये तीन आपके पास ट्रेट्स हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स एंड दे आर मोर कॉमन इन मेल। और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं बेटा, जैसे कि हाइपोफॉस्फैटेमिक रिकेट्स, हाइपोफॉस्फैटेमिक और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, ठीक है। तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट या हाइपोफॉस्फैटेमिया, ये किसमें ज्यादा होती है बेटा, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो दे आर मोर कॉमन इन फीमेल। और फिर होती है वाई लिंक्ड ट्रेट्स, वो ट्रेट्स बेटा जिनके जीन जस्ट वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, उनमें एग्जांपल हमारे पास मेल्स, ठीक है। वाई क्रोमोसोम पर एक जीन होता है जिसका नाम है एस आर वाई जीन, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो एस आर वाई जीन है, दिस इज द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर ये जीन बेटा वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो फिर मेलनेस कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे पास वैलिंग ट्रेट है जस्ट ऑन, ये ज्यादा कॉमन ये होती किसके अंदर, जस्ट मेल के अंदर होती, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज ओनली लोकेटेड ऑन, इज ओनली लोकेटेड इन मेल। अच्छा, सूडो ऑटोसोमल ट्रेट में एग्जांपल किसके, बोपिंग इन इंसेक्ट्स, ठीक है। और सेक्स लिमिटेड ट्रेट क्या होती है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट का मतलब है बेटा कि हमारे पास ऐसी ट्रेट जो जस्ट या तो मेल मेल के अंदर होगी या फीमेल के अंदर होगी, ठीक है। तो अगर ऐसी ट्रेट जो जस्ट किसी एक मतलब के जेंडर के अंदर प्रेजेंट हो, मेल या फीमेल के अंदर, कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट। जैसे कि मिल्क यील्ड इन काउ, अब काउ के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास के सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, क्योंकि हमारे पास जो फीमेल्स होती है बेटा, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करवाते हैं, मेल में मेमरी ग्लैंड्स डेवलप नहीं होते फॉर द लैक्टेशन, ठीक है। इसी तरह बेटा इंसान के अंदर सेक्स लिमिटेड ट्रेट कौन सी, बियर्ड, ठीक है। तो बियर्ड बेटा हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज द सेक्स लिमिटेड ट्रेट इन मेल, मतलब आमतौर पर मर्दों की दाढ़ी आती है, औरतों की नहीं आती, ठीक है। तो दीज आर द सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स जो किसी एक मेल में होंगी या फीमेल में होंगी। फिर बेटा हमारे पास होती है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, अब इसका आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, सेक्स जो इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स हैं बेटा, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन मेल और फीमेल, दोनों में हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन किसी एक जेंडर के अंदर होंगी, या तो मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होगी या फीमेल में, हो दोनों के अंदर सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट मतलब है एक किसी मोर कॉमन इन वन जीन इन वन जेंडर, ठीक है, लेकिन ज्यादा कॉमन किसी किसके अंदर होंगे, या तो मेल के अंदर या फीमेल में। जैसा कि बाल्डनेस है, अब जो बाल्डनेस है बेटा, जो गंजापन है, ये औरतों के अंदर भी हो सकते हैं, मर्दों के अंदर भी, लेकिन ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है बेटा, मर्दों के अंदर गंजापन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बेटा, दिस इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट मतलब जस्ट या तो औरत में होगी या मर्द में होगी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट मतलब मर्द में भी हो सकती है औरत में भी, लेकिन ज्यादा या तो मर्द में होगी या औरत में होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें हीमोफीलिया है, ये हमारे पास सिलेबस का लॉस्ट टॉपिक है वैसे हीमोफीलिया, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा अपनी तसल्ली के लिए। तो जो हीमोफीलिया बेटा, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसका मतलब हीमोफीलिया किस में ज्यादा होगा, मर्दों में ज्यादा होगा, मेल के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या बेटा कि हीमोफीलिया जो ब्लड होते हैं, ठीक है,
अब जब ब्लड जब कहीं इंजरी होती है ना बेटा, जख्म होता है ठीक है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होती है, और ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाते हैं बेटा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक है। अब देखिए हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करवाती है ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक जीन्स होती हैं क्रोमोसोम पर, और इनके जो जीन्स हैं बेटा दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ठीक है। अब देखिए हीमोफीलिक जो ब्लड होगा फेल्स टू क्लॉट, अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया तो फिर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे जिससे बेटा ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी आफ्टर द इंजरी, बिकॉज इट हैज एट द रिडक्शन आर मेल फंक्शनिंग और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि उसके अंदर या तो कम मिकदार में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे या हमारे पास अब नॉर्मल बनेंगे या बन ही नहीं रहे होते ठीक है, जिस वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती। इट इज सीरियस हेरिडिटरी डिजीज बिकॉज हीमोफीलिक मे बी ब्लीड टू डेथ इवन फ्रॉम द माइनर कट्स, अगर उसे माइनर सा कट भी हीमोफीलिक पेशेंट को लग जाता है तो ब्लीडिंग तो नहीं रुक पाती जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस बंदे की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है ठीक है। अब देखिए कितनी टाइप्स में बेटा हीमोफीलिया के, 3 टाइप्स, एक हीमोफीलिया ए है, दूसरा आपके पास हीमोफीलिया बी है, और तीसरा बेटा आपके पास है हीमोफीलिया सी, ए बी एंड सी। अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सा होता है हीमोफीलिया ए, कितने परसेंट है, 80%, हीमोफीलिया बी सेकंड मेजर फॉर्म है दैट इज 20%, और हीमोफीलिया सी सबसे लेस कॉमन है दैट इज लेस देन 1%। तो सबसे मेजर कौन सा है, हीमोफीलिया ए है, कितने परसेंट होते हैं, 80, बी कितने परसेंट होते हैं, 20%, सी बेटा लेस देन 1%। अब हीमोफीलिया ए का जो रिसेस हमारे पास कौन सा फैक्टर, फैक्टर की बुनियाद पर हम इन्हें नाम देते हैं, हीमोफीलिया ए है तो उसके अंदर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो नहीं बनता दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं ठीक है। और बेटा अगर हमारे पास हीमोफीलिया बी के अंदर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर 9 ठीक है, तो अगर 8 क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता तो हीमोफीलिया ए है ठीक है, अगर 9 क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 तो वो कौन सा हीमोफीलिया बी है। और बेटा हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हमारे पास क्रिसमस फैक्टर का नाम भी देते हैं। और लास्ट में बेटा हमारे पास हीमोफीलिया सी के अंदर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। तो याद रखें हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा नहीं बन रहा बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन रहा ठीक है, बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बन रहा, और सी के अंदर बेटा क्लॉटिंग फैक्टर 11 नहीं बन रहा ठीक है। और फिर आपने इसकी जेनेटिक्स को देखेंगे तो हीमोफीलिया ए क्या बेटा, दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, हीमोफीलिया बी भी क्या बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन जो हीमोफीलिया सी है बेटा दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर बेटा हमारे पास 4 पर इसके जीन प्रेजेंट होते हैं, किसके बेटा हीमोफीलिया सी के, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मतलब हीमोफीलिया ए और बी ज्यादा किसमें कॉमन होंगे बेटा, ये रिसेसिव एक्सलेंट रिसेसिव ट्रेट्स हैं तो दे आर मोर कॉमन इन मेल ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होंगे ठीक है। तो याद रखना बेटा कि हमारे पास, चलो मैं ऐसे आपको शो करवा देता हूँ, ये मेल है तो बेटा हमारे पास एक्सलेंट रिसेसिव जो ट्रेट्स होंगे जैसे कि हमारे पास हीमोफीलिया ए या बी दे आर मोर कॉमन इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन जो हमारे पास हीमोफीलिया सी होगा ठीक है दिस इज इक्वली कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये बेटा हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम के रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो हीमोफीलिया ए एंड बी आर नॉन एलीलिक रिसेसिव, अब इनके एलील सुनी होंगे ठीक है, देखिए एक्स और वाई मेल में हमने क्या ज्यादा होंगे, तो बेटा हमारे पास सिंपल एक अगर समाल एच भी एक्स क्रोमोसोम पर आ जाते हैं मेल के अंदर, एक समाल एच आ गया, देखिए ये हमारे पास क्या थी, जीनोटाइप थी, ए एक्स वाई मेल है। अब देखिए जस्ट इसके अंदर अगर हीमोफीलिया ने प्रोड्यूस होना है तो जस्ट क्या चाहिए बेटा, एक समार रिसेसिव एलील चाहिए, देखिए दिस इज सिंपल समार रिसेसिव एलील एच, ये आ गया तो हीमोफीलिया प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है। तो हीमोफीलिया ए एंड बी आर नॉन एलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ठीक है, बट हमारे पास ये नॉन एलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, लेकिन हीमोफीलिया सी के बेटा दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, कौन से ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होते हैं बेटा, हीमोफीलिया इस ऑटोसोमल रिसेसिव जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर 4, ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम नंबर 4 है बेटा वहां पर हीमोफीलिया सी के एलील्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हीमोफीलिया ए और बी हैव मोर चांसेस इन मेल, हमें पता है कि ए और बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं तो किसमें ज्यादा होंगे बेटा, मेल में एज कम्पेयर टू द फीमेल, बल्कि हीमोफीलिया जो सी है बेटा हैज इक्वल चांसेस इन बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो मेल और फीमेल में इसके चांसेस क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर बात करते हैं कि इस इनहेरिटेंस की, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अ वोमेन कैन सफर फ्रॉम हीमोफीलिया ए, अब एक वोमेन के अंदर कब हीमोफीलिया हो सकता है, ओनली वेन शी इज होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील, जब देखें मेल फीमेल में तब बेटा हमारे पास हीमोफीलिया होगा जब वो तो एक्स एक्स पर दोनों रिसेसिव एलील मतलब वो होमोजाइगस होगी किसके लिए बेटा, फॉर द रिसेसिव एलील, मतलब ये देखें ये उसकी जीनोटाइप है, एक्स है दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, तो अगर इन दोनों एक्स क्रोमोसोम पर दोनों के दोनों बेटा हमारे पास स्मॉल एच आ जाते हैं, देखें दोनों के दोनों अगर हमारे पास स्मॉल एच आ जाते हैं ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगी, तब ये फीमेल की हो जाएगी हमारे पास हीमोफीलिक हो जाएगी
और मैन विद जस्ट वन रिसेसिव एलील विद डिस्प्ले द ट्रेट, लेकिन अगर मेल के अंदर बेटा आपने ध्यान रखना, सॉरी एक मिनट, हाँ मेल में जस्ट एक रिसेसिव एलील भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये हीमोफिलिया उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। देखें एक्स और वाई, ये हमारे पास मेल है। अब इसमें बेटा हीमोफिलिया प्रोड्यूस करवाने के लिए जस्ट आपको एक्स क्रोमोसोम पर क्या चाहिए, एक रिसेसिव एलील चाहिए। फीमेल में प्रोड्यूस करवाने तो दो रिसेसिव एलील चाहिए, लेकिन मेल के अंदर जस्ट एक रिसेसिव एलील भी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा तो हीमोफिलिया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। और हमने कहा हीमोफीलिया जो एक्स लिंक ट्रेट्स होती है, हीमोफीलिया ए ज़िगज़ैग फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर से कहां जाएगा, थ्रू अ कैरियर डॉटर टू द ग्रैंडसन। इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन आप समझ रहे हैं कि ज़िगज़ैग होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर जो ग्रैंडफादर होता है वो अपना रिसेसिव जो एलील एच होता है वो ग्रैंडसन को भेजता है, किसके थ्रू, कैरियर डॉटर के थ्रू, ठीक है। तो ग्रैंडफादर को ग्रैंडसन जाएगा, ठीक है, हीमोफीलिया हीमोफीलिक एलील स्मॉल एच या रिसेसिव एलील एच किसके थ्रू, अपने कैरियर डॉटर के थ्रू। आगे मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, इट नेवर पासेस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होती कि फादर से सन में चला जाए, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन जाएगा थ्रू द डॉटर, इसलिए इसे कहते हैं ज़िगज़ैग। अब वो जीन फॉर नॉर्मल इज एच, कैपिटल एच, अगर कैपिटल एच है तो नॉर्मल है, हीमोफीलिया नहीं है। लेकिन बेटा हमारे पास हीमोफीलिया ए कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, स्मॉल रिसेसिव एलील, ठीक है, स्मॉल एच होगा, तो कैपिटल एच नो हीमोफीलिया, स्मॉल एच मतलब हीमोफीलिया। अब फीमेल में देखें, अगर ये जीनोटाइप है एक्स एक्स और दोनों डोमिनेंट एलील कैपिटल एच हैं तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फीनोटाइप, हीमोफीलिया नहीं है। अगर बेटा फीमेल में देखें ये हेटरोजाइगस कंडीशन है, एक्स पर कैपिटल एच फिर दूसरे एक्स पर स्मॉल एच, अब देखिए स्मॉल एच प्रेजेंट तो है लेकिन ये रिसेसिव है तो डोमिनेंट कौन सा होगा, कैपिटल एच, तो बेटा हीमोफीलिया नहीं होगा, नॉर्मल होगी बट कैरियर, लेकिन ये अगले बच्चे के अंदर बेटा बेटे के अंदर ये स्मॉल एच ट्रांसफर कर सकती है, जिससे वो क्या हो जाएगा बेटा, जिससे वो हीमोफीलिक हो जाएगा। तो इसलिए बेटा अगले बच्चे को देने के लिए इसके पास स्मॉल एच है तो ये कैरियर है लेकिन नॉर्मल है। अब देखिए तीसरी को देखें, एक्स एक्स दोनों एक्स पर स्मॉल एच है तो ये क्या, हीमोफीलिक है, क्लियर है। मेल के अंदर देखें अगर हमारे पास ये जीनोटाइप है एक्स पर कैपिटल एच वाई तो ये नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो हीमोफीलिया दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अगर बेटा हमारे पास एक्स पर स्मॉल एच है फिर वाई है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक हो जाएगा, क्लियर है बेटी बात। अब नेक्स्ट बेटा इसके ट्रांसमिशन को देखें, ज़िगज़ैग से होती है, आपके पास इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। आपके पास ये मदर थी, मदर क्या थी, नॉर्मल, ये एक लड़की थी एक औरत थी जो नॉर्मल थी, एक्स एक्स देखें दोनों हमारे पास क्या हैं, दोनों आपके पास क्या हैं बेटा, डोमिनेंट एलील एच हैं, शादी हो जाती है, ठीक है, किसके साथ, फादर के साथ, ठीक है, जिस जो कि बेसिकली क्या था, हीमोफीलिक था, क्या था, हीमोफीलिक था, उस पर बेटा हमारे पास कहते स्मॉल एच था, उसके पास क्या था, स्मॉल एच जो कि हीमोफीलिक था, तो एक नॉर्मल मदर की शादी होगी एक हीमोफीलिक फादर के साथ, उनके बच्चे होंगे। अब देखें जब बच्चे होंगे, देखें उसकी बेटी होगी, बेटा होगा, देखें ये बेटी हुई, ठीक है, बेटी हुई तो बेटा हमारे पास देखें एक एक्स जो आया, कहाँ से आया बेटा, ये एक्स ये मदर से आया तो एक्स पर कैपिटल एच है, फिर वाई कहाँ से आया, सॉरी ये सॉरी एक मिनट, ये मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखें ये हमारे पास क्या थी, मदर थी, ये फादर था, दोनों की शादी हुई, एक उसकी क्या हुई बेटा, बेटी, और एक उसका हुआ बेटा। अब देखिए बेटा बेटी के अंदर क्या हुआ, बेटी का जब बेटा मदर से एक एक्स आएगा, सपोज वन दैट कि हमारे पास एक एक्स कहाँ से आ गया, मदर से, तो ये एक्स पर हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एच आ गया। दूसरा मेरे पास एक्स कब आएगा, जब वो फादर देगा, ठीक है, फादर के जो एक्स है बेटा उस पर स्मॉल एच है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक एक्स पर कैपिटल एच आ गया, दूसरे पर स्मॉल एच आ गया, तो ये बन गई कैरियर डॉटर, क्या बन गई, कैरियर डॉटर। और जो उसका बेटा था बेटा, देखें बेटे में देखें एक एक्स कहाँ से आया बेटा, मदर से, तो उस पर कैपिटल एच था, और वाई कहाँ से आया, फादर से, तो ये बन गया बेटा। तो देखिए उसके जो बेटा और बेटी पैदा हुए बेटा, ठीक है, इस मदर के, ठीक है, जो पी वन था हमारे पास पेरेंट्स का क्रॉस था, ठीक है, और ये फादर, मदर और फादर का जो क्रॉस हुआ बेटा, जो बच्चे पैदा हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी, बेटा हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, जो बेटी पैदा हुई है बेटा वो क्या बेटा हमारे पास कैरियर है, नॉर्मल है बट कैरियर। अब इसी कैरियर डॉटर जो है इसकी शादी हो जाती बेटा, ठीक है, दूसरी मैरिज लाइन है, दूसरे डॉटर हस्बैंड, ये उसका डॉटर हस्बैंड मारता है, वो भी हमारे पास क्या नॉर्मल है, उसके एक्सपर्ट हमारे पास क्या बेटा कैपिटल है, नॉर्मल है। अब देखिए जब उनकी शादी होती है फिर बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा हमारे पास ग्रैंड डॉटर हो गए, दूसरी भी ग्रैंड डॉटर, एक ग्रैंड सन, दूसरा भी ग्रैंड सन। तो अब देखिए बेटा हमारे पास ये जो ग्रैंड डॉटर है इसके पास एक एक्स कहाँ से आएगा, मदर से, एक कहाँ से आएगा, फादर से। मदर से जो हमारे पास एक एक्स आ जाएगा उसके पास भी कैपिटल एच है, फादर से जो एक्स आया उसके पास भी कैपिटल एच, तो ये नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं है। दूसरी जो बेटा हमारे पास ग्रैंड डॉटर प्रोड्यूस होगी उसके पास एक एक्स कहाँ से आएगा बेटा, देखें एक एक्स अगर ये वाला आता है मदर से और ये एक्स आ जाते हैं कहाँ से, फादर से, तो एक एक्स पर कैपिटल है, दूसरे पर बेटा रिसेसिव, तो ये है तो नॉर्मल, लेकिन क्या बेटा आपके पास कैरियर है,
है क्या बेटा, कैरियर। और जब ये हमारे पास इस कैरियर डॉक्टर, ये देखें जब बच्चा बेटा पैदा होगा तो बेटे के लिए बेटा एक एक्स कहाँ से आने, बेटा एक एक्स आने हमारे पास मदर से, और वाई कहाँ से आने फादर से। तो ये तो हो गया नॉर्मल जिस पर कैपिटल एच है। अगर ये वाला हमारे पास एक्स आ जाता है जिस पर हमारे पास स्मॉल एच है, ठीक है, स्मॉल एच वाल एक्स आ जाता है वाई फादर से आ जाता है, तो ये एक्स एच वाई, ठीक है, एक्स पर हमारे पास रिसेसिव एलील एच है। तो ये जो ग्रैंड सन ये क्या हो जाएगा इफेक्ट, दिस विल बी हीमोफिलिक, क्योंकि इसके पास देखिए एक्स लिंक रिसेसिव एलील आ गया, कौन सा बेटा स्मॉल एच वाला। तो अब देखिए बेटा ये प्रेजेंट कहाँ था, ये देखिए ये ग्रैंड, ये देखिए ये ग्रैंड सन है, ये ग्रैंड फादर है, तो इसने अपना कैपिटल सॉरी स्मॉल एच वाला जो एक्स था ये इसने किसको दे दिया, इसने दिया था अपनी ग्रैंड डॉटर को, अपनी डॉटर को, और डॉटर ने किसको दे दिया बेटा फिर अपने बेटे को। तो ये जो ट्रांसमिशन है कैसे हुई, ग्रैंड फादर टू ग्रैंड सन, ये किसके थ्रू बेटा, अपनी कैरियर डॉटर के थ्रू या मदर के थ्रू, समझ आ गए। तो ये जो पाथवे होता है बेटा दिस इज नोन एज ज़िगज़ैग पाथवे, कि एक बेटा हमारे पास नॉर्मल फीमेल की शादी हुई हीमोफिलिक मेल के साथ, ठीक है, ये मदर वो कहलाएगा, ये फादर कहलाएगा, तो फादर के पास जो एक्स पर मौजूद स्मॉल एच था, हीमोफिलिक फैक्टर था, वो अपने डायरेक्ट सन में मुंतकिल नहीं कर सका क्योंकि उसने तो वाय देना है, वाय पर तो कोई जीन है ही नहीं, वो तो उसने भेज दिया किसके पास, अपने डॉटर कैरियर डॉटर के पास। कैरियर डॉटर की जब शादी एक नॉर्मल हस्बैंड के साथ हो, एक नॉर्मल मेल के साथ, तो फिर उसने जो बेटा पैदा किया बेटा वो हमारे पास क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, ठीक है। तो अब देखिए चार बच्चे पैदा हुए, ठीक है, तो चार में से बेटा देखिए हमारे पास 75% क्या है बेटा नॉर्मल है, 75% क्या है मतलब चार में से तीन नॉर्मल है, 75% नॉर्मल, और 25% हमारे पास क्या है बेटा हीमोफिलिक होंगे, वो भी कौन बेटा, बेटा पे इफेक्टेड होगा, क्या कि बेटी इफेक्टेड हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो हीमोफिलिक है, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं बेटा, ये फ्लो करती है फ्रॉम ग्रैंड फादर टू ग्रैंड सन, किसके थ्रू बेटा, अपने कैरियर डॉटर के थ्रू, ठीक है। तो ये जो बेटा हमारे पास फ्लो कहलाता है दिस इज नोन एज ज़िगज़ैग पाथवे। तो अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए कि एक कैरियर जो डॉटर है या जो कैरियर वोमेन है उसकी शादी होती है एक नॉर्मल मेल के साथ, हस्बैंड के साथ, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें कितने ऐसे होंगे जिनको जो हीमोफिलिक होंगे, तो आंसर विल बी 25%, कितने होंगे 25, कितने परसेंट होंगे जो कैरियर होंगे वो भी आंसर क्या आएगा 25% है, क्लियर है। तो यूं भी कह रहे हैं कि हमारे पास सारी के सारी जो बच्चियां होंगी जो मतलब बेटी होंगी वो नॉर्मल होंगी, उनमें से एक हो क्या होगी कैरियर, और बेटा बच्चों के अंदर जो होंगे मतलब के सन्स के अंदर बेटों के अंदर 50% हमारे पास नॉर्मल होंगे, 50% क्या हो जाएंगे इफेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन तमाम बच्चों की बात करें तो फिर जस्ट 25% बच्चे क्या होंगे बेटा हमारे पास इफेक्टेड होंगे, हीमोफिलिक होंगे, क्लियर बेटा ये बात। नेक्स्ट हमारे पास देखें कलर ब्लाइंडनेस है। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, दिस इज आल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो नॉर्मल जो ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन है ये बेस्ड ऑन द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्न सेल्स इन द रेटिना। रेटिना के अंदर तीन तरह के कॉर्न सेल्स हैं, उनके अंदर तीन तरह की प्रोटीन होती है, एक होते हैं रेड कॉर्न सेल जिसके अंदर रेड ऑप्शन होते हैं जो रेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, एक बेटा आपके पास ग्रीन कॉर्न सेल है जिसके अंदर ग्रीन ऑप्शन है, ठीक है, वो ग्रीन वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर आपके पास एक ब्लू कॉर्न सेल जिसके अंदर ब्लू ऑप्शन है वो कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा, ब्लू को। तो अगर ये तीनों कलर्स बेटा ऑब्जर्व हो रहे हैं मतलब रेड भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है, ब्लू भी हो रहा है, तो वो जो हमारे पास विजन है वो कहलाएगी ट्राइक्रोमेटिक, मतलब तीनों कलर ऑब्जर्व हो रहे हैं तो ट्राइक्रोमेटिक कहलाएगी, ये नॉर्मल विजन है, नॉर्मल ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन कब होगी, जब थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्न सेल्स प्रेजेंट होंगे रेटिना में, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि प्राइमरी थ्री प्राइमरी कलर्स को, कौन कौन से थ्री प्राइमरी कलर्स हैं बेटा, रेड है, ग्रीन है, और क्या बेटा ब्लू है। ईच टाइप ऑफ कॉर्न सेल है स्पेसिफिक लाइट ऑब्जॉर्बिंग प्रोटीन का ऑप्शन, हर कॉर्न सेल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो लाइट को ऑब्जॉर्व करे, जैसे आप क्या नाम देते हैं ऑप्शन का, रेड जो कॉर्न सेल्स उसके अंदर रेड ऑप्शन होगी, ब्लू के अंदर ब्लू ऑप्शन, और ग्रीन के अंदर ग्रीन ऑप्शन होगी। अब जेनेटिक्स की बात करें बेटा तो जीन्स फॉर रेड एंड ऑप्शंस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम। बेटा देखिए रेड और ग्रीन जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन प्रोटीन है उसको बनाने वाले जो जीन्स हैं वो कहां मौजूद हैं, एक्स क्रोमोसोम पर, व्हाइल द जीन फॉर द ब्लू ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है, ब्लू कलर को बनाने वाली मतलब ब्लू कलर जो प्रोटीन है ऑप्शन उसको बनाने वाले जो हमारे पास जीन्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, ये आपने याद रखना है। तो बेटा हमारे पास एक्स सॉरी रेड और ग्रीन जो हमारे पास कलर है, कलर विजन है, ठीक है, दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, और जो ब्लू हमारे पास कलर है बेटा वो बेसिकली हमारे पास के ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। और टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो म्यूटेशन इन ऑप्शन जीन्स कॉज द थ्री टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अब देखिए बेटा हमारे पास अगर इनमें से किसी भी मतलब एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद रेड या ग्रीन ऑप्शन को बनाने वाले जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, या बेटा ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7 पर मौजूद जो ब्लू ऑप्शन को बनाने वाला जीन है उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, तो बेटा हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कब, जब ऑप्शन जीन्स के अंदर क्या आ जाएगी, म्यूटेशन। अब डाइक्रोमेसी क्या, देखिए ट्राइक्रोमेसी का मतलब तो था तीनों कलर नजर आ रहे हैं, रेड भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, डाइक्रोमेसी का मतलब है दो विजिबल हैं
परसीव हो रही है, एक नहीं हो रहा, ठीक है, एक ही कलर ब्लाइंडनेस है। तो अ डाइक्रोमैटिक जो पर्सन है, ठीक है, डाइक्रोमैट कैन परसीव टू प्रायमरी कलर, दो प्रायमरी कलर देख सकते हैं, बट इज अनएबल टू परसीव वन हुज ऑप्शंस आर मिसिंग ड्यू टू द म्यूटेशन। एक बेटा कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, दो कलर ऑब्जर्व होते रहेंगे। क्लियर बेटा? अब देखिए इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, आपने याद रखने के डाइक्रोमेसी के अंदर एक एग्जांपल है बेटा आपके पास प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया का मतलब ये है कि ब्लाइंडनेस कौन सी है बेटा, रेड कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब कि रेड कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा, बाकी परसेप्शन किसकी हो रही, ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है, ब्लू कलर भी नजर आ रहा है। ड्यूटरनोपिया की बात करें बेटा तो ग्रीन ब्लाइंडनेस, मतलब ग्रीन कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ठीक है, रेड और ब्लू कलर के की परसेप्शन हो पा रही है। ट्रेटनोपिया का मतलब क्या बेटा, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कि ब्लू कलर नजर नहीं आ रहा, बाकी रेड और ग्रीन नजर आ रहे हैं। फिर हमारे पास एक टर्म होती है प्रोटोनोमेलिस। प्रोटोनोमेलिस का मतलब क्या होता है, सम पीपल कैन डिटेक्ट रेड एंड ग्रीन, दोनों कलर नजर आते हैं, रेड भी नजर आते हैं ग्रीन भी, बट विद ऑल्टर्ड परसेप्शन ऑफ द रिलेटिव शेड्स ऑफ दिस कलर, ठीक है, लेकिन इन कलर्स का जो शेड होता है कुछ शेड बेटा मिस हो जाते हैं, कुछ की परसेप्शन हो जाती है, ठीक है। तो दे हैव अबनॉर्मल बट स्टिल पार्शियली फंक्शनल ऑप्शंस, ठीक है, वो कहते हैं कि नॉर्मल जो कलर विजन है वो होती अब नॉर्मल है, लेकिन बेटा मुकम्मल तौर पर वो लॉस नहीं होती, बल्कि कुछ जो हमारे पास ऑप्शंस है वो पार्शली क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, कुछ बेटा शेड्स ऑब्जर्व हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते। तो इन्हें कहते हैं प्रोटोनोमेलिस, मतलब प्रोटोनोमेलिस मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो पा रही, हो रही है लेकिन सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो पा रही। और दूसरे अगर ग्रीन कलर के शेड्स ऑब्जर्व नहीं हो रहे तो उसे आप नाम देंगे ड्यूट्रेनोमेलिस का। ड्यूट्रेनोमेलिस का मतलब बेटा ये है कि हमारे पास ग्रीन वीकनेस है, और प्रोटोनोमेलिस का मतलब कि रेड वीकनेस है। क्लियर बेटा ये बात? तो प्रोटोनोमेलिस का मतलब कि रेड कलर के वेवलेंथ ऑब्जर्व सही तरीके से नहीं हो पा रही, रेड वीकनेस है। और ड्यूटेरो इसे कहते हैं ड्यूटेरोनोमेलिस, मतलब ग्रीन वीकनेस है, ग्रीन कलर के जो वेवलेंथ है बेटा वो मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व नहीं हो पा रही। मोनोक्रोमेसी किसे कहते हैं, मोनोक्रोमेसी का मतलब है एक कलर नजर आएगा, दो कलर नजर नहीं आएंगे। अब मोनोक्रोमैट कैन परसीव ओनली वन कलर, जस्ट एक कलर नजर आते हैं। मोनोक्रोमेसी को ब्लू कलर ब्लाइंडनेस का नाम भी देते हैं। देखें ब्लू कोन, ब्लू हमारे पास कोन मोनोक्रोमेसी का मतलब क्या है कि ब्लू कलर नजर आएगा, रेड और ग्रीन नजर नहीं आएगा। तो ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी ये क्या, एक्सलिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इन विच रेड और ग्रीन कोन सेल्स एब्सेंट, रेड और ग्रीन कोन सेल्स नहीं होंगे तो रेड और ग्रीन कलर नजर नहीं आएगा। इट इज कॉमन हेरिडिटरी डिजीज, ये कॉमन हेरिडिटरी डिजीज है, ब्लू कलर मोनोक्रोमेसी ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है। लाइक एनी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये भी कौन सा पाथवे अडॉप्ट करेंगे, ज़िगज़ैग, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू द कैरियर डॉटर टू द ग्रैंड सन। अभी हमने देखा कि ग्रैंडफादर टू ग्रैंड सन जाएगा ये ट्रेट किसके थ्रू बेटा, कैरियर डॉटर के थ्रू। इट नेवर पासेस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, ये भी जानते हैं कि फादर टू सन नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर नहीं होते। And this type of color blindness is more common in men than women. इस तरह के जो color blindness है बेटा, जो blue cone monochromacy है, ये X-linked recessive trait है, तो ज़्यादा मर्दों में होगी as compared to women, because chances for a male to be affected by it are much more than the female. क्योंकि X-linked recessive trait है, तो ज़्यादा chances किस में, male के अंदर। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट में testicular feminization syndrome. Testicular जो feminization syndrome है, ये भी X-linked recessive trait है। Person की जो genotype होती है XY chromosome वाली होती है, yet एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो कौन से होते हैं, TFM, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन जीन। जब ये एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव TFM आएगा, ठीक है, तो वो बेटा हमारे पास जो उसकी बॉडी है मेल की बजाय डिवेलप हो जाएगी इनटू द फीमेल, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जब TFM जीन प्रेजेंट हो एक्स क्रोमोसोम, तो बॉडी बेटा फिजिकली किस में डिवेलप हो जाते हैं, फीमेल में, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी हो जाती है, इस सिंड्रोम को कहते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो बेटा देखें जितने भी टॉपिक्स आपके UHS के सिलेबस में थे उससे ज़्यादा मैंने करवा दी, इंशाल्लाह आई थिंक इसी में से कोई आप लोग के MCQs अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो हमारे पास MCQs बेस्ड डिस्कशन है वो भी आप लोगों को करवा दूँ, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी भी अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन है, जो सही तरीके से आपको समझ नहीं आ पा रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।